गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारे सीए फाइनल के ग्रुप नंबर 1 का पेपर नंबर 2 है एसएफएम, उसकी शुरुआत करेंगे कंप्लीट 100 मार्क्स। ओके दोस्तों, इससे पहले कि हम एसएफएम की शुरुआत करें, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम प्रवीण कटोड एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। I became CA in year 2005, so it's been 17-18 years since I'm a chartered accountant. After becoming CA in year 2005, I worked at various places in multinational companies at Bangalore, at Mumbai, and in year 2008 I moved to America. There I worked for 2.5 years, and then in year 2010 I moved back to India, and since year 2010 I am into teaching field. I teach strategic financial management costing at both CA final as well as CA intermediate levels. Okay, so that was all about me. Now let's talk about our subject. दोस्तों, हमारा जो subject है वो CA final strategic financial management. Okay, कुछ basic से questions मैं आपसे पूछना चाहूँगा इससे पहले कि हम SFM की शुरुआत करें। वॉल्यूम ज़्यादा आ रही, वॉल्यूम कम करो, ये खुद ही पता चल जाना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दोस्तों, सीए फाइनल का जो ग्रुप नंबर 1 है उसके अंदर सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी एसएफएम के अंदर लाए जा सकते हैं और आए भी हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर 90 प्लस स्कोर करते हैं। यानी एसएफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके ग्रुप 1 के एग्रीगेट को बनाने में हेल्प करता है। इनफैक्ट ग्रुप 1 का एग्रीगेट तो ठीक ही, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें इतने मार्क्स आते हैं कि आपके ग्रुप 2 में भी जो कमी पेशी होती है वो सारी की सारी एसएफएम पूरी कर देता है। दोस्तों, ये रहे हमारे काफी सारे टॉपर्स। इनसे देखकर हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इन्होंने 94, 92 एंड सो ऑन इतने मार्क्स स्कोर करें। ये जितने भी सारे स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, इनमें से एक भी ऐसा कोई वैसा स्टूडेंट नहीं है जिसने इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक लगाई हो, फर्स्ट रैंक, या फिर 50 में से भी कोई रैंक लगाई हो। They were average student. They were perfectly average student, and this average students have scored more than 90 marks or more than 80 marks. और ये सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स है, स्क्रीन पर साइज लिमिटेड होती है, लेकिन आपने भी आपके सीनियर से सुना होगा कि एसएफएम के अंदर अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। तो पहली चीज जो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एक टारगेट सेट कर रहे हैं। आप अपने मन में एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इतने मार्क्स एटलीस्ट एसएफएम में स्कोर करने हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी मन में सोच रहे होंगे मुझे 80 प्लस स्कोर करना है, कुछ स्टूडेंट्स ने अभी इमीडिएटली सोच लिया होगा नहीं मुझे 90 प्लस स्कोर करना है। मैं आपसे एक बात कहूंगा, मन में टारगेट रखिए 100 का, मुझे 100 में से 100 एसएफएम में स्कोर करने हैं। जैसे ही आप अपना टारगेट सेट करते हो और आपने 100 ऑन 100 का टारगेट सेट कर लिया, तो आपके पढ़ने की, समझने की अप्रोच ही डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपने 100 ऑन 100 का टारगेट सेट कर लिया है तो आप सारे कॉन्सेप्ट्स समझना चाहोगे, उसमें से एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करना चाहोगे, क्योंकि 100 ऑन 100 मींस परफेक्शन, राइट? सो नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न। मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। जितना भी हमारा आईसीआई का स्टडी मटेरियल है एटसेट्रा, जितने भी सोर्सेज है वो हम सारे के सारे कवर करेंगे, राइट? ये हुई मेरी तरफ से टीचिंग और नॉलेज ट्रांसमिशन की बात। आपकी तरफ से आपको उस नॉलेज को रिसीव करना है, रिटेन करना है और अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है। तब जाकर दोस्तों अगली बार हो सकता है कि जब मैं नेक्स्ट बैच लूं तो शायद आप में से किसी के नाम यहां पर हो। ओके दोस्तों, इसी के साथ साथ एक और मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं कि वे ऑल इंडिया रैंक्स के टारगेट रखें, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए अब आप सीए फाइनल में तो आ ही गए हैं, मुश्किल से आपके 1-1.5 साल की स्टडीज और बाकी है। इंटरमीडिएट में आपकी रैंक लगी हो ना हो, फाउंडेशन में रैंक लगी हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आपकी सीए फाइनल में एआईआर है। अगर है तो सीधे आपका पैकेज ही एटलीस्ट 1.5 टाइम्स से लेकर 2 टाइम्स लगेगा। एक नॉर्मल अगर आप सीए बनते हैं तो आपका एवरेज लगेगा एनीवेयर बिटवीन 8 लाख से 12 लाख, सपोज 10 लाख का पैकेज लगा। लेकिन यही अगर आप एक ऑल इंडिया रैंकर है तो कई जगह तो आपको विदाउट इंटरव्यू ही डायरेक्टली ऑफर लेटर मिल जाएगा, एंड दैट ऑफर लेटर कुड बी लाइक 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, राइट? यानी सिर्फ 1.5 साल की मेहनत है। अपनी 70 साल की जिंदगी में ये 1.5 साल अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको एक तो जंप स्टार्ट मिलेगा, 10 लाख की जगह आप 20 लाख से स्टार्ट करोगे, पहला। दूसरा, अब जब ग्रोथ होगी तो 10 लाख वाले की ग्रोथ कैसे होगी वो आप समझ रहे हैं। 10 से ही विड गो टू 11, 12, 13, 15 एंड सो ऑन, राइट। 20 वाला कैसा जाएगा, 20, 22, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर इस 1.5 साल अगर हम मेहनत कर लें तो ऑल इंडिया रैंक पॉसिबल है। और ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो। अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से समझा, इम्प्लीमेंट करा, प्रैक्टिस करी, ये जितने भी सारे यहाँ पर रैंकर्स ये कोई एक बार पढ़कर रैंक नहीं लेकर आए, मतलब एक बार इन्होंने रिवीजन किया और रैंक नहीं आ गई। मेरी काफ़ी सारे टॉपर्स से जब उनके रिजल्ट आते तो बात होती है, जैसे इसकी पिछली वाली स्क्रीन पर मैंने जिसके 94 मार्क्स दिखाए थे, ही सेड आई रिवाइज SFM फॉर 7 times रिविजन एंड ही स्कोर्ड 94 मार्क्स। और उसने कहा कि सर एक 5 मार्क का क्वेश्चन था वो मुझे बना ही नहीं, यानी इफेक्टिवली 95 में से ही स्कोर्ड 94 मार्क्स, राइट। सो यू कैन सी कि हम कितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हैं। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। दोस्तों ये थे सारे हमारे इंस्पिरेशंस और अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ओके, ये मेरा इंट्रोडक्शन है दोस्तों, काफ़ी लंबा चौड़ा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट। हम सबसे पहले हमारे सिलेबस की बात करते हैं। हमारा सिलेबस SFM का आखिर किस तरीके से ICAI ने डिज़ाइन किया है। SFM का सिलेबस ICAI ने बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें आपकी कॉरपोरेट लाइफ, यानी CA बनने के बाद जब आप जॉब करेंगे सपोज, तो जो आपकी कॉरपोरेट लाइफ में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स काम में आने वाले हैं वो तो कवर्ड है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ के टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर्ड है। आपको जो पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में चीज़ें लगेंगी वो भी यहाँ पर कवर्ड है। यानी दो चीज़ें हैं, या तो आप CA बनने के बाद फाइनेंस की फील्ड में ही काम करेंगे तो आपको कॉरपोरेट फाइनेंस के जो टॉपिक्स है वो काम में आएंगे ही आएंगे। अगर आपने CA बनने के बाद सपोज प्रैक्टिस की शुरू, या फिर आपने और कोई दूसरा काम शुरू किया विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आप ऑडिट की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो भी दोस्तों पैसे तो कमाओगे। पैसे कमाओगे तो आखिर उसको मैनेज कैसे करना, पैसे से पैसा कमाना, वो सारे टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर्ड है। तो हम हमारे सिलेबस को दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे सिलेबस में 2 तरह के टॉपिक्स आपको नजर आएंगे। सबसे पहले हैं जो कि कॉरपोरेट फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और दूसरे तरह के टॉपिक्स होते हैं जो कि किससे रिलेटेड है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। हम सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कौन कौन से कॉरपोरेट फाइनेंस के टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने और कौन से पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने। सबसे पहले दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस के टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों सीए इंटर में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम यहां पर सीए फाइनल में पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी आपने देखा होगा आज की तारीख में मैक्सिमम कंपनीज कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड है, या तो डायरेक्टली कनेक्टेड है या फिर इनडायरेक्टली, तो हर कंपनी कनेक्टेड है। आज अमेरिका में क्या हो रहा है उससे इंडिया को फर्क पड़ता है, चाइना क्या कर रहा है उससे इंडिया को फर्क पड़ता है, इंडियन कंपनीज को फर्क पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो इससे ये 2 देश सिर्फ प्रभावित नहीं होते, इससे वर्ल्ड की जितनी सारी कंट्रीज हैं वो सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से और उन सब पर इंपैक्ट आता है, राइट। आज मैक्सिमम कंपनीज एक्सपोर्ट बिजनेस में लगी हुई है या फिर इंपोर्टेड आइटम्स को कंज्यूम करती है, या तो हम इंपोर्टेड आइटम्स को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं या फिर इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज की फॉरेन ब्रांचेस रहती, तो इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना वो हम यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों इसी के साथ साथ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉरेन करेंसीज का नॉलेज होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। सोचिए कि अगर आपकी जॉब इन्फोसिस में लगे तो इन्फोसिस का मैक्सिमम रेवेन्यू, इन्फोसिस का मोर देन 90% ऑफ द रेवेन्यू क्या इंडियन रुपीस में आता है? नो, इट कम्स इन आइदर इन डॉलर्स, यूरोस या फिर पाउंड्स, इस तरीके की करेंसीज में आता है। अब आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर ये एक्सचेंज रेट्स चेंज होती जाती। तो वहाँ पर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कब कंपनी के डॉलर अकाउंट से कन्वर्ट करना है रेवेन्यू इनटू रुपी अकाउंट, राइट। अगर वो सिर्फ इतना सा भी काम अच्छे से कर लेना, इट विल एड टू करोड़ ऑफ रुपीज इन दी रेवेन्यूज, राइट। तो दोस्तों किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और रिस्क मैनेजमेंट किया जाए वो हम यहाँ पर देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दोस्तों क्रूड ऑयल आता है मिडिल ईस्ट से और बाद में क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से प्रोसेस होकर वापस से एक्सपोर्ट हो जाता है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का इंपोर्ट भी फॉरेन करेंसी में है और एक्सपोर्ट भी फॉरेन करेंसी में। तो अगर ये करेंसी के फ्लक्चुएशंस को हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए तो फिर वी वुड बी एडिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट टू दी कंपनीज बॉटम लाइन, राइट। तो ये काम कैसे किया जाए वो हम यहाँ पर सीखते हैं, राइट। दोस्तों इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक होता है वो होता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। आरबीआई ने दोस्तों मई 2022 और जून 2022 में रेपो रेट फटाफट हाइक कर दी, यानी इन 2 महीनों में आरबीआई ने क्या करा 1% से रेपो रेट बढ़ा दी, राइट। जैसे ही 1% से आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करता है, बैंक्स भी इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करती है और जितने सारे कॉर्पोरेट से उन्होंने जो बोरोइंग कर रखी है उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एकदम से शूट अप हो जाती है। Think of Reliance Industries या फिर think of Vodafone Idea, they have taken a lot of debt. Suppose कि इन कंपनीज ने लेट से 25,000 करोड़ का डेट ले रखा, या अडानी ग्रुप हुआ, राइट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का डेट। अगर 25,000 करोड़ का भी डेट है और उस पर 1% का भी इंपैक्ट आया तो दोस्तों ये 1% का इंपैक्ट तो खैर आरबीआई टू बैंक के बीच में आया, जो बैंक टू कॉर्पोरेट इससे ज्यादा इंपैक्ट आता है, राइट। वो जैसे जैसे ट्रांसमिशन होता है इंटरेस्ट रेट का वैसे वैसे इंपैक्ट बढ़ता चला जाता है। तो ये 25,000 करोड़ का अगर आप 1% भी इंपैक्ट देखोगे तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ इंपैक्ट, राइट। आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान ही चेंज हो जाते हैं। आपने सीए इंटरमीडिएट में कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा होगा। वहां आप जानते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करते हैं तो डिस्काउंटिंग रेट किसे लेते हैं, केओ को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपके प्रोजेक्ट की एनपीवी हो सकता है पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो जाए तो, राइट। तो एक कंपनी को अपनी इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर को मैनेज करते आना चाहिए। ऐसे टूल्स दोस्तों बाजार में अवेलेबल है कि आरबीआई चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी बढ़ा दे आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहेगी वो लॉक हो जाएगी। और मैं यहाँ पर फिक्स रेट लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जिससे कि हम हमारे इंटरेस्ट रेट के एक्सपोजर को मैनेज कर सकते हैं, यानी अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही है तो भी हम इंसुलेटेड रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे इस इंटरेस्ट रेट हाइक से, और हमारी ईएमआई लोन की वही रहेगी। किस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। अगर आपकी HDFC बैंक में जॉब लगी, अगर आपकी कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब लगी तो इनका तो काम ही 100% किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट्स, डिपॉजिट्स लेना अगेन इंटरेस्ट रेट्स, लोन देना अगेन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के एक्सपोजर को किस तरीके से मैनेज किया जाए वो हम यहां पर देखते हैं, राइट। दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एंड दैट इज मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। नाम तो सुना होगा, मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग, राइट। आज की तारीख में डेली बेसिस पर कई सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, डेली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं। आप और मैं जो पेपर में पढ़ते हैं ना वो तो सिर्फ बड़े मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बातें पढ़ते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर कई सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, छोटी मोटी कंपनियां तो यूं ही एक्वायर हो जाती है। क्या आपको पता है कि इन्फोसिस, विप्रो, TCS यहां पर एक डिपार्टमेंट ही होता है, वो डिपार्टमेंट डे इन डे आउट डेली बेसिस पर एक ही काम करता है कि नई नई कंपनियों को देखता रहता है, उनका इवैल्यूएशन करता रहता है और उनको टेक ओवर करता रहता है। 200-250 करोड़ की कंपनी तो अक्वायर हो जाती है और पेपर में इसकी खबर भी नहीं छपती है। यानी इन्फोसिस साल में लगभग 20 से 30 एक्विजिशन तो यूं ही कर लेता है जो कहीं न्यूज़पेपर में भी प्रिंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी छोटी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज का इवैल्यूएशन करते रहते हैं और उन्हें अक्वायर करते रहते हैं, राइट। दोस्तों मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें अच्छा खासा पैकेज आगे जाकर होता है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs ये सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। शायद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस तो आपने ये इंटरमीडिएट में भी कुछ तो देखा होगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस वहां पर था, राइट। हम यहाँ पर समझेंगे एसएफएम में कि आखिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील खुद कैसे एग्जीक्यूट होती है। जो आपने वहां पर ये इंटरमीडिएट में पढ़ा है वो आपने कुछ नहीं करा, वहां पर आपने सिर्फ लेखांकन किया, अकाउंटिंग करिए कि एक बार मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो जाए तो उसकी अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स कैसे बनाना। लेकिन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील खुद कैसे स्टार्ट होती है, कैसे प्रोसीड होती है, कैसे उसे कंक्लूड करना क्लाइंट के साथ, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एसएफएम में देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है एंड दैट इज रिलेटेड टू वैल्यूएशंस। अगर आप किसी कंपनी को अक्वायर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्वेश्चन इज कि आखिर कितने में अक्वायर करें। इज दिस कंपनी वर्थ 200 करोड़ और 250 करोड़ और 300 करोड़ और 500 करोड़? हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस। दोस्तों वो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हम यहाँ पर सीखते हैं। जो हम वैल्यूएशन की कला यहाँ पर सीखते हैं वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने में काम में आती। अगर आप एक किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहे हो कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर इस कंपनी का मेरी नजरों में वैल्यूएशन क्या है, क्या ये उस वैल्यूएशन से काफी कम पर मिल रही है, यानी देयर इज अ डीप डिस्काउंट, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक बिग मनी, राइट। या फिर स्टार्टअप्स में जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो जब स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टार्टअप का वैल्यूएशन आखिर कैसे किया जाए, मतलब हाउ टू वैल्यू अ स्टार्टअप। उसका रेवेन्यू क्या है, उसका क्लाइंटेल क्या है, उसकी रीच क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, उसकी बिजनेस में रिस्क क्या है, ये सारी चीजें वैल्यूएशन के अंदर कवर्ड होती है एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टॉपिक, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप, जिसमें हम देखते हैं कि आखिर स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेकर आए हैं, स्टार्टअप आखिर खुद किसे कहते हैं और स्टार्टअप आखिर किस तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। आपने देखा होगा आज की तारीख में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स इंडिया में चल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि आज से कुछ सालों पहले गवर्नमेंट स्टार्टअप की स्कीम लेकर आई थी जिससे कि स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिल सके, राइट। तो आखिर स्टार्टअप कैसे फंड रेज कर सकते हैं, उसमें किस स्टेज पर आपने शायद कभी पेपर में पढ़ा होगा, राउंड 1 ऑफ फंड रेज, राउंड 2 ऑफ फंड रेज, तो ये किस तरीके से फंड रेज होता है, किस तरीके से वैल्यूएशंस होता है स्टार्टअप का, ये सारी चीजें हम यहां पर समझते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आखिर क्या होते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आखिर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल इन नेचर, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, कि कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए और उसको लॉन्ग रन में चलाने के लिए आखिर किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए। काफी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कुछ समय तो बहुत अच्छा नाम करती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तक वो कंपनीज चलेंगे और अचानक से कुछ चेंज आया, रेगुलेटरी चेंज आया, बूम, कंपनी वेंट बैंकरप्ट। उसके खिलाफ, उसी के अगेंस्ट काफी सारी ऐसी कंपनीज है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बरसों से चली आ रही है और बरसों तक चली जाएगी। नेस्ले इंडिया काफी सालों से ऑपरेट कर रहा है और काफी अगले सालों तक वो ऑपरेट करता रहेगा, राइट। तो हमें समझना है कि आखिर किस तरीके से हम हमारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को डिजाइन करें ताकि हम लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाए, क्योंकि हर कंपनी की लाइफ में ऐसे कुछ मोड़ आते हैं जब वो कंपनी फाइनेंशियल रिस्क फेस करती है, बिजनेस रिस्क फेस करती है। जैसे नेस्ले का भी आपको पता होगा कुछ सालों पहले मैगी का कुछ किस्सा हो गया था कि मैगी के अंदर कुछ लेड मिला था और जिसकी वजह से एकदम से मैगी को बैन कर दिया था, नेस्ले का एकदम से रेवेन्यू डाउन हो गया था, शेयर प्राइसेस क्रैश हो गई थी। लेकिन किस तरीके से इन चीज़ों को सर्वाइव करना। वैसे ही दोस्तों फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर हमेशा एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई रहती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जैसे ही ड्रग कंट्रोलर्स आए और उन्होंने उनके प्लांट का इंस्पेक्शन किया और प्लांट का इंस्पेक्शन करते हुए अगर उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल गई तो अचानक से उस प्लांट को फ्रीज कर दिया जाता है या फिर उससे जो मैन्युफैक्चर हो रही है मेडिसिन्स उनको बैन कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। काफ़ी बार आपको मेडिसिन्स रिकॉल करनी पड़ती है। तो किस तरीके से इनकी पॉलिसीज डिज़ाइन की जाए ताकि हम लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएँ, राइट। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन। नाम तो सुना होगा आपने सीए इंटरमीडिएट में, सिक्योरिटाइजेशन एफएम की थ्योरी के अंदर हुआ करता था सिक्योरिटाइजेशन। ओके दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन बेसिकली प्रोसेस होती है जो कि नॉर्मली बैंक्स फॉलो करती हैं। और बैंक्स बेसिकली क्या करती है, बैंक ने जैसे आपको लोन दिया, बैंक के पास इधर से डिपॉजिट आया, बैंक ने आपको लोन दिया, खेल खत्म। इधर डिपॉजिट आया, इधर लोन दिया। लेकिन बैंक क्या करती है, वो जो बैंक ने लोन दिया है उसे सिक्योरिटाइज करती है, यानी बैंक उस लोन को किसी और को सेल कर देती है। आपको नहीं पता चलेगा, जिसने लोन लिया उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों बैकड्रॉप में क्या होता है कि ये लोन किसी को सेल कर दिया जाता है, एक डील हो जाती है और वहां से हमारे पास वापस से पैसा आ जाता है जिसको हम फिर से फर्दर लैंडिंग कर सकते हैं। वो कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होती है, उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करने पड़ते हैं, ट्रस्टीज होते हैं, ये सारी चीजें हम कहां पर देखेंगे, सिक्योरिटाइजेशन में देखेंगे, राइट। फिर दोस्तों अब हम आते हैं, बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स की जो कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। आप सीए बन गए, सीए बनने के बाद आपका पैकेज लगा, सपोज हमारा 15 लाख का पैकेज लगा, 15 लाख बहुत बड़ी बात होती। 15 लाख का पैकेज यानी महीने के कितने हो गए, लगभग 1.25 लाख रुपए, है ना, 1,25,000 रुपीज। खैर इफेक्टिवली कट पीट कर थोड़ा सा कम मिलता, कोई बात नहीं यार, 1.25 लाख में से कुछ कट भी कर ले तो क्या है। 1,25,000 में से सपोज कि उन्होंने कुछ डिडक्शन कर ली, सपोज टैक्स का डिडक्शन हो गया, पीएफ का डिडक्शन हो गया, 1 लाख रुपीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। आपके सीए बनते साथ ही आपकी विदिन 2 मंथ्स तो जॉब ही लग जाएगी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, और 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। फर्स्ट मंथ ऑफ योर जॉब 1 लाख रुपीस क्रेडिट हो गए, सबसे पहली सैलरी से। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदेगा, मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड के लिए, यानी पहले महीने की सैलरी पार्टी में इधर उधर एटसेट्रा। चलो 1 लाख रुपए हमने उड़ा भी दिया अपनी मेहनत के। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, ऐसे करके आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आने लग जाता है। सपोज कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स आपके बैंक अकाउंट में 3.5 लाख रुपए का बैलेंस है, 3,50,000 रुपीज का आपका बैलेंस। हाँ जी, क्या करेंगे अब आप इसका, एफडी कर देंगे 5%, उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है। हाँ जी, क्या करेंगे आप इस 3,50,000 रुपीज का, शेयर्स और क्या क्या एवेन्यूज है आपके पास, शेयर्स और क्या क्या एवेन्यूज है, प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, यस, बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, या फिर कमोडिटी मार्केट हुआ, एमसीएक्स हुआ, एनसीडीएक्स हुआ, राइट। दोस्तों ये बात आप विश्वास मानकर ही चलिए कि आप जो पैसा कमा रहे हैं ना उसको आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ जॉब ही करते रह जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाना चाहिए लाइफ में जहां पर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़े, यानी यू डोंट नीड टू वर्क फॉर मनी, इनफैक्ट द मनी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर यू, राइट। और आपने आपके किसी भी रिलेटिव जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो, आप सोचिए उनका दिमाग में कि उनके पास जो पैसा आया क्या उन्होंने बिजनेस से या जॉब से कमाया या उन्होंने इन्वेस्टमेंट से कमाया, जो भी उनकी वेल्थ हो। जैसे आपके कोई रिलेटिव है जिनकी 25 करोड़ की वेल्थ है सपोज, तो ये 25 करोड़ की वेल्थ क्या उन्होंने सारी की सारी बिजनेस से ही कमाई या जॉब से ही कमाई? नहीं, उन्होंने आज से 10 साल पहले कहीं पर कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान सपोज करो कि 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने 10 साल पहले खरीद ली थी 50 लाख की, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई। या सपोज कि 10 साल पहले उन्होंने किसी कंपनी के, सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीद लिए थे, या उन्होंने और किसी कंपनी के नेस्ले के शेयर खरीद लिए थे, या हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर खरीद लिए थे, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई है, राइट। तो ये मान के चलो कि व्यक्ति का एक पॉइंट ऐसा आ जाता है लाइफ में कि जितना फिर वो मेहनत करके नहीं कमा पा रहा है ना, उससे ज्यादा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट से कमाना शुरू कर देता है, राइट। उसको डिविडेंड्स आने लग जाते हैं, उसके प्रॉपर्टी के प्राइसेस अप्रिशिएट होने लग जाते हैं, या उसने कोई बिल्डिंग सपोज परचेज कर ली कमर्शियल एरिया में, अब उसका रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये भी समझते हैं कि आखिर किस तरीके से पैसों से पैसा बनाना, उसमें मेनली हम दोस्तों पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो का मीनिंग समझते हो कि किसी एक सिंगल शेयर में अपना पैसा नहीं लगाना, वी हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो जिसके अंदर कुछ शेयर्स होंगे। अलग अलग सेक्टर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। फॉर एग्जांपल शुगर सेक्टर में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, एफएमसीजी कंपनीज में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, ऑयल एंड गैस में भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। पावर सेक्टर की किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है ताकि रिटर्न भी हमें अच्छा मिले, रिस्क भी उस पोर्टफोलियो की कम हो। ये पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना वो हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो जब हम बनाते हैं तो हमें सिक्योरिटीज का एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे अगर आपको आज नेस्ले का शेयर खरीदना है तो उठा के थोड़ी ना खरीद लेते हैं कि 18,000 रुपए का नेस्ले का शेयर है खरीदो यार। हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू 12,000 रुपए ही, 12,000 हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू 24,000 और हमें कितने में मिल रहा है, 18,000 में, राइट। सो यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी स्टॉक इन विच यू विश टू इन्वेस्ट। सिक्योरिटी के एनालिसिस में दोस्तों दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट आखिर आगे फ्यूचर में क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लान कर रहा है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स आखिर क्या है। आपने कभी स्वॉट एनालिसिस सुना होगा, है ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, उसका एनालिसिस करना। ये सारी चीज़ें किस में कवर होती है, फंडामेंटल एनालिसिस में कवर होती है, राइट। इसी के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग तरह का एनालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल एनालिसिस। आप में से मेरे हिसाब से दोस्तों आजकल यंग जनरेशन में ट्रेंड है कि वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा भी करते होंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट तो करते होंगे। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स के होंगे डीमैट अकाउंट होंगे, शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करते होंगे। अभी जो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो 100% आई कैन गारंटी यू कि आप कहीं सुनी बातों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी किसी ने कुछ बोल दिया कि यार ये एक शेयर अच्छा है तो ये वाला शेयर खरीद ले, राइट। लेकिन क्या एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या म्यूचुअल फंड किसी फ्रेंड के कहने पर खरीदते होंगे शेयर? नो, दे डू देयर ओन एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। जिस दिन आप ये सीख गए ना, आप आत्मनिर्भर बन जाओगे। नहीं आपको किसी की, इनफैक्ट आप दूसरों को टिप दोगे कि इस शेयर का मैंने एनालिसिस कर लिया, ये वाला शेयर खरीद ले, ये वाला शेयर अच्छा चलेगा, राइट। सो हियर कम्स इनटू पिक्चर द स्किल्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस, राइट। टेक्निकल एनालिसिस में हम मेनली शेयर के चार्ट्स की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, शेयर का जो चार्ट बनता है, शेयर के प्राइजेस का जो चार्ट बनता है, हम उसकी स्टडी करते हैं और उसकी स्टडी करके भी हम ये पता कर सकते हैं कि अब ये शेयर ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, राइट। क्योंकि आप एक बात बताइए, एफआईआईस, म्यूचुअल फंड, ये लोग पैसा कमाते हैं, यस। जब ये लोग किसी शेयर की स्टडी करते हैं तो ये सिर्फ स्टडी करते से ही पैसा नहीं कमा लेते, इनको स्टडी करने के बाद उस शेयर को परचेज करना पड़ता है। क्या ये 100-200 शेयर खरीदते होंगे या लाखों और करोड़ों में इनके नंबर ऑफ शेयर्स, लाखों और करोड़ों में इनके नंबर ऑफ शेयर्स जाते हैं? क्या ये एक ही दिन में सारा खरीद लेते होंगे? 1 करोड़ शेयर एक दिन में खरीद सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने एनालिसिस करा और आपने कहा कि मुझे 1 करोड़ शेयर्स, मेरा जो भी पोर्टफोलियो उसके अंदर 1 करोड़ शेयर्स मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीदने। सपोज करो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है 2500 पर, तो 2500 करोड़ की बाइंग आप एक दिन में कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक ही दिन में करने गए तो अचानक से प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो जाएंगे। नहीं, आप क्या करोगे, एज अ म्यूचुअल फंड या फिर एज एन एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, आप ग्रेजुअल बाइंग करोगे ताकि मार्केट में खबर ना लगे, इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि अगर एक बार मार्केट में न्यूज उड़ गई कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इतनी बड़ी बाइंग करने वाला है, तो आपके खरीदने से पहले ही शेयर के प्राइजेस शूट अप हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइजेस शूट अप हो जाएंगे तो फिर अब आपको महंगे में खरीदना पड़ेगा, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये लोग धीरे धीरे ग्रेजुअल बाइंग करना शुरू करते हैं। वैसे आप एक बात बताइए, इनके बाइंग करने की वजह से शेयर स्टेबल रहेगा, नीचे गिरेगा या थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा? क्योंकि एक बाइंग क्रिएट हो रही, एडिशनल डिमांड आ रही जो रूटीन डिमांड से ज्यादा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो बाइंग कर रहा है? या तो मेरा कोई फ्रेंड हो जो कि वहां पर जॉब करता हो और वो बता दे अंदर की बात कि यहां पर म्यूचुअल फंड ये खरीदने वाला है। पर कितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कितने सारे एफआईआईज हैं, क्या हर जगह मेरा फ्रेंड हो सकता है? नहीं, राइट। और मुझे थोड़ी ना कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करनी है, मैं पर फिर भी यहां बैठे बैठे पता कर सकता हूं कि इस शेयर में क्या चल रहा है बाय स्टडिंग दी चार्ट, क्योंकि जब वो बाइंग करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी शेयर की प्राइसेस में। तो दोस्तों हमें किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं कि मेरा कोई फ्रेंड हो जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हो, फॉर एग्जांपल कोटक के म्यूचुअल फंड में मेरा फ्रेंड और वो बता देता है कि हमारे म्यूचुअल फंड ने इस पर्टिकुलर शेयर की स्टडी करी और अब वो इस शेयर को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, राइट। मैं तो सिर्फ उस शेयर का जो चार्ट है उसके प्राइजेस के पैटर्न को ही देखकर बता सकता हूं कि इसमें एडिशनल डिमांड आ रही है, इसमें वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, लोग इस शेयर की डिलीवरी ज्यादा ले रहे हैं, राइट। तो ये सारी स्टडी किसके अंदर कवर्ड होती है? टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कवर्ड होती है, राइट। दोस्तों ये भी चीज हमारे सिलेबस में कवर्ड है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ बॉन्ड्स पोर्टफोलियो। जैसे कि आपने बताया था कि हम बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हैं, तो बॉन्ड्स के अंदर भी एक बहुत अच्छा कमाने का मौका रहता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। आप जो सोच रहे हो ना कि हम बॉन्ड में कमा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कमा सकते हैं। मैं बताऊं आप क्या सोच रहे हो कि बॉन्ड में क्या कमा सकते हैं? इंटरेस्ट। आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अगर हमने खरीद ली 6 to 7 to 8% इंटरेस्ट मिल जाएगा, या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर हमने खरीद लिया तो 10 से 12% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं, आपका पैसा डबल भी हो सकता है बॉन्ड में, क्योंकि आपने सीए इंटरमीडिएट में शायद ये पढ़ा होगा शायद कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाती है तो बॉन्ड के प्राइजेस कम होते हैं। एक मिनट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नीचे जाएगी तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होंगे? कम होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाती है ना तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आती है ना तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। सपोज करो कि आपने एक गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा जिस पर कूपन रेट है 8%, है ना, 8% का कूपन रेट है। कूपन रेट यानी समझते हो जो गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि हम आपको फेस वैल्यू पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। सपोज करो कि आज आपने वो बॉन्ड खरीद लिया 10,000 रुपीज का, 8% उस पर कूपन रेट है। कल उठाकर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही इंक्रीज कर दी, आपको बॉन्ड पर ज्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको तो बॉन्ड पर कितना ही मिलेगा, 8% ही मिलेगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में इंक्रीज होती है, इज दैट क्लियर? आपके बॉन्ड की इंक्रीज नहीं होती। बॉन्ड पर तो जो प्रिंट हो गया सो हो गया। बॉन्ड पर कितना प्रिंटेड है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने बढ़ाई, तो ऐसा करने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती। अब जब नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा बोरो करना रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इश्यू करेगी, क्या वो 8% पर इश्यू कर पाएगी? उससे ज्यादा पर। सपोज करो आपने 10,000 रुपीज का वो बॉन्ड खरीदा था और आपने कहा यार अब मुझे ये वाला बॉन्ड बेचना है, क्या अब आपका बॉन्ड 10,000 रुपीज में बिकेगा? विल यू बी एबल टू सेल एट ₹10,000, एट मोर देन 10,000 और एट लेस देन 10,000? लेस देन 10,000, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में अब इंक्रीज हो गई है। अब आपके बॉन्ड की इज्जत कम हो गई है। यार क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं आया बॉन्ड खरीदने, आप कितने में बोल रहे हो? 8% कूपन वाला बॉन्ड 10,000 में। मैं सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लूंगा ना बॉन्ड, क्योंकि अब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.5%, 9%, 10%। अगर आपका बॉन्ड मुझे खरीदना है जो सिर्फ कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 8%। विल आई पे यू ₹10,000 और मोर देन 10,000 और लेस देन 10,000? भाई आपका बॉन्ड कितना कूपन दे रहा है? सिर्फ 8%, राइट। तो जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइसेस कम होती है, और जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरती है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाती है। जैसे कि आपने 8% वाले कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट डे आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आपका बॉन्ड आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 8%। बाजार में रेट कितना हो गया? 7.5, 7%, 6%। अब आप क्या आपका बॉन्ड मुझे 10,000 में दोगे? अब आप ज्यादा पैसे मांगोगे, ज्यादा पैसे, बिकॉज अब आपका बॉन्ड एक यूनिक बॉन्ड है विच इज पेइंग यू 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे जो बॉन्ड्स है मार्केट में वो सिर्फ कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहे? 6%। आप 10,000 में थोड़ी ना दोगे, आप बोलोगे अभी 11,000 रुपए लगेंगे इस बॉन्ड के। क्यों? क्योंकि मेरा बॉन्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा देता है, इंटरेस्ट ज्यादा देता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो बॉन्ड की प्राइजेस बढ़ जाती, और मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती है। अभी की इकोनॉमी अगर हम देखें करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, तो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रही है या बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि बॉन्ड की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। क्या अब अपनी पूरी जिंदगी में आगे आने वाली लाइफ में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती ही रहेंगी या एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगी और फिर से गिरना शुरू होगी? एक पॉइंट पर आकर बढ़ना रुक जाएंगी और फिर गिरना शुरू होंगी। बस वही तो मौका है, उस वक्त बॉन्ड खरीद लो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पीक पर हो। तब आप बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि जब वो अपने पीक पर है उसके बाद क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेंगी और आपके बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो क्या आप बॉन्ड पर सिर्फ इंटरेस्ट कमाओगे या बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेंगी वो कैपिटल गेन भी होगा। दोस्तों ये काम कैसे किया जाए वो हम कहां पर सीखते हैं? मैनेजमेंट ऑफ बॉन्ड्स पोर्टफोलियो। इसमें काफी सारी चीजें होती है, बॉन्ड में रिस्क क्या होती है, कैसे रिटर्न्स होते हैं, सो ऑन राइट, वो सारी चीजें हम यहां पर सीखेंगे। ओके। इसके बाद दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे एसएफएम में कवर्ड है, दैट इज डेरिवेटिव्स। आप में से जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते होंगे बाय चांस, वो लोग ऑप्शंस के बारे में आपने सुना होगा, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, लॉट, और इतना नहीं सुना है तो आपने एक वर्ड तो कभी ना कभी सुना होगा, वायदा कारोबार, राइट। आखिर ये फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वायदा कारोबार, ये सारी चीजें क्या होती है वो हम सीखते हैं हमारे टॉपिक में डेरिवेटिव्स एनालिसिस। आप जिसे शेयर मार्केट समझते हो ना आज की तारीख में, वो शेयर मार्केट नहीं है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट क्या है तो आप बोलोगे कि सर वो वहां पर हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, दैट इज शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट का टोटल टर्नओवर है ना, डेली जो उनका टर्नओवर है उसका सिर्फ 30% टर्नओवर ही वो है जो आपने अभी बोला, यानी कि ये जो शेयर खरीदने बेचने का काम है ना, वो जो डेली टर्नओवर होता है उसका सिर्फ 30% ही शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। बाकी 70% टर्नओवर आपको पता है कहाँ होता है? डेरिवेटिव सेगमेंट में होता है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में होता है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ये जितने सारे म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये सब कहाँ काम करते हैं? डेरिवेटिव्स में काम करते हैं। अब वो डेरिवेटिव्स के क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से हम उनका वैल्यूएशन करते हैं, किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, वो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम हमारे डेरिवेटिव्स टॉपिक में सीखेंगे, राइट। यानी दोस्तों आप एक बात तो आप समझने लग गए हैं कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस में यानी हमारी जॉब वाली लाइफ में तो काम में आएगा ही आएगा। हमारी पर्सनल लाइफ में जो आपके पास 3.5 लाख रुपए का बैलेंस रखा हुआ है, उसको आखिर कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना और फिर धीरे धीरे वो बैलेंस ग्रो होता चला जाएगा, उसको कैसे इन्वेस्ट करना, वो भी सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। दोस्तों अगर आपके पास फुर्सत नहीं हो अपने जॉब से तो आप पैसा डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगाने की बजाय क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कि 100 म्यूचुअल फंड रखे हुए उसमें से एक पिक कर लिया, चलो इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दो। नो, अगेन यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट हाउ टू इवेल्युएट अ म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। 100 के 100 म्यूचुअल फंड रखे हुए, क्या हर कोई एक बराबर रिटर्न देता है? क्या हर किसी में एक बराबर रिस्क है? नहीं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में आखिर कितना रिटर्न है, कितनी रिस्क है, जिसमें ज्यादा रिटर्न दिखे, जिसमें रिस्क कम दिखे, हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो म्यूचुअल फंड की खुद की स्टडी कैसे की जाए वो हम यहां पर सीखते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, राइट। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है दैट इज रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। गोल्डमैन सैक्स आपने नाम सुना होगा, मेरिल लिंच, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स। ओके दोस्तों, क्या गोल्डमैन सैक्स के जो सीईओ हैं वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करते होंगे, वो खुद ही ट्रेड डालते होंगे सिस्टम में कि चलो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 लाख शेयर खरीदो? नो, दे हैव टू डेलीगेट दिस अथॉरिटी टू समवन। राकेश झुनझुनवाला खुद ही अपनी बाइंग सेलिंग करते होंगे कंप्यूटर पर बैठकर? नो, ही हैज टू डेलीगेट इट टू समवन। और जैसे ही आप डेलीगेट करते हो तो देयर इज अ बिग रिस्क। उस बंदे को आपने फंड्स दे रखे और वो फंड कोई चंद लाख रुपए नहीं होंगे, वो करोड़ों रुपए होंगे। अगर बाय मिस्टेक उसने जो शेयर बाय करना था वो सेल कर दिया, सेल करना था वो बाय कर लिया, या कुछ और मिस्टेक हो गई उस व्यक्ति से, बूम, सारे पैसे गए। मतलब जो आप साल 2 साल से धीरे धीरे बूंद बूंद करके आप घड़ा भर रहे हो, अचानक से वो सारा का सारा पैसा चला गया। Here comes into picture the concept of रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आप कंट्रोल्स लगा देते हो, राइट, कि अगर कोई गलती से भी गलती करे तो उससे वो गलती ना हो, राइट। आखिर हम उसको कितना एक्सपोजर दें ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही लॉस कर सके, इससे ऊपर वो लॉस करना भी चाहे तो उससे ना होने पाए, बिकॉज ये तो करना ही पड़ेगा ना, आप तो डेलीगेट कर रहे हो अथॉरिटी, आपके करोड़ों रुपए। एक म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड के मैनेजर थोड़ी ना ट्रेड डालते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर अपने ट्रेडर्स को देते हैं, फंड्स एलोकेट करते हैं और उससे ट्रेडिंग करते हैं, राइट। उन्हें फंड एलोकेट किए जाते हैं। आपको मालूम है कि ये जितने भी सारे ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो अपने ऑपरेटर्स को, ऑपरेटर जो कि कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, राइट, उनको फंड अलोकेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज 200 करोड़ आपको अलोकेट कर दिए गए। अब ये 200 करोड़ से आपको डेली बेसिस पर शेयर की बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग करनी और कंपनी को पैसा जनरेट करके देना है। जो आप पैसा जनरेट करोगे, जितना प्रॉफिट कमाओगे, उसमें कुछ परसेंटेज आपका भी होगा। फंड कौन देगा? कंपनी देगी। ट्रेडिंग किसको करना है? इस व्यक्ति को। लेकिन अगर इस व्यक्ति से कोई गलती हो गई तो वो गलती ना हो, उसका कंट्रोल तो किसको रखना पड़ेगा? कंपनी को रखना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो हम कहां पर सीखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, राइट। ये तो दोस्तों हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो कि हमें यहाँ पर एसएफएम में कवर करने, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है और इनमें बहुत कुछ हमें सीखने को है। आज भी मैं मेरी लाइफ में जो मैंने सीए किया था और जब मैंने जो पोर्टफोलियो पढ़ा था और जो मैं आज पढ़ाता भी हूँ, या जो मैंने डेरिवेटिव सीखा था, वो मुझे डेली बेसिस पर काम में आता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने में काम में आता है, या अगर मुझे कहीं और भी इन्वेस्टमेंट्स करना है तो फिर वो मुझे काम में आता है, राइट। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहा है तो उस डील का वैल्यूएशन करने में भी मुझे काम में आता है, राइट। और यही सारी चीजें आपको भी आने वाली जिंदगी में काम में आएगी, चाहे आप जॉब करें फाइनेंस की फील्ड में, चाहे आप जॉब करें ऑडिट की फील्ड में, आप एफएम से बचकर नहीं जाने पाएंगे। ओके दोस्तों, हमारी बैच का आखिर ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो रफली 45 लेक्चर्स हमारे रहेंगे फास्ट ट्रैक की बैच में। इन 45 लेक्चर्स को हम दो पार्ट में करते हैं, बिफोर ब्रेक एंड एक आफ्टर ब्रेक, यानी एक पार्ट ए रहेगा एक पार्ट बी। जैसे अभी हमारा लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, दिस इज 1A, फिर इसके बाद ब्रेक के बाद हमारा पार्ट 1B रहेगा। रफली हर लेक्चर 1.5 से 2 आवर्स के बीच में रहेगा, राइट। दोस्तों 45 लेक्चर्स हमारा टेंटेटिव ड्यूरेशन है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को ध्यान में रखना है हमें। इसलिए क्यों क्वालिटी को ध्यान में रखना है? क्योंकि SFM ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, सारे के सारे आप ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स ले लो और ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स ले लो, एकमात्र ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा पाओगे कि हाँ ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आई कैन एटलीस्ट स्कोर एग्जामिनेशन 60 तो मैं कम से कम लेकर आऊंगा। और लाना ही पड़ता है एसएफएम में 60, क्योंकि आप ऑडिट में नहीं ला सकते 60, ऑडिट 40-45, ऑडिट में तो आपने इंटरमीडिएट में भी देख लिया होगा 40 क्रॉस हो जाए बस, ऐसी व्यवस्था होती है और ऐसा ही फाइनल में भी होता है, राइट। डायरेक्ट टैक्स देख लो, इनडायरेक्ट टैक्स देख लो, राइट, ये सारे वो सब्जेक्ट है जो बस बॉर्डर लाइन को बस क्रॉस करवा दे, जो एग्जामिशन जो हमें अपना एग्रीगेट बनाना है उसमें एकमात्र सब्जेक्ट है एसएफएम। एफआर के भी आप ज्यादा भरोसे नहीं रह सकते। एफआर भी आज की तारीख में वो अकाउंट्स तो रह नहीं गया जो अपने इंटरमीडिएट में अकाउंट्स पढ़ा था, वैसा एफआर नहीं, अब एफआर का पूरा चेहरा बदल चुका है, राइट। तो एफआर में भी आपको बहुत ज्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उतना स्कोर नहीं आता। एफआर में 90 मार्क्स नहीं आते, एफआर में 80 मार्क्स नहीं आते, एकमात्र सब्जेक्ट है पूरे के पूरे सीए फाइनल में, which is SFM। तो इस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे 45 लेक्चर्स। दोस्तों हमारे नोट्स आखिर कैसे रहेंगे? नोट्स के अंदर स्टडी मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। क्वेश्चन आता है कि सर आपसे हमने पढ़ लिया, आपकी किताबें हमने कर ली, इसके बाद क्या स्टडी मटेरियल हमें अलग से करना पड़ेगा? स्टडी मटेरियल मेरे पास भी रखा हुआ है, तो उसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने अपनी बुकलेट के अंदर पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिए, राइट। प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो भी मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया है। पास्ट एग्जाम के पेपर के जो क्वेश्चंस है वो भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। फिर इसके बाद फ्यूचर एग्जाम क्वेश्चंस, हम दोस्तों कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर पढ़ेंगे जो अभी तक आईसीआई ने ट्राई तो नहीं करे, लेकिन वो ट्राई कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। क्योंकि आपने ये इंटरमीडिएट में भी एग्जाम दी होगी, कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन बेसिकली सरप्राइज कैसे कर देता है, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन सीख कर गए हो एग्जाम में, उन्होंने उल्टा पूछ लिया, अभी तक तो नहीं पूछा था, लेकिन आपके अटेम्प्ट में आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ऐसी एक्सपेरिमेंट की सिचुएशन सीधे एग्जाम में ना बने, उसके लिए हम ऐसी चीजें भी कवर कर लेते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों आरटीपीस, क्योंकि आपने देखा होगा कि आईसीआई कभी भी कुछ नए तरह के क्वेश्चन या नया कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है तो उससे पहले वो आरटीपीस में हिंट प्रोवाइड कर देता है, राइट। तो वो आरटीपीस भी दोस्तों यहाँ पर कवर्ड है। सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल आईसीआई समय समय पर इशू करता है, कभी स्टूडेंट जर्नल के थ्रू इशू कर देता है, कभी उनकी वेबसाइट पर ही एडिशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हैं। साथ ही साथ कुछ फेमस ऑथर के बुक्स के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खासी वैरायटी है, जो एक ही क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट करता है, तो वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं, राइट। तो अपनी जो बुकलेट्स हैं इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दिस सोर्सेस, जिसमें मेनली स्टडी मटेरियल हमारा बेस रहता है, राइट। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी आखिर क्या रहेगी। जब भी मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को शुरू करूंगा तो मैं उस पर आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाऊंगा और उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल लूंगा। यानी कि सपोज करो कि मैंने मर्जर्स एंड एक्विजिशन शुरू करा, ऐसा नहीं मैंने आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट बता दिया और उसके बाद क्वेश्चन शुरू करे और क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, नहीं। क्वेश्चंस तो सीखने के लिए नहीं बने हुए, क्वेश्चंस तो जो आपने सीखा है ना उसे अप्लाई करने के लिए बने हुए। उससे पहले मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल दूंगा और कॉम्प्रिहेंसिव का रियली मीनिंग होगा कॉम्प्रिहेंसिव, यानी ऐसा नहीं होगा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 मिनट, उसको सॉल्व करा 3 मिनट और एग्जाम्पल खत्म। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल रहेगा दैट माइट रन फॉर लेट्स सपोज 1 आवर, हो सकता है 2 घंटे एक ही एग्जाम्पल हमारा चल रहा है, लेकिन उस एग्जाम्पल में जितनी सारी सिचुएशन है वो मैं कवर कर लूंगा। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, मैं आपको राज की बात बता देता हूं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के आईसीआई ने जितने भी आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं या जो उनके पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने क्या 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 वैरायटी ली है, उस वैरायटी को मैं सिंगल एग्जाम्पल के अंदर कवर कर लेता हूं, या कभी सिंगल एग्जाम्पल में कवर नहीं हो पाते तो उसी एग्जाम्पल में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ताकि एक ही सिचुएशन में आपको वेरियस केसेस कैसे डील करना वो आपको पता लग जाए। मेरे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बताने के बाद फिर हम क्वेश्चंस को उठाते हैं और क्वेश्चंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अब क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊं आपको। Now you should be able to do the questions because I have already given you a comprehensive example, right? तो दोस्तों उसके बाद हम ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। और ये क्वेश्चन आईसीआई के फॉर एग्जाम्पल पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया, नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। डेफिनेटली आई विल बी देयर, जो कि मैं आपको गाइड करूंगा। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे भी सही, राइट, करेंगे भी सही, लेकिन उसमें मेरी अब एक्सपेक्टेशन आपसे बनेगी। यानी ये जो पिरामिड के नीचे वाले 2 पीसेस हैं वहां तक आप से एक्सपेक्टेशन रखना। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में आई वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू शुड बी एबल टू डील विद दिस। इसके बाद दोस्तों इतना सब पढ़ने के बाद एग्जाम में मार्क्स कैसे लेकर आए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, वेल एंड गुड, आपको समझ में आ गया, आपने उसको क्वेश्चंस में लगा भी दिया, आपसे क्वेश्चन बन भी गया, ओके। लेकिन एग्जाम में आपको 70 नंबर आने थे, फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स आने थे, पर किसी कारण से आपको 55 ही आए, 58 ही आए, 60 ही आए। ये बहुत खराब सिचुएशन होती है यार। 10 से 12 नंबर में और स्कोर कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, मतलब मैं अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाया। एक बात बता रहा हूं दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट की बात करता हूं मैं। टैक्सेशन का पेपर था आपका, ओके। टैक्सेशन के पेपर के पहले 1 दिन का गैप था, ओके। उस 1 दिन आपने पढ़ाई करी, उस 1 दिन के पहले आप अपना प्रीवियस पेपर देकर आए होंगे, शाम को 6 बजे घर पर पहुंचे होंगे, वहां पर भी कुछ पढ़ाई करी होगी। फ्लैशबैक में आ जाओ आप। वैसे आपके टैक्सेशन में कितना मार्क्स आए? 55, 56, 60 एग्जामिशन, ओके। सपोज करो कि आपके 55 नंबर आए, 55 मार्क्स है कि एवरेज स्कोर मैं ले रहा हूं, टैक्स के पेपर में आपके 55 मार्क्स आए सीए इंटरमीडिएट में। अब आप फ्लैशबैक में आओ और थोड़ा सा इस कहानी में ट्विस्ट डाल दो। आप अपना टैक्सेशन के पहले वाला पेपर देकर आए घर पर 6 बजे, ने रेस्ट किया कि यार थक गए। आप अगले दिन सुबह उठे 6-7 बजे, आपने कहा टैक्सेशन में पढ़ाई क्या करनी है, दिन में आपने एक आध कोई मूवी निपटा ली, एक आध बार पार्क में आसपास आप चले गए 1-2 घंटे घूमने फिरने, अब अगले दिन 2 बजे आपका पेपर है, अब आप पेपर देने गए। हाँ जी, क्या अब आपके 55 मार्क्स आएंगे? कितने आएंगे ये बताओ? 50 आएंगे, 45, 40, 35 गए, 40 के नीचे तो गए बोलते हैं, तो कितने मार्क्स आएंगे फिर भी? सर 30-35 नंबर ही आएंगे, है ना। अगर आखिरी दिन आपने पढ़ाई नहीं करी तो कितने आएंगे? 32-35। यानी अब आप डिफरेंस देख रहे हो कि अगर उस 1.5 दिन में, उस 1.5 डेज में अगर आखिरी दिन आपने पढ़ाई करी तो 55 आए, और नहीं करी तो सीधे कहां पहुंच गए? 30-35 पर पहुंच गए। यानी रफली जो भी आपके मार्क्स आएंगे, सपोज अगर आपके एसएफएम में 90 मार्क्स आएंगे तो उसमें से 45 नंबर की पढ़ाई तो आप पता है किस दिन करोगे? आखिरी दिन। यानी जो भी स्कोर आ रहा है, ये वैसे सिर्फ टैक्सेशन के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, उसके हाफ ऑफ द मार्क्स किस दिन का नतीजा होते हैं? आखिरी दिन। और यही वो आखिरी दिन होता है जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती। आप जो टाइम टेबल भी बनाकर पढ़ते हो ना, आपका जो टाइम टेबल बनता है पता है कहां तक का बनता है? जैसे आपका मई में अटेम्प्ट है तो आपका 30 अप्रैल तक का टाइम टेबल बनता है। अगर आपका नवंबर में अटेम्प्ट है तो 31 अक्टूबर तक का ही हमारा टाइम टेबल बनता है। नवंबर में जब हमारा अटेम्प्ट चल रहा है, जब पूरा खेल खेला जाएगा, जब हमारे हाफ ऑफ द मार्क्स उस नवंबर के 10 दिन में, 15 दिन में आने वाले, उसका कोई प्रिपरेशन, कोई प्लानिंग नहीं होता है। और इसी की वजह से आखिरी दिन आपका कई बार मिसमैनेजमेंट भी हो जाता है। मिसमैनेजमेंट हो जाता है ना, ये टॉपिक छूट ही गया, या बस अब छोड़ दो क्योंकि टाइम ही नहीं बचा इस टॉपिक को करने का, क्या करें, या कुछ क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने थे, वो रिवाइज करने से रह गए, बस फिर आखिरी समय ऐसा पलट लिया, ठीक है ऐसा कुछ क्वेश्चन है, बस दैट्स इट, राइट। अगर ये आपका आखिरी दिन वेल प्लान्ड हो, कैसा हो? वेल प्लान्ड हो, तो आप अपने स्कोर में रफली 5 to 10 मार्क्स का इजाफा कर सकते हो। ये लास्ट डे रिवीजन प्लान दोस्तों मैं आपको बनवाऊंगा, जिसके अंदर की मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को कितना टाइम डिवोट करना है। पहली चीज, ये प्लान आप में से किसी के पास नहीं होता आखिरी दिन का। आपने कभी टैक्सेशन में नहीं करा होगा कि मुझे सैलरी टॉपिक में 1.5 आवर्स डिवोट करना है, हाउस प्रॉपर्टी में मुझे 1/2 आवर देना है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में मुझे 2 आवर्स देना है। पहली चीज़, टाइम का लोकेशन नहीं होता है हमारे पास, वो हम करेंगे। दूसरी चीज़, उस टाइम के एलोकेशन के अंदर अब क्या पढ़ना है, यानी आपने एसएफएम में डेरिवेटिव्स टॉपिक को दे दिया 1 आवर, बट 1 आवर बहुत प्रीशियस है। वो 1 आवर, उस 1 आवर के अंदर एग्जैक्टली मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या कवर करना है, कौन से क्वेश्चंस करने, कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करने, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो सारा लास्ट डे का रिवीजन प्लान कि कितना टाइम अलोकेट करना है और उसके अंदर क्या रिवाइज करना है, वो चीजें हम यहां पर बैच के अंदर करेंगे। दूसरी बात, आप एग्जाम देकर बाहर निकले, सपोज आपका एफएम का पेपर था, कॉस्टिंग का पेपर था, इंटरमीडिएट, आप एग्जाम देकर बाहर निकले, अरे यार ये था क्या, ये तो आता था लेकिन इतनी सी मिस्टेक हो गई। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? इतनी सी मिस्टेक हो गई, या आपने इंटरमीडिएट में कभी अपनी कॉपी बुलवाई और ऐसा लगा अरे यार आते हुए भी नहीं हो पाया। 5 से 10 नंबर जाते हैं इसमें, एवरेज बता रहा हूं मैं ऑल ओवर इंडिया का। स्टूडेंट्स 5 to 10 मार्क्स तो यही लूज कर देते हैं कि आता था पर गलत हो गया, यानी एक मिस्टेक हो गई मुझसे छोटी सी। एंड 1 mistake is equal to roughly 5 to 8 मार्क्स इन एग्जाम, क्योंकि एक मिस्टेक जिसको आप सिली बोल रहे हो ना, वो सिली मिस्टेक नहीं। जैसे आप इंटरमीडिएट में अगर आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन, में इंटरमीडिएट का इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि वो आपका देखा हुआ है, इंटरमीडिएट में आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन कर रहे हो सॉल्व, और आपने गलती से उसमें डिस्काउंटिंग रेट 15% की जगह 14% ले ली, यानी केओ आपने गलत कैलकुलेट कर लिया, गया वो तो पूरा क्वेश्चन ही गया। आपके सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू गलत आएगी, आपकी एनपीवी गलत आएगी। मान लो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या देगा सामने वाला? 2-3 नंबर ज्यादा से ज्यादा वो डिप्रीसिएशन के दे देगा, CFAT आपने निकाला, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स आपने निकाल दिया, सही। बट जो 8 मार्क्स है ना, उसमें से मेन जो 5 नंबर है वो फाइनल आंसर करेक्ट आने के मार्क्स है, क्योंकि फाइनल आंसर तक अगर आप करेक्ट पहुंचोगे मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस भी आपके करेक्ट है, और फाइनल आंसर गलत है तो मतलब सिर्फ फाइनल आंसर गलत नहीं है, बहुत सारी इंटरमीडिएट मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। तो दोस्तों दूसरा काम जो हम हमारी बैच में करेंगे वो है कॉमन पिटफॉल्स। क्या कॉमन पिटफॉल्स? यानी बच्चा कुछ ऐसी गलतियां होती है जो वो जनरली करता है, जिसका अगर उसे एहसास नहीं करवाया जाए अभी तो उसे एहसास होता है एग्जाम के बाद। कि और ये मुझसे गलती हो गई, तो ऐसा ना होवे, मतलब हम ठोकर खाकर ठाकुर ना बने, उसकी बजाय वो जितनी सारी ठोकरें हैं वो हम कहाँ पर क्लास में ही खा ले, हम वैसी ही पढ़ाई करेंगे। यानी क्वेश्चन करवाते वक्त मैं आपसे वो मिस्टेक क्या है उसका रियलाइजेशन मैं आपको करवा दूंगा, और उसका तरीका मेरे पास बहुत बढ़िया है। आई लेट यू डू द क्वेश्चन, कि आप कर लो क्वेश्चन, एंड आई वुड नो अपफ्रंट जब मैंने आपको क्वेश्चन करने को दिया तभी मुझे मालूम है कि स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करेंगे। अच्छा, जब आप मिस्टेक करोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि नहीं सर गलत है और मैं सही हूं, यानी आप उस जगह पर मिस्टेक करोगे जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, एंड देन विल रियलाइज कि अच्छा यार ये इतनी सी बात थी क्या, ये तो मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुई, राइट। तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली हम क्लास के अंदर रियलाइज करेंगे, और हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक्स जिसको आप कहते हो, विच आर नॉट सो सिली, वो मिस्टेक्स भी हम ओवरकम करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, राइट। एक और चीज, जब मैं पढ़ाई करता था तब जो मुझसे मिस्टेक हो गई, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में अरे और इतनी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं रहा, वो सारी मिस्टेक हम हमारी कॉपी के अंदर नोट भी करेंगे। जब आपके पास ऐसी 100-150 मिस्टेक की लिस्ट होगी, जैसे डेरिवेटिव्स टॉपिक में आप ये 10 मिस्टेक कर सकते हो और ये 10 मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक है, मतलब आप खुद ही रियलाइज करोगे कि हाँ यार ये तो मुझे क्लिक होना चाहिए था, क्लिक क्यों नहीं हुआ है मुझे, राइट। और एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है कि मुझे क्लिक ना हो, तो वो सारी मिस्टेक्स हम हमारी कॉपी के अंदर नोट कर लेंगे। जब आप लास्ट डे रिवीजन करोगे और वो 150 मिस्टेक्स को रिवाइज करने में मुश्किल से 1 आवर लगेगा, 60 मिनट में वो सारी मिस्टेक्स आपकी रिवाइज हो जाएगी कि मैं यहाँ गलती कर सकता हूँ। आप सोचो कि आप एग्जाम में जा रहे हो और आपको मालूम है कि मैं कहाँ पर क्या गलती कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप वो गलती नहीं करोगे, और वो जो था ना अरे यार ये गलत हो गया, वो वाला फैक्टर अब यहाँ पर मिसिंग हो जाएगा। जैसे ही वो मिसिंग होगा ऑटोमेटिकली आपके 5 से 8 मार्क या 10 मार्क प्लस हो जाएंगे। सीए इंटरमीडिएट में अगर आप में से किसी को फेलियर का सामना करना पड़ा, यानी आपको 200 लाने थे, ऐसा नहीं होगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा फेल नहीं होता है कि 200 लाने थे और 120 या 130 आए। नॉर्मली स्टूडेंट मालूम है कहाँ फेल होता है, 200 लाने थे और 191 ही आए, 195 ही आए, 197 ही आए, 185 ही आए, 181 ही, ऐसी सीए में ऐसे ही फेल होता है स्टूडेंट, राइट। यानी उसको कितने मार्क्स की शॉर्टेज आती है, 10-20 नंबर का रहता है बस फासला। पास जो आपका फ्रेंड अगर पास हुआ और आगे सीए फाइनल में आपसे एक अटेम्प्ट पहले आ गया, उसमें और आप में नॉलेज में डिफरेंस नहीं है, नॉलेज दोनों का सेम है, इनफैक्ट हो सकता है आप में ज्यादा नॉलेज हो, बट एग्जाम में एग्जीक्यूट करते वक्त उसने वो मिस्टेक नहीं करी, उसके 5 से 8 मार्क प्लस हो गए। सोचो एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 5 से 8 मार्क्स आपने सेव कर लिए तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, और उतनी तो मार्क्स का फासला रहता है पास या फेल में। तो हम ये काम भी यहाँ पर करेंगे। मतलब मैं खुद भी जब पढ़ाई करता था, मैंने भी सीए किया, सीएफए किया, सीपीए किया, तो मैं खुद भी पढ़ाई करते वक्त जो मिस्टेक करता था उसको मैं मेरा जो बुकलेट है उसके पहले पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 करके उतार लेता था। ऐसा करने से मुझसे वो मिस्टेक सेकेंड टाइम नहीं होती, और जब मिस्टेक ही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करेक्ट ही होंगी, राइट। तो दोस्तों हम ये सारे काम हमारे स्टडीज के दौरान करेंगे, लास्ट रिविजन, कॉमन पिटफॉल्स, एडवांस लेवल क्वेश्चन। जहां तक कॉपी की बात आती है दोस्तों, हम यहाँ पर 2 तरह की कॉपीज बनाएंगे, वेयर वन वुड बी द कॉन्सेप्ट कॉपी एंड अनदर वुड बी सॉल्यूशंस कॉपी, राइट। कॉन्सेप्ट कॉपी का मीनिंग क्या है कि हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, जिसमें अभी तक जितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं उनकी सिचुएशंस इसके अंदर कवर हो जाएगी, जो आप कॉमन पिटफॉल्स हैं, जो आप मिस्टेक करोगे, जो आपसे मिस्टेक हो सकती है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें हम इस कॉपी के अंदर लिखेंगे। जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उसको हम इस कॉपी के अंदर लिखेंगे, राइट। यानी ये आपका एक बहुत बड़ा लास्ट डे रिवीजन का टूल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? दैट वुड बी अवर कॉन्सेप्ट कॉपी। फिर इसके बाद जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो आईसीआई के सजेस्टेड के क्वेश्चन होंगे, आरटीपी के क्वेश्चन होंगे, वो हमारे कहाँ जाएंगे? सॉल्यूशंस कॉपी में, है ना। आप प्लीज ये 2 कॉपी सेपरेट ही बनाइएगा, है ना। वैसे 90% ऑफ द स्टूडेंट सेपरेट ही बनाते, कुछ 10% स्टूडेंट इसको मिक्स कर देते, फिर उनको आखिरी में दिक्कत आती। दिक्कत क्या आती है कि फिर जब वो रिवाइज करने बैठते हैं ना एसएफएम, तो ऐसा लगता है बल्कि यार बहुत एसएफएम 3-3 रजिस्टर हो गए मेरे, 3-4 रजिस्टर हो गए, तो हेडेक लगता है, बर्डन के, अरे बाप रे इतना बड़ा सब्जेक्ट। यही दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट कॉपी सेपरेट रहेगी और सॉल्यूशंस कॉपी सेपरेट रहेगी तो आपको दिमाग में क्लियर थॉट है, मुझे रिवीजन करते वक्त अगर मैं वो 2 रजिस्टर जो सॉल्यूशन करे मैं वो नहीं भी करूंगा, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉपी कर ली, प्लस सर ने जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं लास्ट डे रिवीजन के वो कर लिए, तो इट वुड बी इन इटसेल्फ अ कंप्लीट रिवीजन, राइट। सो मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर कॉन्सेप्ट कॉपी एंड अनदर वन फॉर सॉल्यूशंस कॉपी। ओके दोस्तों, ये थी हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी। यहाँ पर हमने पूरा सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा। अब हम हमारे सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन अपने कॉन्सेप्ट कॉपी पर आ रहे हैं और इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं, दिस आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें कि हम एफएम से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें समझ रहे हैं ताकि एक एफएम का यहाँ पर एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए और फिर उसके बाद हम हमारे अगले एपिसोड से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आएंगे हम कॉपी पर। ओके, नाउ दिस इज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपी। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि कवर कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जब मैं ये बेसिक्स पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि कुछ बेसिक्स आपको पहले से ही आते हो, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं एटलीस्ट हर किसी को एक कॉमन ग्राउंड पर लेकर आ जाऊं, कॉमन बेस पर लेकर आ जाऊं और फिर हम हमारी पढ़ाई की शुरुआत करें, राइट। कुछ स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट में वीक भी होता है, तो वो सारी चीजें यहां पर हम कवर अप करते हैं। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। बच्चा बच्चा जानता है अर्निंग्स पर शेयर, है ना। अर्निंग्स पर शेयर दोस्तों मैं समझाऊं उससे पहले आपको सीए इंटरमीडिएट में आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ा होगा, लिवरेज चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट, है ना। इनकम स्टेटमेंट का आपको शुरू से लेकर आखिरी तक का फॉर्मेट अभी भी याद है क्या? आज भी याद है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी। प्रॉफिट है वैसे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट होता है, लेकिन वो कॉस्टिंग में होता है। एफएम में अलग ट्रैक होता है। एफएम में कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी, राइट। EBIT is earnings before interest and taxes. उसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो ये आता है EBT। EBT में से क्या माइनस करते हैं? टैक्सेस। ये आता है EAT, earnings after taxes। earnings after taxes क्या सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है या प्रेफरेंस को भी? प्रेफरेंस को भी। तो हम EAT में से क्या पे करते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। अब जो बचता है उसे हम कहते हैं EAES, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इस EAES को जब हम नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है EPS। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, EAS का जो फॉर्मूला होगा, राइट, सॉरी EPS का जो फॉर्मूला होगा वो होगा EAES, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स आपने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं क्या? कभी कभी किसी से सुना है यार मेरे पास रिलायंस के प्रेफरेंस शेयर रखे हैं, मेरे पास एयरटेल के प्रेफरेंस शेयर रखे हैं? प्रेफरेंस शेयर जनरली होते हैं, जनरली नहीं होते। जनरली नहीं होते, किताबों में बहुत होते। किताबों में हर क्वेश्चन में आपको अकाउंट्स में प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में प्रेफरेंस शेयर्स कम होते हैं, मेनली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। 99.99% इक्विटी शेयर्स ही मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रियल लाइफ में नहीं मिलते हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स क्या करते हैं? फिक्स इनकम देते हैं। अगर फिक्स इनकम ही मुझे कमानी है तो मैं कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीदने की बजाय बॉन्ड ही खरीद लूंगा। तो एज एन इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर ज्यादा अच्छा ही है, उससे तो अच्छा बॉन्ड ही है, उससे तो अच्छा बॉन्ड है, मैं रिलायंस का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद लूंगा। कंपनी की नजरों से भी देखो तो प्रेफरेंस शेयर एक इनएफिशिएंट टूल है, क्योंकि बॉन्ड पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है, अभी अभी हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है और फिर बचे हुए अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर में क्या है? पहले तो आप टैक्स दो सरकार को 25%, 30%, 35% और फिर उसके बाद प्रेफरेंस को डिविडेंड दो, राइट। तो इससे अच्छा क्या है? कंपनी क्या सोचेगी कि फिर मैं तो बॉन्ड ही इश्यू करूं। इज दैट क्लियर? तो कंपनी की नजरों से भी बॉन्ड ही ज्यादा अच्छा है और इन्वेस्टर की नजरों से भी बॉन्ड ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर यूजुअली कम चलते हैं। भाई प्रेफरेंस शेयर में वो सिर्फ नाम है प्रेफरेंस। क्या कंपनी की ग्रोथ हुई तो आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है? नहीं। अगर आपको कंपनी की ग्रोथ में ही पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप किस साइड आ जाओगे? इक्विटी की साइड आ जाओगे। तो प्रेफरेंस शेयर कहीं का नहीं रहता, ना इधर का रहता है ना उधर का, इसलिए यूजुअली प्रेफरेंस शेयर कम चलते। भाई जिसका रिस्क एपेटाइट अच्छा, मुझे रिस्क लेनी तो मैं कहां जाऊंगा? इक्विटी में। मुझे रिस्क नहीं लेनी तो फिर मैं प्रेफरेंस में क्यों बैठूंगा? उससे तो अच्छा बॉन्ड में बैठूंगा, क्योंकि बॉन्ड आपने तो देखा ही होगा कि लिक्विडेशन के वक्त बॉन्ड को पहले पैसा मिलता है बाद में इज दैट क्लियर? मुझे रिस्क लेनी तो मैं सीधे ही उधर इक्विटी में रिस्क लूंगा ताकि ग्रोथ पोटेंशियल भी रहे, और रिस्क नहीं लेनी तो प्रेफरेंस में क्यों, उससे तो अच्छा बॉन्ड में जाऊंगा, इसलिए यूजुअली प्रेफरेंस नहीं होते। तो आप भी अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में देखोगे कि बहुत सारी जगह उन्होंने जो ईपीएस का फॉर्मूला लिखा है वो दूसरा वाला लिखा है, कौन सा, EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। दूसरा वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, कब तक करेक्ट है, जब तक प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपन लूज सेंस में कभी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, कभी ये फॉर्मूला, दोनों इक्वली वैलिड है, जब तक प्रेफरेंस नहीं तब तक दोनों ही फॉर्मूले चलेंगे। हाँ, अगर प्रेफरेंस आ गया तो आप और मैं समझ रहे हैं कि फिर ये वाला फॉर्मूला ज्यादा करेक्ट है, ठीक है, ओके। तो मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं EAT का जो फॉर्मूला है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स डजंट एग्जिस्ट, अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो मैं कभी ये वाला फॉर्मूला लिख भी दूँ या आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं डिविडेंड से रिलेटेड तीन बातें आपके साथ कर रहा हूँ। एक है डिविडेंड परसेंट, एक है डिविडेंड यील्ड परसेंट और एक है डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपने कभी ना कभी अपनी पहले वाली जिंदगी में सुनी होगी, डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड यील्ड परसेंट और डिविडेंड पे आउट रेशियो, ओके। क्या ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक ही है, तीनों में फर्क है? इन तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब डिविडेंड परसेंट क्या होता है, डिविडेंड यील्ड परसेंट आखिर क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो आखिर क्या होता है? वेरी गुड, राइट। अगर फेस वैल्यू पर डिविडेंड है तो उसे क्या बोलेंगे, डिविडेंड परसेंट, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद मार्केट प्राइस पर अगर हम डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड परसेंट, राइट। और अगर हम अर्निंग्स पर डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो, इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो उसे करेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर क्वेश्चन ने बोला है डिविडेंड यील्ड इज 4%, तो आप वो 4% फेस वैल्यू पर मत लगा देना, 100 रुपए की फेस वैल्यू, हाँ। फिर उसके लिए आप क्या ढूंढना, मार्केट प्राइस, और उस पर अप्लाई करना। नहीं तो मैं आपको कितना भी पढ़ा लिखा दूं, अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो गए वो, तो फिर आप जो कैलकुलेशन करोगे सभी गलत हो जाने, इज दैट? इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट यानी डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड यानी डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, और डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी डिविडेंड एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस, इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, इनके फॉर्मूलाज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्या है इनके, क्या होते हैं फॉर्मूलाज। तो डिविडेंड परसेंटेज, जैसी कि आपकी मेरी बात हुई है, डिविडेंड परसेंट यानी कि डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर अपॉन फेस वैल्यू, ठीक है। फिर इसके बाद डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यानी कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, और डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, ओके। कंपनी जब अनाउंस करती है तो कंपनी डिविडेंड परसेंटेज अनाउंस करती कंपनी का। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इस बार हमारी कंपनी 40% डिविडेंड दे रही, तो 40% एक आम जनता जब 40% सुनती तो पता है क्या, वो अरे बाप रे 40% तो डिविडेंड ही है। जबकि हम जानते हैं कि वो 40% किसका है, उनकी फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू है 10 रुपये, फेस वैल्यू 10 रुपये का 40% 4 रुपये, इज दैट? 40% तो रिलायंस डिविडेंड क्या करेगा, बैंक की एफडी में 5%। तो 40% जब अंबानी जी अनाउंस करते हैं तो 40% इज डिविडेंड परसेंट, इज दैट क्लियर? एंड दैट गोज ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है कंपनी की, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, इज दैट क्लियर? उसका परसेंट। लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए वो 40% नहीं है, एक इन्वेस्टर के लिए जो ज्यादा काम का नंबर है वो पता है क्या है? डिविडेंड यील्ड परसेंट। क्योंकि आज अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदूंगा तो मुझे फेस वैल्यू पे नहीं मिलने वाला, वो तो 50 साल पहले मिल रहा था फेस वैल्यू पर। मुझे तो आज किस पर खरीदना है? मार्केट प्राइस पर। तो मैं आज जब उनका 2500 रुपए में शेयर खरीदूंगा 2500 रुपीज में, तो मैं ये देखूंगा कि अंबानी जी मेरे 2500 रुपीज देने पर आपने मुझे कितना डिविडेंड दिया, यानी आपने क्या 4 रुपए दिए और मैंने कितने लगाए 2500 रुपए। यानी सिंपल, ये तो बहुत ही कम हो गया यार, 1.67% या ऐसा ही कुछ हो गया यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, राइट? बहुत कम डिविडेंड यील्ड हुआ, राइट? सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, है ना? और एक और चीज दोस्तों आप समझ लो, जब भी हमारे सिलेबस में यील्ड वर्ड आए इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि उस चीज का बेस मार्केट प्राइस। यानी कल को मैं आपसे बॉन्ड यील्ड पूछूं तो उसका बेस क्या होगा? बॉन्ड की मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर? ओके, तो यील्ड का सिंपल सा मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है रिटर्न परसेंटेज ऑन मार्केट प्राइस, ठीक है? ओके दोस्तों, डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट यानी जो कमाया उसमें से कितना पे आउट किया, हमने ईपीएस कमाया उसका हमने इतना पे आउट किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोज ईपीएस आता है 50 रुपीज और 50 रुपीज के ईपीएस में से उन्होंने 5 रुपीज का डिविडेंड दे दिया, मतलब उन्होंने 5 रुपए पे आउट किया आउट ऑफ 50 रुपीज, तो 10% उनका पे आउट रेशियो हो गया। इज दैट क्लियर? बोलो, अगर 10% रिलायंस का पे आउट रेशियो यानी 50 का ईपीएस कमाया जिसमें से 5 का डिविडेंड पे आउट कर दिया तो 45 क्या हो जाएगा? 45 रुपीस हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स और 90% हो जाएगा उनका रिटेंशन रेशियो। इज दैट क्लियर? ओके, सो रिटेंशन रेशियो इज सिंपली द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर पे आउट, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट जो हम बेसिक लिख रहे हैं वो है रिटेंशन रेशियो, ठीक है? रिटेंशन रेशियो यानी कि जो कमाया उसमें से आखिर कितना रिटेन कर लिया, ठीक है? तो ईपीएस माइनस डीपीएस, है ना? ईपीएस माइनस डीपीएस। ईपीएस सपोज 50 रुपीज है, उसमें से डिविडेंड दे दिया 5, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना हो गया 45, और ये 45 आखिर एज अ परसेंटेज ऑफ अर्निंग कितना है? दैट इज रिटेंशन रेशियो, ठीक है? नेक्स्ट बेसिक है दोस्तों हमारा अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज। अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज, अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज आप में से कोई बता पा रहा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। क्योंकि कभी भी दोस्तों जब हम यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यील्ड हमेशा कैसी होती है? एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस। हाँ जी, तो अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज का हमने फॉर्मूला देखा, इट इज अर्निंग्स पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। क्योंकि काफी सारी ऐसी कंपनीज होती है जो डिविडेंड ही पे नहीं करती। नहीं करना कंपनी को डिविडेंड पे, क्यों नहीं करना? क्योंकि कंपनी आपको डिविडेंड देगी, कंपनी के पास फ्यूचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कम हो जाएगा, उसके लिए फिर से कंपनी को पैसा रेस करना पड़ेगा। तो रेस क्यों करे? उसकी वजह जो कमाया उसी को प्लाउ बैक कर दे, उसी को डिप्लॉय करे। माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने 20 साल तक कोई डिविडेंड ही नहीं दिया, 20 इयर्स तक दे डिड नॉट पे इवन अ सिंगल पेनी एज अ डिविडेंड। क्यों दे वो डिविडेंड? क्या करोगे आप डिविडेंड के पैसों का? हम उसको कहीं पर लगाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा उस आप जहां पर भी लगाओगे उससे ज़्यादा अच्छा तो हम आपके पैसे को यूज़ करेंगे और ज़्यादा रिटर्न देंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, हर किसी के लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, सिर्फ इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में जितने सारे लैपटॉप और डेस्कटॉप है सब में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने शुरुआत के 20 साल में कोई डिविडेंड ही पे नहीं किया। उन्होंने कहा हमें ग्रोथ के लिए इतने सारे पैसों की रिक्वायरमेंट है कि हम आपको डिविडेंड क्यों दे, उसकी वजह आपका पैसा यहीं रखो, वो पैसा मल्टीप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे केसेस में फिर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज तो कुछ होगा ही नहीं, डिविडेंड परसेंट तो कुछ होगा ही नहीं, डिविडेंड पे आउट रेशियो तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट करते वक्त जो फिर रेशियो हम देखेंगे वो कौन सा रेशियो देखेंगे? अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज, कि कंपनी का आज मैं शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे कंपनी उस पैसे पर कितना कमा कर दे रही, हालांकि कंपनी मुझे नहीं दे रही, मेरा पैसा कहां रखा हुआ है? कंपनी में, लेकिन अल्टीमेटली आगे न पीछे वो किसको बिलोंग करता है? मुझे, बिकॉज आई एम अ शेयर होल्डर, आई एम अ पार्ट ओनर ऑफ दी कंपनी। इज दैट क्लियर? ऐसे केसेस में अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज काम का रेशियो होता है, राइट दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट रेशियो हम देख रहे हैं यहां पर, एंड दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। दो कंपनीज के मैं आपके सामने शेयर के प्राइजेस बोल रहा हूं, दो कंपनीज के शेयर्स के मैं प्राइजेस आपके सामने बोल रहा हूं। एक है अपोलो टायर्स, उसके शेयर का प्राइस है 225 रुपीज, और एक है सीएट भी टायर्स है ना, CEAT, राइट, सीएट टायर्स, उसके शेयर का प्राइस है 1500 रुपीज। दोनों में से कौन सी कंपनी ज्यादा बड़ी हुई? वेरी गुड, राइट। तो कभी भी शेयर की प्राइस देखकर हम नहीं बोल सकते कि कंपनी बड़ी। ऐसे तो MRF के शेयर का प्राइस आपको मालूम है कितना है? MRF 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, शेयर का प्राइस तो रोज ही चेंज होता रहा, 70,000 रुपए। दैट रियली डज नॉट मीन कि MRF इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस क्या 2500 रुपए का भाव, इन्फोसिस क्या 1500 का, TCS क्या 3500, MRF देखो नहीं। कॉमन इंसान, लेमैन यही सोचता है कि यार MRF कितनी बड़ी कंपनी, देखो शेयर का प्राइस क्या। बट कंपनी बड़ी है या छोटी, उसके शेयर के प्राइस से डिफाइन नहीं होता है, वो उसके मार्केट कैप से पता चलता है कि उसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। भाई सिंपल सी बात है, MRF ने कल को बोनस शेयर्स इश्यू कर दिए 1:1 के रेशियो में, तो उनके शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा, और उन्होंने और बोनस शेयर्स दे दिए या स्टॉक स्प्लिट कर दिया तो शेयर का प्राइस और कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, राइट। तो शेयर प्राइजेस से नहीं पता चलता है, किससे पता चलता है? मार्केट कैप से, है ना। एक कंपनी का मार्केट कैप आखिर हम कैसे निकालते होंगे? मार्केट कैप जो आप बोलेंगे सही भी हो जाएगा, आपको मालूम है मार्केट कैप कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। यानी अगर आप और मैं अभी पता करना चाहें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का मार्केट कैप आखिर कितना है, तो सिंपल हमें एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट प्राइस देखना है, शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है? उनके नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। और हमें पता चल जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का आखिर मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है वो कंपनी अल्टीमेटली बड़ी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। सो मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों रफली 4 to 5 लाइंस की और स्पेस छोड़ना आप, है ना, क्योंकि मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, और वो अपने सिलेबस में ज्यादा काम में आएगा, लेकिन वो क्या फॉर्मूला है वो अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज रिलेटेड टू पीई रेशियो। पीवी रेशो नहीं, पीई रेशो, ओके, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, है ना दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो आपने ये इंटरमीडिएट में भी अच्छे से पढ़ रखा है। हाँ जी, उसका फॉर्मूला क्या है मुझे बताइए? पीई रेशो का फॉर्मूला आखिर क्या है? मार्केट प्राइस अपॉन EPS। इज दैट क्लियर? क्योंकि नाम में ही फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, यानी कि मार्केट प्राइस और अर्निंग्स का आखिर क्या रेशियो है। सो मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ओके, मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अगर अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल टास्क दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो पता कीजिए, तो क्या पता कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो? क्या क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट प्राइस देखेंगे कि अभी क्या उसका ताज़ा भाव चल रहा है, सपोज 2700 रुपीज़ चल रहा है, ओके। इसके बाद दूसरी चीज़ आप क्या देखेंगे, ईपीएस। ईपीएस आप कैसे देख सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ऑडिट रिपोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर उनके एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे और एनुअल रिपोर्ट में आप उनका P&L अकाउंट देखेंगे और P&L अकाउंट में आपको मिल जाएगा EPS। इस दैट P&L अकाउंट में आखिरी में मिलता है ना EPS, राइट, ओके। वो EPS हमने उठाया, उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये आ जाता है मार्केट प्राइस अपॉन EPS करके, क्या, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। मतलब मिस्टर वॉरेन बफे से पूछा गया कि आप बताइए कि कंपनी का एनालिसिस करते वक्त अगर आपको सिर्फ एक ही रेशो के बेसिस पर डिसीजन लेने का परमिशन हो, यानी आपको और कुछ रेशो नहीं देखेगा, आपको सिर्फ एक सिंगल रेशो ही देंगे, जो आप बोलोगे वो, बस वो एक सिंगल रेशो देंगे, तो उन्होंने कहा दैट ओनली रेशो इज पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। क्योंकि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मुझे बता देता है व्हाट इज द प्राइस दैट आई एम पेइंग फॉर व्हाट आई एम गेटिंग। देखो यार, सिंपल सी बात। अब यहां पर अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज अपन इन्फोसिस की बात करते हैं, है ना। सपोज कि इन्फोसिस का शेयर चल रहा है 1500 रुपीज पर, 1500 रुपए पर इन्फोसिस का शेयर चल रहा है 1500 पर, है ना। सपोज करो कि इन्फोसिस का जो EPS है, अर्निंग्स पर शेयर है, वो 75 रुपीज है ना। 1500 रुपीज इन्फोसिस के शेयर का प्राइस चल रहा है और EPS कितना है, 75, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना हो गया, 20 टाइम्स। रुपए में नहीं आता पी रेशियो, किस में आता है, टाइम्स में, 20 टाइम्स। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, इसका सबसे पहले अपन बेसिक मीनिंग समझते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इन्फोसिस का शेयर खरीदने के लिए आज मैं 1500 रुपए दूंगा, 1500 रुपीज के 500 के 3 नोट दूंगा मैं इन्फोसिस का शेयर खरीदने के लिए, राइट। ऐसा करने से अब हर साल कंपनी मुझे कितना कमा कर देगी, 75 रुपीज वो मुझे कमा कर देगी। इज दैट क्लियर? ओके, यानी 75 रुपीज की कमाई पाने के लिए, 75 रुपीज की अर्निंग्स पाने के लिए आई एम पेइंग देम 1500 रुपीज, तो मैं अर्निंग्स का कितना गुना उनको दे रहा हूं, 20 टाइम्स में इन्फोसिस को पे कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो सिंपल, जो कमाई आपको पानी है आज आप उसका कितना गुना उसे दे रहे हो। एक बात मानकर चलना, आपको किसी से भी कुछ भी इनकम चाहिए तो आपको उसका कुछ गुना आज उसे देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैंक से ब्याज चाहिए तो आपको मान लो 5000 रुपए का ब्याज चाहिए कि यार मुझे हर साल बैंक से 5000 रुपए का ब्याज आना चाहिए। कैसे आएगा? आपको आज बैंक को कुछ देना पड़ेगा, 2-3 हजार रुपए देने पड़ेंगे, 10-15 हजार रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपीज जब आप बैंक को आज देंगे तो बैंक उस पर 5% इंटरेस्ट 5000 आपको देगा, यानी हमेशा कमाई पाने के लिए उस कमाई का कुछ गुना आपको सामने वाले को देना पड़ता है। जैसे आपने सोचा मुझे रेंट की इनकम कमानी, रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम कमाने के लिए मान लो 1 लाख रुपए महीने की आपको रेंटल इनकम कमानी, तो उसके लिए आपको पहले वो बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, यानी आपको करोड़ रुपए उसको देने पड़ेंगे और तब जाकर आपकी इनकम शुरू होगी। तो हमेशा किसी भी इनकम को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू पे सम कैपिटल सम, आपको कुछ कैपिटल अमाउंट देना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, ये जितना कम गुना देना पड़े उतना ज्यादा अच्छा। इज दैट क्लियर? मतलब मेरा पैसा उतना फटाफट वापस आएगा, मेरा पैसा उतना फटाफट वापस आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर है IRFC, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो क्या करता है, इंडियन रेलवेज को जो भी ट्रैक लगाने रहते हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना रहता है, उसकी फाइनेंसिंग कौन करता है, IRFC। उसके शेयर का पीई रेशियो चल रहा है 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स। वाओ, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब पता है क्या, 4 साल में सारे पैसे ही वापस आ जाएंगे। मतलब क्या है कि आज IRFC का शेयर सपोज करो 20 रुपीज में चल रहा है, 20 रुपए में मिल रहा है IRFC का शेयर और उसकी अर्निंग ही 5 रुपए, तो मैंने आज उनको 20 रुपए का नोट दिया। नेक्स्ट ईयर कंपनी ने मेरे नाम से 5 रुपीज कमा लिए, उसके नेक्स्ट ईयर 5 रुपीज कमा लिए, यानी 4 साल में तो अपना पैसा आ गया। पे बैक, पे बैक, सी एंटर, पे बैक, और बस उसके बाद तो जो भी इनकम होगी वो एक्स्ट्रा ही है। इज दैट क्लियर? तो पीई रेशियो बताता है कि अर्निंग्स पाने के लिए आज अर्निंग्स का कितना गुना हमें वहां पर देना पड़ रहा है, ठीक है। पी रेशियो हमें बता देता है कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो कहीं आप महंगा सौदा तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप महंगा सौदा तो नहीं कर रहे हो। अगर किसी कंपनी का सपोज करो जैसे इन्फोसिस का पी रेशियो चल रहा है 20 टाइम्स और टीसीएस का पी रेशियो चल रहा है 40 टाइम्स, कितना चल रहा है 40 टाइम्स, इन्फोसिस की वही इनकम पाने के लिए मुझे 20 गुना पैसा देना पड़ रहा है, टीसीएस की वही इनकम पाने के लिए मुझे कितना 40 गुना पैसा देना पड़ रहा है, तो फिर कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा, इन्फोसिस या टीसीएस? इन्फोसिस, क्योंकि मुझे इनकम पाने का यहां से 20 टाइम्स ही पे करना पड़ रहा है, वहां इनकम पाने के लिए 40 टाइम्स पे करना पड़ रहा है, राइट। शेयर बाजार में दोस्तों कुछ कंपनीज रहती है जिनके पीई मल्टीपल कम चलते हैं, कुछ कंपनीज रहती है जिनके पीई मल्टीपल ज्यादा चलते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं एशियन पेंट्स की, तो एशियन पेंट्स का पीई रेशियो चलता है 80 टाइम्स, 90 टाइम्स, 100 टाइम्स उनका पीई रेशियो चलता है। आखिर इतना डिफरेंस क्यों? एशियन पेंट्स का पीई रेशियो 80, 90, 100 टाइम्स और वहीं आईआरएफसी नाम की कंपनी, उसका पीई रेशियो सिर्फ कितना 4 टाइम्स। एक बार एक मिनट, हाँ मैं भी कंफर्म कर लेता हूं, मुझे भी काफी समय हो गया। यहां पर एनएससी की वेबसाइट मैंने एक बार ओपन करते हैं। एनएससी इंडिया है ना, NSEindia.com। मैं यहाँ पर आपको पीई रेशियो बता रहा था। आईआरएफसी मैंने आपके सामने एक नाम लिया था, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका आप पीई रेशियो एक मिनट, एक तो एनएससी और एक और कौन सा है बीएसई। बीएसई की वेबसाइट पे फेस पर ही दिख जाएगा, आराम से ऑन द फेस दिख जाएगा। कहाँ लिखा है यार पीई रेशियो, थोड़ा ये रहा यहाँ पर है ना, ये इस जगह पर, ये देखिए दोस्तों पीई रेशियो कितना चल रहा है 4.5 है, 4.5, मतलब 5 टाइम्स मान लो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स मान लो है ना। पीई रेशियो इनका कितना है 5 टाइम्स। इसका देखो इन्होंने कैलकुलेशन कैसे किया होगा। क्या आपको इनका ईपीएस नजर आ रहा है? 4.66 रुपीज उनका ईपीएस है, मतलब 4 रुपए 66 पैसे उनका ईपीएस है ना। अच्छा ईपीएस के ब्रैकेट में क्या लिखा है? टीटीएम का फुल फॉर्म होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, ट्रेलिंग यानी पिछले 12 महीने, इज दैट क्लियर? ट्रेलिंग 12 मंथ्स साल भर का ईपीएस, ओके। और इनके शेयर का थोड़ा सा प्राइस देखना क्या चल रहा है आईआरएफसी का, हाँ 21 रुपीज 20 पैसा। उन्होंने पी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया? 21 रुपए 20 पैसे आज आपको आईआरएफसी का शेयर खरीदने के लिए देने, और वो कंपनी आपको कितना कितना कमा कर दे देगी हर साल 4.66। यानी अगर अपन अर्निंग्स यील्ड निकालें, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, अर्निंग्स यील्ड निकालें तो अर्निंग्स यील्ड क्या होता है? ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस, यानी 4.66 डिवाइडेड बाय 21.20, 20% से भी ज्यादा आ रही है अर्निंग्स। कितनी अच्छी कमाई है कि आप कहीं पर भी पैसा लगा रहे हो, आपने 21 रुपए दिए और वो आपको कितना कमा कर दे रहा है 4.66, यानी ये इनकम 10% है, 20% है, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा आ रहा है, 20% से भी ज्यादा कमाई बैठ रही है, ओके। अच्छा आईआरएफसी एक रिस्की कंपनी है, सेफ कंपनी? इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मतलब किसको फाइनेंस कर रही है? इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज कभी डूब जाएगी क्या? कभी भी नहीं डूबेंगे। किसका हाथ है उसके सर पे? गवर्नमेंट, राइट। तो जब आपने गवर्नमेंट की किसी कंपनी को लोन दे रखा है, इंडियन रेलवेज को, राइट, तो वहां पर एनपीए जो होता है ना वो 0% होता है। कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट इनकी मालूम है कितनी? 0% एनपीए इनका, राइट। टाइम पर पेमेंट आता रहता है, राइट। दोस्तों आईआरएफसी का पीई रेशियो है 4.5 है। और वहीं अगर अपन एशियन पेंट्स की मैंने आपसे बात करी थी, एशियन पेंट्स का एक मिनट, एशियन होटल्स खुल गया, एशियन पेंट्स का पीई रेशियो ये देखिए दोस्तों कितना टाइम चल रहा है, 82 टाइम्स है ना। उनके शेयर का प्राइस कितना है 2600 है, ये अभी थोड़ा सा गिर गया, इसके पहले 3000 प्लस था और तब उनका पीई रेशियो कितना था 100 टाइम्स। 100 टाइम्स पीई रेशियो का मीनिंग सुनिए दोस्तों, 100 टाइम्स पीई रेशियो का मीनिंग पता है क्या होता है? सिर्फ एक रुपए की कमाई के लिए मैं 100 रुपए दे रहा हूं, एक मिनट, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस। मार्केट प्राइस सपोज 3000 रुपीज है और ईपीएस 30 रुपीज है, यानी मैं 30 रुपीज की कमाई के लिए कितने दे रहा हूं 3000, यानी फॉर एवरी 1 रुपी आई एम पेइंग देम 100 रुपीज। 1 रुपये की कमाई के लिए, 1 रुपये की कमाई के लिए हम कितना दे रहे हैं 100 रुपए। यानी देखा जाए तो 100 रुपए देकर इनकम कितनी हो रही सिर्फ 1 रुपए, 1%। अर्निंग्स यील्ड कितना आया सिर्फ 1%। लेकिन फिर भी ये शेयर कई समय से 60, 70, 80, 90, 100 के पीई रेशियो पर चलता है। उसके पीछे कुछ कारण है। कुछ कंपनीज के पीई रेशियो बहुत ऊंचे होते हैं और वो हमेशा वैसे ही चलते हैं, यानी वो कंपनीज अच्छे ऊंचे पीई रेशियो पर ही चलती। जैसे नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया का पीई रेशियो 4-5 गुना होगा, 10 to 15 टाइम्स होगा, या वही 50-60-80, राइट। एक बार नेस्ले का और देखते हैं, नेस्ले का पीई रेशियो, नेस्ले इंडिया, ये देखिए दोस्तों कितना पीई रेशियो चल रहा है, 75 टाइम्स। जो ब्रांडेड कंपनीज होती है ना, ब्रांडेड कंपनीज, यानी उनके प्रोडक्ट ही अनबीटेबल है। कैसे है अनबीटेबल? जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं रास्ते चलते अगर किसी को बोलूं कि मैं एक वर्ड बोलूंगा, आप बताना आपको कौन सी कंपनी पहले क्लिक हो रही। जैसे ही मैंने बोला पेंट्स, सबसे पहले ही क्या क्लिक होगा? एशियन पेंट्स, राइट। या जैसे ही मैंने बोला मैगी, मतलब नूडल्स या ऐसा कुछ भी, तो नेस्ले ही क्लिक होगा। या फिर नेस्ले क्या करता है, जो बेबी मिल्क पाउडर रहता है वो भी नेस्ले ही बनाता है। तो नेस्ले के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैसे अनबीटेबल है, यानी उसका मार्केट में कोई सेकंड कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो ऐसी कंपनीज की कमाई पाने के लिए मैं कुछ ज्यादा गुना भी देने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि यार चलेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप इसको ऐसा समझना क्यों, वो कंपनी जिनकी गुडविल ज्यादा अच्छी होती है, जिनका ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा होता है, जिनकी रेपुटेशन ज्यादा होती है, उनका पीई रेशियो ज्यादा होता है। मैं सपोज आपके सामने एक स्कीम लेकर आया और मैंने कहा आज आप मुझे 10 रुपए दो, आज आप मुझे कितने 10 रुपए, 10 रुपीज का आप मुझे नोट दो, मैं आपको 1 रुपये की इनकम हर साल दूंगा। यानी फिर आप ये बनकर मुंबई भी चले गए तो वहां पर भी मैं आपके अकाउंट में 1-1 रुपये हर साल क्रेडिट करते चले जाऊंगा। आपने कहा ठीक है यार, क्या दिक्कत है, आज 10 रुपए दे रहे हैं, हर साल अपने को 1-1 रुपये की इनकम आती चली जाएगी। आपने कहा ठीक है सर, 1-2 दिन सोचने का मौका दीजिए, हम आपको बताते हैं, 10 रुपीज आप मुझे दो, मैं आपको कितना इनकम दूंगा, 1-1 रुपये की इनकम दूंगा। यानी एक तरीके से 10 टाइम्स का पी रेशियो हो गया ना, 10 रुपीज आप मुझे प्राइस दे रहे हो, आई एम गिविंग यू अर्निंग्स ऑफ 1 रुपी। ओके, अपनी जैसे ही क्लास खत्म हुई, आप यहाँ से नीचे उतरे, बाहर आप सड़क पर गए, वहां पर किसी व्यक्ति ने आपको रोककर पूछा भाई साहब एक स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम। आपने कहा क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम? उस व्यक्ति ने बोला आज आप मुझे 10 रुपए दो, अनजान व्यक्ति। उसने बोला आज आप मुझे 10 रुपीज दो, मैं आपको 1 रुपये की इनकम दूंगा। तो अब आप ये 10 रुपीज किसको देना पसंद करेंगे, उसे या मुझे? मुझे। क्यों? मतलब थोड़ा आप मुझे जानते हो, थोड़ा आपको मुझ पर ट्रस्ट है, राइट। उस बंदे ने कहा चलो भाई साहब एक काम करते हैं, आप 10 रुपए मत दो, आप मुझे 9 रुपए दो, 10 रुपीज मत दो, कितने दो, 9 रुपीज दो मुझे, और मैं आपको 9 देकर ही 1 रुपये की अर्निंग दे दूंगा। अभी भी आप बोलोगे नहीं यार सर ही ज्यादा अच्छे, 1 रुपया ज्यादा लग रहा है, लेकिन विश्वास तो है। इज दैट क्लियर? पर वो व्यक्ति जैसे जैसे थोड़ा उसका रेट गिराता जाएगा, 9 की जगह चलो भाई साहब 8 रुपीज ही दो, मैं आपको 1 रुपये की इनकम दूंगा, शायद वो नहीं, अभी भी सर ही ज्यादा अच्छा है, कम से कम पैसा अपना सेफ तो है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर आप बोलोगे यार अभी रिस्क लेना बनता है। जैसे इस व्यक्ति ने बोला 5 रुपए का नोट दो, 5 रुपीज दो और मैं 1, अब आप बोलोगे यार अब थोड़ा डिफरेंस है, मैं रिस्क ले सकता हूं। तो दोस्तों उसका पीई रेशियो गिरकर कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर? तो जो रिस्की कंपनीज रहती है उनके पीई रेशियो, रिस्की कंपनीज के पीई रेशियो कम रहते हैं, और जो स्टेबल कंपनीज रहती है जिनकी गुडविल, ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा है, जिनके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो बरसों से चली आ रही है, जैसे नेस्ले नाम की कंपनी बरसों से चली आ रही है, उसका पीई रेशियो ज्यादा रहेगा। एशियन पेंट्स का हमेशा पीई रेशियो ज्यादा रहेगा, और जो रिस्की रहेंगी उनका पीई रेशियो सीए फाइनल कम रहेगा। अब आप पूछेंगे कि सर ये IRFC में तो रिस्क ही नहीं। IRFC में एक बहुत बड़ी रिस्क है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। 95% किसके पास है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उठाकर कुछ भी कर सकती है। यस, इसके पहले IRCTC अगर कोई शेयर मार्केट में डील करता हो तो IRCTC का शेयर था, अचानक से क्रैश हो गया 20-30%। पता है क्यों? क्योंकि IRCTC को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि IRCTC का जो भी टिकट बुकिंग से रेवेन्यू, जैसे अपन ट्रेन की बुकिंग करते तो टिकट पे अपने को चार्जेस लगते हैं ना कुछ, राइट, कन्वीनियंस चार्जेस, गवर्नमेंट ने उठाकर बोल दिया कि ये जो कन्वीनियंस चार्जेस हैं वो आपको मिल किसकी बदौलत रहे, हमारी बदौलत। आईआरसीटीसी को ये टिकट बुकिंग करने का काम किसने दिया, गवर्नमेंट ने। तो आईआरसीटीसी को अपना जो भी टिकट बुकिंग से रेवेन्यू आता है उसका 40% गवर्नमेंट को देना है। उठाकर एक ही दिन में 40% रेवेन्यू ही साफ कर दिया। गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग, यस। इसलिए ऐसी कंपनीज जिसमें रिस्क भयंकर है, रिस्क आईआरएफसी में ये रिस्क है कि कल को उठाकर गवर्नमेंट ने कुछ भी चेंज कर दिया। गवर्नमेंट पता है क्या चेंज कर सकती है, ये चेंज कर सकती है कि अभी तक आप इंडियन रेलवेज को फाइनेंस कर रहे थे और उस पर आप 40 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.40% आप अपना मार्जिन रख रहे थे, अब आप 0.40% नहीं रख पाओगे, 0.20 ही रख पाओगे, मतलब इतना ही रख पाओगे। एकदम से आपका रेवेन्यू कोलैप्स, सारा का सारा आपका ईपीएस गया। तो इनमें रेगुलेटरी रिस्क है। कैसी रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, राइट। ओएनजीसी नाम की कंपनी, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इनके पी रेशियो 50, 60, 80 टाइम्स चलते होंगे या 5, 10, 20। क्यों? क्योंकि ये कंपनी यूं रिस्क फ्री है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट डोंट है तो गवर्नमेंट कल उठाकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज के यूजुअली पीई रेशियो कम चलते हैं। दूसरा एक और फैक्टर, गवर्नमेंट कंपनीज की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है, प्राइवेट कंपनीज की ग्रोथ रेट ज्यादा होती है। प्राइवेट नेस्ले की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की ग्रोथ रेट अच्छी होगी, एशियन पेंट्स की ग्रोथ रेट, बिकॉज दिस आर प्राइवेटली ओन्ड, राइट, तो इनकी ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिन कंपनीज की ग्रोथ रेट ज्यादा होगी उनका पीई रेशियो ज्यादा होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल आज इन्फोसिस भी 20 टाइम्स का पीई रेशियो है, यानी 1 रुपये की इनकम के लिए 20 रुपीज देने, और टीसीएस का भी पीई रेशियो 20 टाइम्स है। सपोज कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए 20 रुपीज देने है ना, 1 रुपये की अर्निंग के लिए 20 रुपीज का मार्केट प्राइस देना है। आपने देखा यार दोनों में से इन्फोसिस की ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लग रही है, तो अब आप आज की तारीख में कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना पसंद करोगे, इन्फोसिस। क्योंकि आप बोलोगे जब उसी 1 रुपये की आज की कमाई के लिए दोनों कंपनी 20-20 रुपीज मांग रही है, लेकिन उस कंपनी का, इन्फोसिस का अर्निंग्स तेजी से ग्रो होने वाला है, तो आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्राइस भी पे करने को तैयार हो जाओगे कि 20 रुपीज की जगह चलो एक काम करो 21 रुपीज दे दो, क्या जाता है, आगे जाकर इसकी कमाई तेजी से बढ़ने वाली है, राइट। यानी कंक्लूजन पता है क्या है कि पीई रेशियो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मैं बोलता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना। रिस्क अगर कम तो पीई रेशियो कम या ज्यादा? रिस्क अगर कम है, उस कंपनी में रिस्क कम है तो पीई रेशियो कम या ज्यादा? पीई रेशियो ज्यादा, क्योंकि कम रिस्क है तो आप थोड़ा ज्यादा भी पे करने को तैयार हो जाओगे कि चलेगा यार, पर अपना पैसा तो सेफ है। गवर्नमेंट की जो बैंक्स होती है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुई, एसबीआई हुई, और जो प्राइवेट बैंक्स हुई, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी बैंक, दोनों में आप जानते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होती है। अगर आप एफडी करोगे तो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चलेगा और प्राइवेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग चलेगा। किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा? प्राइवेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि वहां रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है। तो क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी उसका पीई रेशियो कम निकलेगा एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि आप जब उनको 1 लाख रुपीस दोगे, प्राइवेट बैंक को जब आप 1 लाख रुपीस दोगे, तो क्या वो आपको 5,000 इंटरेस्ट देगी या 6,000 इंटरेस्ट देगी? 6,000, यानी 1 लाख रुपीस हो गई एक तरीके से मार्केट प्राइस दैट यू आर पेइंग, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग इनकम ऑफ 6,000 रुपीज। तो उनका पीई रेशियो कम हो गया। और एसबीआई क्या बोलेगा? बिकॉज वी आर सेफ, यहां आपका पैसा नहीं डूबना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा गुना देना पड़ेगा हमें, राइट। हम आपको थोड़ा कम ब्याज देंगे, यानी आपको हमें थोड़ा ज्यादा गुना देना पड़ेगा। आप जब हमें 1 लाख रुपीस दोगे तो हम 5,000 ही इंटरेस्ट देंगे एक तरीके से। इंटरेस्ट आपकी अर्निंग हो गई, उस अर्निंग का आप 20 टाइम्स पे कर रहे हो, किसको? एसबीआई को। लेकिन आप आईडीएफसी बैंक को जब आप 1 लाख पे करोगे तो वो आपको 6,000 इंटरेस्ट दे देंगे, यानी 6,000 की कमाई का कितना गुना आपको उनको देना पड़ रहा है? रफली 16 टाइम्स ही देना पड़ रहा है। तो जहां रिस्क ज्यादा होगी वहां पीई रेशियो कम होगा। जैसे आईआरएफसी में एक बहुत बड़ी रिस्क कौन सी? रेगुलेटरी रिस्क है। इज दैट क्लियर? तो इसकी वजह से वहां पर पीई रेशियो कम है ना। ओके, एशियन पेंट्स पर कोई रेगुलेटरी रिस्क नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर कोई रेगुलेटरी रिस्क नहीं है, राइट, इसकी वजह से इनके पीई रेशियो ज्यादा है। हाँ, तो मैंने क्या बोला? रिस्क कम मतलब पीई रेशियो ज्यादा। अगर गुडविल अच्छी हो, ब्रांड नेम अच्छा हो, रेपुटेशन अच्छा हो, लोग आपकी कंपनी पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, तो आपका पीई रेशियो ज्यादा होगा। बिकॉज दे विल से कि यार कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कम मिलेगा, मुझे पैसा इनकम कम होगी, मैं थोड़ा ज्यादा गुना भी दे रहा हूं तो भी चलेगा, लेकिन मुझे विश्वास तो है क्योंकि यहाँ की गुडविल है। इज दैट क्लियर? बोलो ओके। अगर किसी कंपनी की ग्रोथ रेट फ्यूचर में अच्छी खासी होने वाली है तो उसका पीई रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि आप बोलोगे आज तो कमाई कम दिख रही है लेकिन फ्यूचर में इसकी इनकम ज्यादा होगी, तो आज अगर थोड़ा सा ज्यादा गुना भी प्राइस पे करनी पड़ रही है ना तो मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ्यूचर में ये इनकम बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अगर फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ रेट का अच्छा हो तो पीई रेशियो भी ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, ये जो पीई रेशियो रहता है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के काम में आता है, जिसमें कि हम देख पाते हैं कि आखिर हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं कितनी कमाई के बदले में, राइट। तो मैं यहाँ पर आपके सामने दो कंपनीज के एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ इन्फोसिस के बारे में, ठीक है, और मैं यहां पर एक और कंपनी का एग्जाम्पल आपके सामने लूंगा। ओके, सपोज इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस है 1500 रुपीस और इन्फोसिस का अर्निंग्स पर शेयर है 75 रुपीस। इन्फोसिस का अर्निंग्स पर शेयर है 75 रुपीस, तो इन्फोसिस का पीई रेशियो होगा मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, यानी 20 टाइम्स, राइट, 1500 डिवाइडेड बाय 75। इन्फोसिस का पीई रेशियो होगा कितना? 20 टाइम्स। ओके, लेट्स सपोज कि आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मान लो कि आपकी सिटी की एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी, छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी, 40-50 लोगों का स्टाफ है वहां पर। कुछ कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, लोकल प्रोजेक्ट भी आते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट भी आते हैं। वो कंपनी कुछ प्रोजेक्ट उठाती है, 40-50 एम्प्लॉइज का वहां का स्टाफ है ना। सपोज कि इस कंपनी का नाम है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, मतलब इन्होंने नाम ही कंपनी का ये रख रखा है, लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी। हाँ जी, ये एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। हाँ, सपोज कि इसका अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपीज, है ना। एक अनलिस्टेड कंपनी का भी ईपीएस तो हो सकता है अर्निंग्स पर शेयर, क्योंकि उसकी कुछ कमाई होगी और उसके कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। हाँ, सपोज इस कंपनी का ईपीएस कितना है? 10 रुपीज है ना। आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है का मतलब क्या है कि आप कुछ रुपए दोगे और बदले में आपको कुछ शेयर इश्यू करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर हम इसके लिए कितना प्राइस पे करें। तो वो जो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था वो बोल पड़ा कि इन्फोसिस की कमाई का लोग कितना गुना दे देते, 20 टाइम्स, तो हमारी कमाई कितनी? 10 रुपीज, तो उसका 20 टाइम्स कितना हुआ? 200 रुपए, राइट। तो आप हमें हमारे शेयर के लिए कितने दे दीजिए? 200 रुपए दे दीजिए, राइट। आप 200 रुपीज दे दीजिए, हम आपको 1 शेयर इशू कर देंगे। आप 400 रुपीज दे दीजिए, हम आपको कितने शेयर इशू कर देंगे? 2 शेयर, 2 शेयर इशू कर देंगे, राइट। लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का पीई रेशियो कितना आ रहा है? 20 टाइम्स आ रहा है। 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 टाइम्स। और 20 टाइम्स का मीनिंग आप समझते हो कि मैं कमाई का कितना गुना दे रहा हूं इनको? 20 गुना, है ना। यहां पर 75 रुपए की कमाई के लिए 1500 दे रहा हूं, यानी हर एक रुपए की, हर एक रुपीज की इनकम के लिए 20 रुपीज दे रहा हूं। यहां पर 10 रुपीज की इनकम के लिए 200 दे रहे हो, यानी वही 1 रुपी की इनकम के लिए यहां पर कितने दे रहे हो आप? पर 1 रुपी इनकम के लिए आप कितने दे रहे हो? 20 रुपीज। हाँ जी, अब आपके पास कुछ रुपए रखे हैं, मान लो 10-20 हजार रुपए आपके पास रखे हुए हैं। कहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी में या इन्फोसिस में? इन्फोसिस। क्यों आपने इन्फोसिस बोला? क्योंकि जब ये भी इसकी कमाई का 20 गुना हमसे ले रहा है और वो इन्फोसिस भी कमाई का 20 गुना ले रही है, तो 20 गुना देना ज्यादा अच्छा कहां? इन्फोसिस। 20 टाइम्स देना ज्यादा अच्छा किसको? इन्फोसिस को। क्यों इन्फोसिस? क्योंकि उसका ब्रांड नेम है, रेपुटेशन है, गुडविल है, बड़ी कंपनी, वेल डाइवर्सिफाइड है। कल को अगर एक आध क्लाइंट इधर उधर हो जाए इन्फोसिस का, फर्क पड़ता है क्या इन्फोसिस को? नहीं। लेकिन लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट इधर से उधर हो गया, हो सकता है 25 एम्प्लॉयज की नौकरी एकदम से चली जाए, और वो 25 एम्प्लॉयज की नौकरी गई, इनका रेवेन्यू गया और शेयर का प्राइस क्रैश हो गया। लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का शेयर का प्राइस 200 रुपीज से 100 हो सकता है, हो सकता है 50% क्रैश हो सकता है, हाँ इन्फोसिस का 50% क्रैश हो सकता है, जनरली तो नहीं अनलेस पूरा शेयर मार्केट ही क्रैश हो जाए। और अगर शेयर मार्केट क्रैश हुआ तो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ बचनी है क्या? फिर तो इसका 200 रुपए का शेयर 20 रुपए का भी नहीं बचेगा, शायद 10 रुपए का भी नहीं बचे, शायद कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए, राइट। तो आप 20 टाइम्स इन्फोसिस के लिए पे कर रहे हो तो आप एक अन्य ब्रांडेड कंपनी के लिए 20 टाइम्स पे नहीं। भाई ब्रांडेड जीन्स के लिए हम 3000 रुपीज भी दे देंगे, 5000 भी दे देंगे, लेकिन अन्य ब्रांडेड के लिए उतना गुना थोड़ी ही ना देंगे, है ना। तो हम लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी को पता है क्या कहेंगे, बिकॉज यू आर एन अनब्रांडेड कंपनी, तो हम आपके लिए मार्केट प्राइस 200 नहीं, कितना पे करेंगे 150। मतलब कि आपका जो पीई रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए, 15 टाइम्स होना चाहिए, राइट। तो जो अनब्रांडेड कंपनीज होती है, जिनका गुडविल उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिनमें स्टेबिलिटी उतनी नहीं रहती है, छोटी कंपनी रहती है, उनका पीई रेशियो कम चलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर इस लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजमेंट को आप पर्सनली जानते हो और आपको उन पर ट्रस्ट है, उनकी काबिलियत पर ट्रस्ट है, इनकी अगर ग्रोथ रेट इन्फोसिस से भी ज्यादा है, तो फिर आप इसके लिए थोड़ा सा मल्टीपल बढ़ा दोगे। इज दैट क्लियर? मतलब वो वेरियस फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर की पी मल्टीपल डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर बेसिक्स देखा। अब एक फॉर्मूला अपना वहां पर बाकी रह गया था उधर मार्केट कैप में। ओके, मार्केट कैप का दोस्तों एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 2 से 3 लाइन की जगह छोड़ेंगे और फिर एक और फॉर्मूला लिखेंगे। मार्केट कैप का एक और फॉर्मूला होता है पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय ईएटी। पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ईएटी। इससे भी दोस्तों मार्केट कैप आ जाता है। पीई रेशो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ईएटी। ठीक है। आखिर क्यों? तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रन कर देता हूं, है ना। इन्फोसिस के शेयर का मार्केट प्राइस कितना? 1500, है ना। इन्फोसिस का ईपीएस कितना? 75 रुपीज। लेट अस सपोज कि इन्फोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स है 100 करोड़ शेयर्स। ठीक है। इन्फोसिस के कितने? 100 करोड़ शेयर, है ना। ओके, अब अगर मैं आपको इन्फोसिस का मार्केट कैप कैलकुलेट करने का बोलूं, है ना, मार्केट कैप, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से उसका मार्केट कैप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ। मार्केट प्राइस कितनी है? 1500। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 100 करोड़। यानी कि मार्केट कैप कितना हो गया? 1500 और 100 यानी 1,50,000 करोड़, है ना, 1.5 लाख करोड़ हो गया इन्फोसिस का मार्केट कैप। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। देखना कैसे। ये फॉर्मूला सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है? पीई रेशो। पीई रेशो क्या होता है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। हमारा पीई रेशो कितना है? 20 टाइम्स। ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है इसको? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस से। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस कैसे निकाल सकते हैं? ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। 7500 करोड़ रहा होगा ना अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। यहाँ पर मैं ईएटी और ईएईएस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करूंगा क्योंकि अजम्पशन ये है कि प्रेफरेंस नहीं है, वो है तो फिर फर्क पड़ता है। ठीक है। ओके, हाँ जी भाई। ईपीएस कैसे निकाला होगा? ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो आ गया ईपीएस। तो ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा? ईएटी 7500 करोड़। देख लो आप, मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आंसर आएगा। 20 टाइम्स इंटू 7500 करोड़ यानी कितना आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है 1,50,000 करोड़। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक और फॉर्मूला है किसको कैलकुलेट करने का, मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का, पीई रेशियो इंटू ईएटी। अब वो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन ऐसे डिजाइंड होते हैं कि ये दूसरा वाला जो फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा काम में आता है। यानी जब अभी आप भी पढ़ोगे ना तो आपको क्लिक हो जाएगा कि यार ये वाले फॉर्मूला से लेट आंसर निकल रहा है, इस वाले फॉर्मूला से फटाफट आंसर निकल रहा है। मतलब क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइंड होता है। ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा फॉर्मूला भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए, राइट। ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ? बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। आप मार्केट प्राइस को डिवाइड कर दो, है ना। मार्केट प्राइस को आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? ईपीएस। और इधर नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप तो जानते ही हो ना, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर, तो इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इनटू ईपीएस भी कर दिया और डिवाइड बाय ईपीएस भी कर दिया। जो डिवाइड वाला ईपीएस है वो मार्केट प्राइस के नीचे भेज दिया, क्या बन गया वो पी रेशो, और जो मल्टीप्लाई वाला ईपीएस है वो नंबर ऑफ शेयर्स के साथ भेज दिया, क्या बन गया वो EAT। इज दैट क्लियर? तो सिंपल, ये भी एक और फॉर्मूला है टू कैलकुलेट व्हाट मार्केट कैप। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, हमने क्या क्या बेसिक्स अभी कवर कर ली। सबसे पहला तो हमने EPS देखा था, EPS बच्चा बच्चा जानता है, EAES या फिर EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। फिर हमने डिविडेंड परसेंट समझा, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज समझा और डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड परसेंट यानी एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज यानी एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी एज अ परसेंटेज ऑफ ईपीएस। फिर उसके बाद हमने रिटेंशन रेशियो देखा, विच इज सिंपली रिमेनिंग पार्ट आफ्टर डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी ईपीएस माइनस डीपीएस अपॉन ईपीएस। या फिर आपने सीए इंटर में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। याद करो वो दिन, अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% यानी वो जो कमा रही है उसका 40% पे आउट कर रही है, यानी रिमेनिंग 60% वो रिटेन कर रही है। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद हमने अर्निंग्स यील्ड परसेंटेज समझा। यील्ड का बेस क्या होता है, हमेशा मार्केट प्राइस, और कौन सा यील्ड है, अर्निंग्स यील्ड, यानी ईपीएस आएगा ऊपर ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्या देखा हमने, मार्केट कैप के दो फॉर्मूले, कौन से दो फॉर्मूले, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स और पीई रेशियो इंटू EAT या EAES। ठीक है ओके। फिर इसके बाद एक और हमने क्या देखा, पीई रेशियो का फॉर्मूला देखा, मार्केट प्राइस अपॉन EPS। पीई रेशियो बेसिकली क्या बताता है कि कमाई का कितना गुना आज आप दाम चुका रहे हो, कितना प्राइस दे रहे हो। अगर वो गुडविल हुई, कंपनी की अच्छी हुई, ब्रांड नेम अच्छा हुआ, वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, रिस्क कम है, तो मैं ज्यादा गुना भी देने को तैयार हो जाऊंगा। उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के अच्छे, तो मैं ज्यादा गुना यानी ज्यादा पी मल्टीपल भी मैं पे करने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन वो कंपनी रिस्की है, उसका गुडविल उतना अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं, तो उसका पीई रेशियो कम होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक्स देखे। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हेलो, चलिए गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, हमने एसएफएम बैच की शुरुआत कर दी थी, जिसमें कि हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर रिवाइज किया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर फर्स्ट चैप्टर। हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका वेटेज रफली 8 to 10 मार्क्स का होता है। कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज रहेगा रफली 8 to 10 मार्क्स, और इसका जो क्वेश्चन आता है वो काफी स्कोरिंग रहता है। ओके, तो हम समझते हैं दोस्तों, आखिर हमें मर्जर्स, एक्विजिशंस और रीस्ट्रक्चरिंग में क्या समझना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ समय पहले आईएनजी वैश्य बैंक को अक्वायर किया था। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान को अक्वायर किया था। आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट नाम का एक एनबीएफसी था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उसका मर्जर हुआ था। किसका? आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का। इसलिए आज की तारीख में आईडीएफसी बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसी तरह के न जाने कितने सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आज तक हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि टाटा स्टील ने कोरस को अक्वायर किया था, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को अक्वायर किया था। न जाने कितने ही मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आज की तारीख में हो चुके हैं। आखिर ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील होती हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील यानी कि अगर टाटा ने कोरस को अक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने अगर जगुआर लैंड रोवर नाम की कंपनीज को अक्वायर किया, तो आखिर ये डील होती कैसे होंगी, आखिर कौन वो लोग होते होंगे जो कि इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के पीछे होते होंगे। दिस आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वह व्यक्ति होता है जो कि अक्वायरिंग कंपनी, जो कि किसी कंपनी को अक्वायर करना चाह रही है, और टारगेट कंपनी, जो कंपनी अक्वायर होती है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने वाले कौन लोग होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं। यानी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का जो बिजनेस है ना, बिल्कुल वैसे चलता है जैसे कि प्रॉपर्टी ब्रोकर का बिजनेस चलता है। प्रॉपर्टी ब्रोकर बेसिकली क्या करता है, जिसके पास, जिसको डिमांड है कि यार मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, मेरे पास रुपए रखे हैं, और जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि टाटा स्टील जाकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अप्रोच करता है। टाटा स्टील जाकर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अप्रोच करता है, हे वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एक्विजिशंस इन द स्टील सेक्टर। हमारी यूरोप में प्रेजेंस हमें इंक्रीज करनी, क्या करना है हमें यूरोप में हमारी प्रेजेंस इंक्रीज करनी, तो किसी यूरोपियन स्टील मेकिंग कंपनी को हमें एक्वायर करना है, बस इतना बोलकर टाटा स्टील छोड़ देता है। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं, यूरोप की जितनी सारी छोटी बड़ी स्टील मेकिंग कंपनीज है उन सभी को अप्रोच करते हैं, उन सभी को अप्रोच करते हैं, उनके मैनेजमेंट से जाकर कम्युनिकेट करते हैं कि एक कंपनी है जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए, यानी एक्विजिशन के लिए टारगेट ढूंढ रही है। इज योर कंपनी रेडी टू बी एक्वायर्ड, यस और नो? डेफिनेटली हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से एग्जिट करना चाहते हैं। यार मैंने एक बिजनेस सेटअप किया और कोई मुझे उसके 1000 करोड़ रुपए दे रहा है, मैं बोलूंगा अरे 1000 करोड़ रुपए ज्यादा अच्छा ना भाई, बिजनेस करने में तो देयर इज अ रिस्क कि कल को वैल्यूएशन ऊपर भी चल जाए, नीचे भी चल जाए, और कितनी ज्यादा कंपटीशन है। अगर कोई आज मुझे 1000 करोड़ रुपीस दे रहा है, मैंने कहा ठीक है ये रखो मेरी कंपनी, मुझे 1000 करोड़ मिल गए, इससे अब मैं कुछ और नया करूंगा जो मेरे दिमाग में नया आइडिया होगा, राइट। एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने का अनाउंसमेंट किया, राइट, तो ट्विटर ने भी देखा कि यार ये तो अच्छा खासा शेयर का प्राइस हमें पे कर रहे हैं और इतना वैल्यूएशन तो बहुत ही हेफ्टी वैल्यूएशन है, व्हाई डोंट सेल आवर कंपनी टू एलॉन मस्क, इज दैट क्लियर, राइट। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में क्या होता है, जो बीच में व्यक्ति होता है वो कौन होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है, जो कि एक्वायरर और टारगेट के बीच में कनेक्शन बिठाता है। लेकिन प्लीज आप इसको इतना आसान मत समझिए कि प्रॉपर्टी की डील जितना आसान हो गया कि वर्मा जी नाम के ब्रोकर हैं और वो आपको एक, उन्होंने 2, 4, 5, 7 प्लॉट दिखाए और आपने उसमें से एक पसंद कर दिया, सामने वाली पार्टी के साथ आप बैठे, 15-20 मिनट में आपका काम हो गया। क्या ये उतना आसान होता होगा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? नहीं। प्रॉपर्टी और प्लॉट का वैल्यूएशन करना तो आसान है कि यार इस एरिया में क्या रेट चल रही है, लेकिन एक कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कंपनी के आपको सारे फाइनेंशियल्स स्टडी करने पड़ते हैं, इनफैक्ट आपको कंपनी के कस्टमर बेस को भी स्टडी करना पड़ता है कि इनका कस्टमर बेस कितना ट्रस्ट वर्दी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी एक्वायर हुई और इतने में इनके जो कस्टमर्स है वो दूसरी कंपनी के पास चले गए, तो हमने एक्वायर ही क्यों करी कंपनी, राइट। तो कंपनीज का वैल्यूएशंस करना पड़ता है, फिर कंपनीज के मैनेजमेंट के बीच में पैरिटी बिठानी रहती है। फिर तीसरी चीज एम्प्लॉइज, हो सकता है कि एम्प्लॉइज बगावत कर दें, ऐसा कई बार होता है। टाटा स्टील के खुद के साथ ही हो गया कि टाटा स्टील ने जब कोरस को अक्वायर किया तो जितने भी कोरस के एम्प्लॉइज थे दे वेंट ऑन स्ट्राइक कि हमें टाटा स्टील से अक्वायर नहीं होना है, हमारे इंटरेस्ट ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं हमारी कंपनी में और हमारे मैनेजमेंट में। तो एम्प्लॉइज कई बार हो सकता है कि अगेंस्ट चल जाए मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने में रफली 2 साल 3 साल 5 साल का वक्त लग जाता है, यानी उन दोनों कंपनीज के बीच में पैरिटी बिठाने में और उनका इंटीग्रेशन करने में 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स लग सकते हैं। वोडाफोन और आइडिया का भी मर्जर हुआ, यस, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ और उसके बाद पोस्ट मर्जर सारा इंटीग्रेशन करना। पहले मर्जर के पहले वोडाफोन का मध्य प्रदेश रीजन का हेड था, आइडिया नाम की कंपनी का भी एमपी रीजन का हेड था, लेकिन अब मर्ज कंपनी के इस रीजन को आखिर कौन हेड करेगा, ये सारा एम्प्लॉइज की रीस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीजें किसके अंदर होती? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के अंदर होती है, राइट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आखिर कौन लोग बनते होंगे, यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो कौन वो लोग होते होंगे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते होंगे, जिनको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिलती होगी? सीए? यू आर रॉन्ग। सीए को इन्वेस्टमेंट बैंक में नहीं रखा जाता है, सीए को इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब नहीं मिलती है। एमबीएस फ्रॉम टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 कॉलेजेस, दे बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। आप ये सोच रहे होंगे आखिर सीए को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब क्यों नहीं मिलती? सीए को मिल सकती, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब मिल सकती, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब में कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स लगते हैं जो कि एमबीए में ज्यादा होते हैं। भाई आपको एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करना है, आपको टाटा के टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है। किससे? टाटा कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, कितनी बड़ी कंपनी, हजारों एम्प्लॉइज, उसके किससे का आपको कॉन्टैक्ट करना है, टॉप मैनेजमेंट से। टॉप मैनेजमेंट यानी कोई 2-5 साल का एक्सपीरियंस है, 25-30-35 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हो, एमडी सीईओ लेवल, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। सो दे ऑलरेडी हैव एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 30-35 ईयर्स। क्या उसके सामने एक 20-25 साल का बंदा जाकर बात कर पाएगा क्या? दूसरा, फिर आपको जाना है वहां पर जैगवार और लैंड रोवर के मैनेजमेंट में जो कि यूरोप में है। जैगवार और लैंड रोवर के टॉप मैनेजमेंट से जाकर आपको बात करनी है और दोनों को कन्विंस करना है। तो जो पर्सनालिटी ट्रेट लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, वो एक तो आपकी सुपर्ब कम्युनिकेशन स्किल्स लगती है, पर्सनालिटी, नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, इंटरपर्सनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीजों की जरूरत लगती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपको मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना रहेगा, शायद आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि हे इफ यू टू कंपनीज इंटीग्रेट देन दिस आर द बेनिफिट टू बोथ ऑफ यू, टाटा मोटर्स ये गेन करेगा, जगुआर को ये फायदा होगा, एंड सो ऑन, राइट। और आप जब उनको कन्विंस करोगे तो हवा में कन्विंस नहीं कर पाओगे, you have to have facts and figures because they are 30-35 years experienced people and they are sitting on the top management post। तो सोचो कि उनकी भी personality कैसी होगी, right? तो usually CA को investment banking में front office में job, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस में जॉब नहीं मिलता है, मिलता है सीए को फ्रंट ऑफिस में मिलता है, कुछ सीए जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बट रफली 4 years की एक्सपीरियंस के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में फ्रंट ऑफिस में काम करने को मिलता है। उससे पहले हम जा सकते हैं आईबी में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, लेकिन हमें बैक ऑफिस का काम मिलता है। बैक ऑफिस का काम मतलब पता है क्या होता है, कि जो फ्रंट ऑफिस में उन दोनों कंपनी के मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करने जा रहा है, उसके पास पहले डेटा होना चाहिए सारा, तभी तो वो बात कर पाएगा कि टाटा मोटर्स अगर जगुआर को अक्वायर करता है तो यूरोप के इस रीजन में जगुआर का प्रेजेंस बहुत अच्छा है और टाटा मोटर्स का प्रेजेंस नहीं है, अगर आप दोनों इंटीग्रेट कर देते हो तो आपकी टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी जिससे टाटा मोटर्स को भी फायदा होगा, जगुआर को भी फायदा होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो ये डेटा सारा इकट्ठा करना, कहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सारा काम होता है कहाँ पर, बैक ऑफिस में। इज दैट क्लियर? ये सारी स्टडी में दोस्तों हमारी जॉब लग जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऐसा कहते हैं और ऐसा होता है कि रफली यू हैव टू वर्क फॉर 15-18 आवर्स ऑन डेली बेसिस, 15 से 18 घंटे डेली काम करना पड़ता है। और क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि जब टाटा मोटर्स ने आपको बोला या टाटा स्टील ने आपको बोला कि हमें एक कंपनी एक्वायर करनी है, तो आप बताइए कि क्या सिर्फ आपको बोला होगा? जब अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी तो क्या आप सिर्फ एक ब्रोकर को बोलते हैं? आप 5 ब्रोकर को टेलीफोन कर देते हैं और बोल देते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी, या अगर आपको एक प्रॉपर्टी सेल करनी होती तो क्या आप एक ही ब्रोकर के भरोसे रहते हैं? बताइए, ये फाइनल। आप 5 ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे मुझे ये रही मेरी प्रॉपर्टी, मुझे सेल करनी। तो वैसे ही दोस्तों कंपटीशन हो जाता है वेरियस इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बीच में। टाटा मोटर्स क्या करेगा, गोल्डमैन सैक्स को भी फोन करेगा, मैरिल लिंच को भी फोन करेगा, इधर कोटक को भी फोन करेगा, और वो ऐसे करके तमाम 5 से 6 इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बोल देगा कि हमें एक कंपनी बाय करनी। अब सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स रेस में लग जाएगी कि फटाफट पहले टारगेट कंपनी ढूंढो, उनके मैनेजमेंट को अप्रोच करो, उनके मैनेजमेंट को फायदा बताओ कि आपको अक्वायर होने से आखिर क्या फायदा है। उधर टाटा मोटर्स पर फटाफट दौड़ कर जाओ और उनको समझाओ कि ये कंपनी बेस्ट है, आप इस कंपनी को खरीदिए, दूसरी कंपनी को नहीं, आप इस कंपनी को खरीदिए। और ये सारा काम आपको क्विकली करना पड़ता है क्योंकि वहां पर दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंक भी इसी जुगाड़ में है कि क्यों ना मैं टाटा मोटर्स का दूसरी कंपनी के साथ डील करवा दूं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को आपस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस तो करवाता ही करवाता है, साथ ही साथ फाइनेंसिंग भी करवाता है। क्या करवाता है? फाइनेंसिंग। क्योंकि टाटा मोटर्स को जैसे ही जगुआर को खरीदना रहा और टाटा मोटर्स को दिख गया कि हमें 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का पेमेंट करना, बट 25,000 करोड़ है थोड़े ना टाटा मोटर्स के पास, यू नीड टू अरेंज दी फाइनेंस। तो ये फाइनेंसिंग का काम भी कौन करवा देते हैं? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील की फाइनेंसिंग का काम भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करवा देते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकर है, आपको प्रॉपर्टी खरीदनी, उसने कहा ठीक है आपका लोन का काम भी हम करवा देंगे हमारी बैंक्स में, आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लोन आपका हम करवा देंगे, राइट। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो व्यक्ति होते हैं जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करवाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट ऑफिस, एक होता है बैक ऑफिस। एज अ सीए फाइनल यूजुअली हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, पहले बैक ऑफिस में जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद 4 years डाउन द लाइन वी कैन मूव टू फ्रंट ऑफिस। करोड़ों रुपए की सैलरी होती है यहाँ पर, करोड़ों रुपए की सैलरी। कैसे करोड़ों रुपए की सैलरी, उसका कैलकुलेशन समझना। एक ब्रोकर ने जब एक प्रॉपर्टी की डील करवाई है ना, तो उसकी ब्रोकरेज कितनी बनती है, 2%, 3%, 2% ही मान लो। एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है ना, 2 करोड़ रुपीस का होता है, ये भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी करो, 2 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, तो उसका कितना परसेंट, 2%, यानी कितना हो गया 4 लाख रुपए, राइट। यहां पर जब कंपनी एक दूसरे को अक्वायर करती है तो क्या 2-5 करोड़ की बात होती है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात होती है, राइट। सपोज कि टाटा मोटर्स ने जगवार को अक्वायर किया और 25,000 करोड़ की डील है, 25,000 करोड़ की, छोटा अमाउंट में बोल रहा हूँ, इससे भी बड़ी डील है। 25,000 करोड़ की डील का अगर आपको 2% मिलता है तो कितना होता है, 500 करोड़, 500 करोड़, 50 नहीं 200, 500 करोड़। एक बार देखना यार, 25,000 करोड़ का 2% कितना होता है, 500 करोड़। 2% नहीं 1% गिनो तो भी कितना होता है, 250 करोड़, 250 करोड़। खैर 2 साल लगेंगे, पूरी 2 साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सबके मैनेजमेंट की मीटिंग करवाना, डेटा कलेक्ट करना, कन्विंस करना, पूरा प्रॉपर एक्विजिशन करवाना। एक्विजिशन के बाद की सारी रेगुलेटरी फॉर्मेलिटीज होती, कंप्लायंसेस, लीगल कंप्लायंसेस आपको लेने पड़ते हैं, यूरोप के कंपटीशन कमीशन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारे काम होते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। 2 साल मेहनत करके भी कितने मिल गए, 250 करोड़। कितने लोग लगते होंगे उस टीम में, एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 पीपल, 20 से 30 लोग बहुत है। 10 लोगों की टीम जाएगी तो बहुत है, मतलब 10 पीपल की अगर आपने टीम बना दी फ्रंट ऑफिस की और 10 पीपल की अगर बैक ऑफिस की टीम है तो सफिशिएंट है, राइट। 20 पीपल दे वर्क फॉर 2 years एंड गैदर अ रेवेन्यू ऑफ 250 करोड़, यानी पर ईयर कितना रेवेन्यू होगा, 125 करोड़, 125 करोड़। 125 करोड़ तो रेवेन्यू आया, उसका अगर आपको 40% भी सैलरी देनी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं, 40% सैलरी यानी 125 करोड़ का 40% सैलरी यानी कितना हो गया, 50 करोड़। 50 करोड़ कितने लोगों में बट रहे हैं, 20 लोगों, बहुत सारे हो गए। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काफी पैसा बनाने को होता है, बस आप कितने स्मार्ट हो उस पर डिपेंड करता है। आप जितने स्मार्ट हो आप उतना फटाफट डील करवाओगे, सामने वाले को कन्विंस करोगे। नेगोशिएशन स्किल्स यहाँ पर लगती है, क्योंकि जब दोनों पार्टीज डील टेबल पर बैठी है एंड यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आपकी ड्यूटी की आप उसको भी कन्विंस करो और आप इसको भी कन्विंस करो, यानी खरीदने वाले को भी लगना चाहिए कि मुझे फायदा हो रहा है खरीद कर, और बेचने वाले को भी लगना चाहिए कि मुझे एक अच्छा दाम मिल रहा है, क्यों ना मैं इस कंपनी को बेच दूं बजाय कि मैं इस कंपनी को रन करूं। एग्जैक्टली, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अच्छा खासा पैकेज होता है और नॉर्मली आपका फिक्स कंपोनेंट कम होता है, वेरिएबल कंपोनेंट अच्छा खासा होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आज तक का मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील है, आज तक का सबसे बड़ा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर लिखवा रहा हूँ सो दैट यू हैव एन आइडिया कि किस तरीके से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस चलता है। वोडाफोन, वोडाफोन नाम की कंपनी ने अक्वायर किया, आइडिया नहीं, मैनेजमेंट एजी नाम की कंपनी, जर्मन कंपनी। वोडाफोन यूके का ग्रुप है, यूके, और उसने एक कंपनी को अक्वायर किया, क्या, मैनेजमेंट एजी। एंड द डील साइज वाज, इस एक्विजिशन का जो डील साइज था वो था $183 बिलियन। कितना डील साइज था इसका, $183 बिलियन। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि $183 बिलियन को अगर हम कन्वर्ट करें तो आखिर ये कितने बनते हैं, हाँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो बिलियन यानी कितना, 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच, 1 बिलियन यानी कितना, 100 मिलियन, 10 मिलियन। 1 बिलियन आप कह रहे हैं, 10 मिलियन आप कह रहे हैं, 100 मिलियन आप कह रहे हैं, 10 करोड़, 100 करोड़, 100, ओके, मतलब अभी सबसे पहले ये जान लेना हमारे लिए ज़रूरी कि आखिर 1 बिलियन कितना होता है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो मिलियन और बिलियन में ही चलने वाला है। फॉरेक्स है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे टॉपिक अभी अपने मिलियन बिलियन में ही चलेंगे। हो सकता है बड़ी बात नहीं, आप एग्जाम में बैठे और आपको उन्होंने मिलियन में क्वेश्चन प्रिंट कर दिया कि कंपनी 10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही। सो यू मस्ट नो कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं और बिलियन में कितने जीरो होते हैं। ओके, हाँ, तो फाइनली क्या 10 मिलियन, 100 मिलियन, 10 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 2। तो दोस्तों अभी सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर बिलियन क्या होता है ना। ओके, और ये बिलियन को समझने के लिए ना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिलियन को समझने के लिए फ्रैंकली मैं आपको कह रहा हूँ कि रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं कि 1 बिलियन में कितने होते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ कि किस तरीके से मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस होते हैं। आपने खैर देखा ही होगा अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में जो कॉमा लगाए जाते हैं, वो हर 3 जीरोस के बाद लगाए जाते हैं कॉमा। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा होता है? नहीं, इंडिया में शुरुआत में तो 3 जीरो चलते हैं, उसके बाद कितने हैं? 2 2 जीरो चलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, ये कॉमा ऐसे हवा में नहीं लगाए जाते कि यार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम तो हर 3 जीरो के बाद कॉमा लगाएंगे, इंडिया वालों ने कहा नहीं हम तो हर 2 के बाद लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसके पीछे कारण है कि यूनिट वहां पर चेंज होती है। जहां यूनिट चेंज होती है ना वहां कॉमा लगते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, ये जो शुरुआत के 3 जीरो, दिस बिकम्स वॉट थाउजेंड्स, ये क्या बन जाता है? लैख। फिर क्या बन जाता है? करोड़। इज दैट क्लियर? तो जहां यूनिट चेंज होती है ना वहां कॉमा लगते हैं। इज दैट क्लियर? तो अमेरिका का सिस्टम क्या है कि वहां पर ये जो 3 जीरो है, दिस आर कॉल्ड एज व्हाट थाउजेंड्स। अब मालूम है इसको क्या कहेंगे? मिलियन। और इसको पता है क्या कहेंगे? बिलियन। और इसको पता है क्या कहेंगे? ट्रिलियन। इज दैट क्लियर? है ना? ओके, तो कॉमा लगाने के पीछे लॉजिक आपको समझ में है क्या है ना? ऐसा नहीं उन्होंने बोल दिया कि हम हर 3 के बाद लगाएंगे, बस लगाएंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि वहां पर हमारी यूनिट चेंज होती है। हाँ, तो अब हम समझते हैं आखिर मिलियन में क्या होता है और बिलियन में। अब अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ ले कि थाउजेंड्स में कितने जीरो, आप बोलेंगे 3, मिलियन में कितने जीरो, 6, बिलियन में कितने जीरो, 9, ट्रिलियन में कितने जीरो, 12। इज दैट क्लियर? ओके, हाँ जी। अब अपन देखते हैं 1 बिलियन इज इक्वल टू हुआ कितना। ये तो हो गए थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ वॉज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 10 मिलियन क्या करेक्ट आंसर था? नहीं, क्योंकि ये हुआ मिलियन, है ना? तो क्या 10 मिलियन करेक्ट आंसर है? नहीं। इज दैट क्लियर? ओके, तो सिंपल सी चीज है, 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना हो गया? आप क्या बोल रहे हो? 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना हुआ? 100 करोड़, राइट? 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले 1 मिलियन, एम फॉर मंकी, 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना, तो आप क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लैख। यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना? 10 लैख। इज दैट क्लियर? 1 मिलियन 10 लैख और 1 बिलियन कितना? 100 करोड़। 3 जीरो का डिफरेंस है। 10 लाख से 100 करोड़ में 3 जीरो का डिफरेंस है। 10 लाख के बाद 100 लाख यानी 1 करोड़, फिर 10 करोड़ और फिर 100 करोड़। ठीक है, तो 3 जीरो का डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ, हम इस डील साइज की बात कर रहे थे। डील साइज कितनी है? 183 बिलियन, यानी 183 इंटू 100 करोड़ कितना हो गया? 18,300 करोड़, 18,300 करोड़ डॉलर्स। $1 इज इक्वल टू रफली से 75, 80 कुछ भी चलता है, 75। हाँ जी, 18,300 करोड़ इंटू 75, 18,300 करोड़ इंटू 75 कितना हुआ? 13,72,000 और कुछ करोड़। कितनी बड़ी डील है? 13 लाख सम थाउजेंड करोड़। और इस डील को ऐसा कहते हैं कि अगर इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाए, क्योंकि पुरानी डील है, राइट, आज से 15 साल पुरानी डील है, अगर इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट किया जाए तो आज की तारीख में ये डील रफली 300 बिलियन डॉलर्स की, इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर किया जाए तो 300 बिलियन डॉलर। सोचो 20 लाख करोड़ की डील, 20 लाख करोड़ की डील अगर हो रही है तो उसका 1% तो क्या 0.5% और 0.5% तो क्या 0.1% भी, it will go into thousands of crores. So there is a huge money that could be made in investment banking. और इसलिए यहाँ पर पैकेज भी इतना अच्छा खासा लगता है because you need smartest of the people in the IB, क्योंकि आपको दो कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट के बीच में डील करवानी है. Is that clear, right? So that's the investment banking field. अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पीसी, परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि वोडाफोन आखिर इस कंपनी को खरीद रहा है मैनेजमेंट एजी को, तो कितने में खरीदे? 150 बिलियन डॉलर्स में खरीदे, 175 में खरीदे या 200 में खरीदे? और एक बिलियन डॉलर मतलब 8,000 करोड़ का फर्क आता है. 1 बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़ × 80, 8,000 का मतलब 1 बिलियन इधर से उधर हुआ कि योर फॉर्च्यून्स वुड बी एट स्टेक की 8,000 करोड़ रुपए प्लस माइनस, राइट? तो इस पर भयंकर नेगोशिएशंस होते हैं, यानी दोनों कंपनीज का मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर सब आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं. ये लोग अपना प्लस पॉइंट बताते हैं, हे यू शुड गेट एक्वायर्ड बाय अस, आपको ये बेनिफिट होगा. उधर वाले कहते हैं नहीं नहीं हमें तो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन चाहिए क्योंकि आपको हमें एक्वायर करने से ये क्लाइंट बेस मिल रहा है, ये जोग्राफी मिल रही है, आपकी कॉम्पिटिशन कम हो रही है, एंड सो ऑन. मतलब बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर डिस्कस होते और तब जाकर डील होती है. यानी देयर आर सेवरल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस, देयर आर सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग, सारी बातें कर ली जाती कि हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या हमें रेगुलेटरी परमिशंस लेनी पड़ेंगी एंड सो ऑन, राइट? लेकिन एक बार ये हो गया सो देयर इज अ ह्यूज आईबी कमीशन जो कि आपकी कंपनी कमा सकती है, राइट? दोस्तों ये जो भी पीसी डिटरमिन होता है, परचेज कंसिडरेशन डिटरमिन होता है, ये यूजुअली कैश में पे नहीं होता है. यूजुअली ये कैश में पे नहीं होता है क्योंकि किसी कंपनी के पास इतना कैश ही नहीं होता है. यूजुअली कैसे पे होता है? शेयर्स में पे किया जाता है या फिर थोड़ा मिक्स ऑफ शेयर्स, थोड़ा मिक्स ऑफ कैश. हाँ, छोटा मोटा एक्विजिशन है 50, 100, 200 करोड़ का तो वो कैश में हो जाएगा, लेकिन जो बड़े एक्विजिशंस होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? शेयर्स टू शेयर्स डील होते हैं. इज दैट क्लियर, राइट? तो उसमें हमें फिर स्वैप रेशियो की जरूरत पड़ती. किसकी जरूरत पड़ती है? स्वैप रेशियो. स्वैप रेशियो का मीनिंग होता है कि आपकी कंपनी के शेयर्स के बदले में आखिर हम आपको कितने शेयर्स इश्यू करेंगे, दैट इज स्वैप रेशियो. अब आप ये पूछेंगे कि सर ये हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस तो इंटरमीडिएट के अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है, वहां पर वो होता था ना परचेज इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन, मर्जर, ऐसा उसकी अलग अकाउंटिंग एंट्री इसकी. यहां पर आखिर हम क्या करना चाह रहे हैं? जो आप सीए इंटर में अकाउंट्स में करते थे वो था पोस्ट डील. क्या था वो? पोस्ट डील. एक बार डील हो गई, डील हो जाती थी वहां पर, राइट? और उसके बाद आखिर क्या करना वो. लेकिन जो हम एसएफएम में पढ़ेंगे वो क्या होगा? प्री डील, यानी डील होने के पहले क्या क्या. एक बार डील हो गई उसके बाद उसका अकाउंटिंग पार्ट कहाँ कवर्ड है? आपके अकाउंट्स में. लेकिन डील होने के पहले की सारी चीजें कहाँ पर कवर्ड है? एसएफएम में, राइट? तो दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के पीछे जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है प्री डील एनालिसिस. हम यहाँ पर प्री डील एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में दो चीजें होती हैं. एक होता है प्री डील एनालिसिस, इस पॉइंट पर डील डन हो जाती है. और फिर ये होता है पोस्ट डील. तो जो पोस्ट डील का सारा मुद्दा है वो होता है अकाउंट्स में, लेकिन जो प्री डील एनालिसिस है इट इज कवर्ड इन एसएफएम. ओके, आखिर प्री डील में हमें करना क्या क्या पड़ता है? मतलब प्री डील में वैसे काफी सारी चीजें होती है. हमारे सिलेबस में आखिर प्री डील में क्या क्या चीजें कवर्ड है? दो चीजें कवर्ड है हमारे सिलेबस में प्री डील से रिलेटेड. सबसे पहला तो ये कि ये पता करें हम व्हाट इज द, हाउ मच इज द बेनिफिट टू अक्वायरर एंड हाउ मच इज द बेनिफिट टू द टारगेट. अगर बेनिफिट ही नहीं पता चलेगा या बेनिफिट ही नहीं बता पा रहे हो सामने वाले को तो आपकी डील ही कैसे होगी भाई, डील कैसे होगी? जब तक आप इनके शेयर होल्डर्स को नहीं बताओगे कि आपके शेयर होल्डर्स का ये फायदा, उनके शेयर होल्डर्स को नहीं बता पाओगे कि आपका आखिर क्या फायदा, तब तक डील ही डन नहीं होगी। अच्छा, डील में हाँ बोलने से पहले उनको ये तो पता चलना चाहिए ना कि आखिर हमारा बेनिफिट क्या है। हम हमारी कंपनी का एक शेयर आपको दे रहे, उसके बदले में हमें आपका एक शेयर मिल रहा है, तो हम फायदे में हैं या फिर हम नुकसान में हैं। तो सबसे पहली चीज वो ये है is to learn how to find out the benefit to the shareholders of both the companies, ठीक है। एक मिनट, ये बेनिफिट का कैलकुलेशन डील होने के बाद नहीं होता है। अगर डील होने के बाद तो अब क्या करोगे करके, अब तो डील ही होगी। जो हम बेनिफिट का कैलकुलेशन करते हैं वो कब करते हैं? डील होने के पहले, बेस्ड ऑन अ टेंटेटिव स्वैप रेशियो। क्या वर्ड बोल दिया मैंने? बेस्ड ऑन अ टेंटेटिव स्वैप रेशियो, यानी दोनों कंपनीज का मैनेजमेंट आमने सामने बैठा है नेगोशिएशन टेबल पर, और इस कंपनी ने, अक्वायरिंग ने बोला कि हम स्वैप रेशियो 0.60 का आपको पे करने के लिए तैयार है। अक्वायरर ने क्या बोला? हम स्वैप रेशियो कितना पे करने के लिए तैयार है? 0.60। अभी समझेंगे स्वैप रेशियो क्या होता है, 0.60 क्या होता है। इन्होंने एक स्वैप रेशियो बोल दिया, तो फटाफट से जो इनकी साइड वाले हैं ना, टारगेट की साइड वाले, वो कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे कि क्या 0.60 में हमारा फायदा है या हमारा नुकसान है। अगर हमें लगता है कि हाँ सफिशिएंट फायदा है तो हम हाँ करेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं हमें स्वैप रेशियो ज्यादा चाहिए, बढ़ाकर चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में कवर्ड है। उसी तरीके से टारगेट कंपनी अगर कहती कि नहीं नहीं हमें तो मिनिमम 0.70 का ही स्वैप रेशियो चाहिए, तो अक्वायरर वाले फटाफट कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम इनको 0.70 का स्वैप रेशियो देंगे तो अपना भी कुछ फायदा बचेगा या सारा यही ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे सिलेबस में क्या कवर्ड है? कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अक्वायरर एंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट। इज दैट क्लियर? ओके, दो दोस्तों हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है यहां पर, जिसमें से पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द बेनिफिट, ठीक है। फाइंड आउट द बेनिफिट to the shareholders of acquirer and target based on some given swap ratio, based on some given swap ratio, ठीक है। मतलब एक स्वैप रेशियो दे दिया जाएगा कि इस स्वैप रेशियो पर बातचीत चल रही, जरा मिस्टर सी कैलकुलेट तो करके बताइए कि किसको आखिर कितना फायदा है। अब अक्वायरर को कितना फायदा है वो भी हमने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम अक्वायरर की साइड से सीए हो। टारगेट को कितना फायदा है वो भी हमने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम टारगेट कंपनी की साइड से सीए हो उस डील में। इज दैट क्लियर? ओके, तो सबसे पहला तो बेस्ड ऑन सम स्वैप रेशियो वी शुड बी एबल टू फाइंड आउट कि किसको कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि जो स्वैप रेशियो अगर दिया गया है उस पर बात नहीं बन रही है। बात नहीं बन रही का मतलब क्या है? कि एक्वायरर को तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और टारगेट को फायदा ही नहीं, उल्टा टारगेट को तो इस स्वैप रेशियो से नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है मतलब टारगेट वाले क्या करेंगे, वो कुर्सी पर से उठ जाएंगे और डील रूम से बाहर जाएंगे कि नहीं अब हमको तो ये स्वैप रेशियो नहीं जम रहा। तो दूसरा आपको एक और कैलकुलेशन आना चाहिए, वो ये है न्यू स्वैप रेशियो, कि आखिर आपने क्या स्वैप रेशियो सजेस्ट करना चाहिए, यानी कैलकुलेशन ऑफ स्वैप रेशियो इटसेल्फ, कि अब फिर क्या होना चाहिए स्वैप रेशियो। भाई क्या चाहते हो आप लोग, राइट? तो जो आप चाहते हो उसके हिसाब से स्वैप रेशियो कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब स्वैप रेशियो के कैलकुलेशन में भी तीन तरह के स्वैप रेशियो हमारे सिलेबस में कवर्ड है। हम लिखते हैं दोस्तों, फिर लिखते हैं वो कौन से तीन तरह के स्वैप रेशियो, राइट। और दूसरी चीज कवर्ड है वो है स्वैप रेशियो कैलकुलेशन, कि आखिर क्या एक वाजिब स्वैप रेशियो होना चाहिए, क्या एक जस्टिफाइड स्वैप रेशियो होना चाहिए। भाई जस्टिफाइड स्वैप रेशियो होगा तभी डील होगी। आप अगर स्वैप रेशियो सारा अपनी तरफ खींचोगे तो आपका तो फायदा है पर सामने वाले का नुकसान है, तो वो मना कर देगा। या सामने वाला बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो इतना सारा स्वैप रेशियो चाहिए, तो आप मना कर दोगे। तो दोनों के बीच में एक पैरिटी बिठाने के लिए यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट अ जस्टिफाइड स्वैप रेशियो, की हे दिस इज द स्वैप रेशियो इन विच यू बोथ आर बेनिफिटिंग, आपका भी फायदा हो रहा है और आपका भी फायदा हो रहा है बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स, ठीक है। ओके, तो तीन तरह के स्वैप रेशियो हमारे इसमें कवर्ड है। एक तो होता है इक्विटेबल स्वैप रेशियो। क्या? इक्विटेबल यानी जस्ट एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर यानी दोनों के लिए बराबर है, राइट। दूसरा होता है मैक्सिमम स्वैप रेशियो और तीसरा होता है मिनिमम स्वैप रेशियो। मैक्सिमम स्वैप रेशियो यानी हद से हद कितना दे सकते हैं, हद से हद, बस इससे ऊपर तो बात ही नहीं करेंगे। जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदने गए तो दिमाग में एक नंबर होता है ना, बस मैक्सिमम इतना देना है मैंने, और इससे ऊपर वो बोलेगा तो बहुत महंगा है, फिर जाने दो, आप नहीं खरीदना, राइट। तो एक होता है जस्टिफाइड स्वैप रेशियो कि यार ये फेयर है, इतना होना चाहिए। एक होता है मैक्सिमम स्वैप रेशियो कि मैं यहां तक फिर भी जा सकता हूं क्योंकि मुझे उस कंपनी को अक्वायर करने की गरज है फॉर वट एवर रीजन। और एक होता है मिनिमम स्वैप रेशियो कि मैं बेयर मिनिमम इतना तो उसको मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे कम में तो सामने वाली कंपनी मानेगी ही नहीं, ठीक है। तो तीन तरह के स्वैप रेशियो दोस्तों यहां पर कवर्ड है स्वैप रेशियो कैलकुलेशन में। एक होता है स्वैप रेशियो, मतलब उसको ना जो मैं इक्विटेबल स्वैप रेशियो बोल रहा हूं ना, उसको अपने सिलेबस में सिर्फ स्वैप रेशियो बोला जाता है, ठीक है। That is equitable swap ratio यानी just and fair कि हाँ ये fair ही तो है। और दूसरा होता है maximum swap ratio कि हद से हद आखिर हम कितना पे कर सकते हैं। और तीसरा होता है minimum कि इतना तो कम से कम हमें पे करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाली पार्टी हाँ ही नहीं करेगी, ठीक है, ओके। दैट इज मिनिमम स्वैप रेशियो। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों हमारे सिलेबस में दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर स्वैप रेशियो दे दिया, उन्होंने ही दे दिया, तो हमें पता करना है फायदा किसका कितना है। और अगर उन्होंने हमसे पूछा तो हम स्वैप रेशियो खुद कैसे निकाले, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ही स्वैप रेशियो होता है, क्योंकि उसी से ही आपका वैल्यूएशन गवर्न होता है। आपने भी जब इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग करी होगी तो आपने देखा होगा वहां पर स्वैप रेशियो कुछ दिया हुआ रहता है जिससे पीसी आपका निकलता है कि हम कितना परचेस कंसिडरेशन पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये दो चीजें दोस्तों हमें यहाँ पर सीखनी है, राइट। इंटरमीडिएट में तो वो लोग आपको स्वैप रेशियो दे के ही रखते थे, यहाँ पर हम खुद स्वैप रेशियो के विधाता होंगे कि स्वैप रेशियो खुद आखिर कैसे निकाला जाता है या स्वैप रेशियो दिया गया है तो फायदा कैसे पता करना, ओके। इससे पहले कि दोस्तों मैं ये सारे आपको कैलकुलेशन सिखाऊं, एक छोटा मोटा अपना जनरल डिस्कशन हो जाए ऑन व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसके फायदे क्या हैं, व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इसके नुकसान क्या है, एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ठीक है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। What are the advantages of mergers and acquisition? आपको क्या लगता है एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो क्या फायदे होते होंगे, उसको बोलेंगे दोस्त। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, यानी मैं इसको कहूं रीच हमारी बढ़ जाती है, ज्योग्राफिकल रीच हमारी बढ़ जाती है, यस। और क्या क्या, कंपटीशन कम हो जाती है, राइट। जैसे वोडाफोन पहले अलग था, आइडिया अलग था, ये आपस में भी कंपीट कर रहे थे, मर्ज हो गए। कल को अगर एक और टेलीकॉम कंपनी मर्ज हो जाए तो कंपटीशन और कम हो जाएगी। कंपटीशन कम होगी, जो कट थ्रोट कंपटीशन है वो कम होगी, तो नेचुरली अब आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन कम है तो आप प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्या क्या फायदे हैं? ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आपका कंपनी ज्यादा स्टेबल काउंट होगा, क्योंकि कंपटीशन आपने किल कर दी, कंपटीशन खत्म कर दी। जैसे पीवीआर और आइनॉक्स है ना, ये जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर होते हैं उसमें दो ही ब्रांड्स मेनली ऑपरेट करते हैं, पीवीआर और आइनॉक्स। ये दोनों अगर मर्ज हो गए तो कंपटीशन खत्म। अब वो अगर 200 रुपीज की जगह 220 या 250 भी कर दे टिकट प्राइस तो उनको कोई टेंशन नहीं, उनको मालूम है जाएगा कहाँ, घूम कर आएगा इधर ही, राइट। तो ये हो गया, उससे फायदा, कॉम्पिटिशन कम होती तो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती। और बताओ क्या फायदा? वेरी गुड, न्यू मार्केट में हमें एंट्री मिल जाती है। जैसे टाटा मोटर्स ने जब एक यूरोपियन कंपनी को अक्वायर करा तो यूरोप का पूरा उनको नेटवर्क मिल गया। जो जगुआर लैंड रोवर के जितने सारे डीलर्स थे वो अब उनके डीलर नेटवर्क में कवर हो गए, राइट। तो ये फायदा हुआ, हमें ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन मिलता है। और बताइए क्या? वेरी गुड, अब हमारी नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी सप्लायर से रिलेटेड। क्यों नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी? आपने कुछ वो पोर्टर्स का 5 फैक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा, राइट। तो जब आपकी कंबाइन हो जाएगी एंटिटी तो इट विल हैव अ मोर नेगोशिएशन पावर विद सप्लायर्स, क्योंकि अब आप एक अकेले कंज्यूमर हो, पहले तो आप दोनों फाइट कर रहे थे सप्लायर से सप्लाई लेने के लिए, लेकिन अब तो आप एक ही हो गए। और क्या क्या फायदे होंगे दोस्तों मर्जर्स एंड एक्विजिशन से? सिनर्जी बेनिफिट्स। सिनर्जी बेनिफिट्स का मीनिंग होता है कि हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग्स हो जाएंगे। जैसे कि वोडाफोन के पहले अलग टावर्स लगे हुए और आइडिया के अलग टावर्स लगे हुए, लेकिन अब उन्होंने देख लिया कि हमारा इस पर्टिकुलर रीजन में टावर लगा हुआ है जो कि 40% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है। आइडिया ने कहा हमारा टावर लगाए जो 30% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, एक काम करो एक टावर खत्म करो ताकि एक ही टावर पर हम 70% तक पहुंच जाएंगे, तो कॉस्ट सेविंग्स होंगी, राइट। या फिर अकाउंटिंग फंक्शन पहले वोडाफोन अलग करता है, आइडिया अपना अकाउंटिंग फंक्शन अलग करता है, लेकिन अब जब मर्ज हो जाएगी तो एक सिंगल अकाउंटिंग फंक्शन बचेगा। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको कम रखने पड़ेंगे, राइट। तो ये आपको सिनर्जेटिक बेनिफिट्स होंगे, इनको क्या बोलते हैं हम? सिनर्जी, राइट। दो कंपनीज के मर्जर से जो गेन होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिनर्जी। और क्या क्या फायदे हैं? टैक्स सेविंग्स हो जाती है। टैक्स सेविंग्स क्योंकि अगर आपने एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया तो आप उसके लॉसेस को यूज कर सकते हैं, आपके प्रॉफिट्स के अगेंस्ट उसको ऑफसेट कर लोगे, तो अब आपको गवर्नमेंट को 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही हमारा टैक्स सेविंग हो गया। इज दैट क्लियर? सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। एक कंपनी, एक छोटी कंपनी, उसने एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया, मान लो एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बना दी उसने जिसकी बहुत यूटिलिटी है, लेकिन उस छोटी कंपनी की रीच नहीं है, तो बड़ी कंपनी क्या करेगी? उस छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, क्योंकि बड़ी कंपनी के पास वो एप्लीकेशन नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी बड़ी कंपनी के पास जो प्रोडक्ट उसने डेवलप करा, लेकिन बड़ी कंपनी का नेटवर्क बहुत जबरदस्त है, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड उनका नेटवर्क है, अमेरिका में भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, यूरोप में भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। ये सिंपल क्या करेगा, इस एप्लीकेशन वाली कंपनी को एक्वायर करेगा और इस एप्लीकेशन को मास स्केल पर प्रमोट कर देगा। इज दैट क्लियर? जिससे दोनों को फायदा। वो अगर खुद से एप्लीकेशन को प्रमोट करता तो उसकी उतनी रीच ही नहीं होती, उसका उतना नेटवर्क ही नहीं था, इसको भी इस बड़ी कंपनी के साथ टैप करने में फायदा हो गया और बड़ी कंपनी को भी फायदा हो गया कि एक प्रोडक्ट मिला उसको उसने स्केल कर दिया। इज दैट क्लियर? यानी टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन से, कि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है लेकिन मेरे पास रीच है, आप मुझे टेक्नोलॉजी दो मैं आपको रीच दे दूंगा। इज दैट क्लियर? राइट। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? क्या नुकसान होते होंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के? एम्प्लॉय जो है उनमें हो सकता है कल्चरल डिफरेंसेस हो। जब आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान को एक्वायर किया तो दोनों में कल्चरल बहुत ज्यादा डिफरेंस थे। बैंक ऑफ राजस्थान यानी आप समझ रहे हो पब्लिक सेक्टर बैंक, और पब्लिक सेक्टर बैंक में कैसा काम होता है, और आईसीआईसीआई बैंक यानी कैसी प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक ने बोला अभी 2 घंटे ज्यादा रुकना पड़ेगा, मतलब रुकना पड़ेगा, और बैंक ऑफ राजस्थान के एम्प्लॉयज बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, हमारे साथ आज तक तो नहीं बात, राइट। तो देयर कुड बी कल्चरल डिफरेंसेस, राइट। या फिर अगर हमारी इंडियन कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करा था, वहां का वर्क कल्चर अलग है, यहाँ का वर्क कल्चर अलग है, तो वर्क कल्चर में कई बार पैरिटी नहीं बिठाई जा सकती। दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ओके, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के? अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हो गया कि क्योंकि अब आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑल इन ऑल कम लग सकते हैं। और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के? कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो आप इंप्रूवमेंट करना छोड़ दोगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट सिर्फ कैसे आता है? कॉम्पिटिशन से। इफ यू आर अ मोनोपोलिस्ट सो यू विल स्टॉप इम्प्रूविंग योरसेल्फ बिकॉज यू विल से कि मैं तो अकेला ही यहाँ पर हूँ तो मैंने इंप्रूव करने की भी क्या जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटेरियोरेट हो जाएगी, राइट। ये होते दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस मर्जर्स एंड एक्विजिशन के, ठीक है। व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस? और ये आपने पढ़ रखा है ये इंटरमीडिएट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर है ना, हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब होता है अगर वोडाफोन और आइडिया है ना, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल मर्जर। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर कैसा है? हॉरिजॉन्टल। इज दैट क्लियर? ओके। एक होता है कैसा? वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर का मतलब होता है कि कंपनी या तो अपने सप्लायर की कंपनी को अक्वायर कर ले या फिर अपने कस्टमर की कंपनी को अक्वायर कर ले। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अक्वायर कर ले, क्योंकि कॉटन से ही थ्रेड बनता है, थ्रेड से ही क्लोथ बनता है। अगर आप ऐसे पीछे जाकर अपने सप्लायर को खरीद लो तो ये भी वर्टिकल ही है, यानी आपका जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन की आपने किसी कंपनी को अक्वायर कर लिया तो दैट इज वर्टिकल। या फिर आप क्लोथ बनाकर लेट से किसी रिटेल शोरूम को दे रहे थे, फॉर एग्जाम्पल विशाल मेगा मार्ट हुआ या फिर पेंटालून्स हुआ, आप उनको दे रहे थे अपने क्लोथ्स सेल करने के लिए और वो लोग फर्दर कस्टमर को सेल कर रहे थे, आपने सीधे जाके पेंटालून्स को ही खरीद लिया, तो दैट इज अगेन अ केस ऑफ वर्टिकल मर्जर। हाँ, अगर आपने अपने सप्लायर को खरीदा तो ये कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, है ना। वर्टिकल में दो होते हैं, एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अगर आपने अपने कस्टमर को अक्वायर किया, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरे तरह का मर्जर होता है दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का मतलब होता है कि इन दो इस कंपनी ने इस कंपनी को अक्वायर किया, तो कुछ भी जैसे ही लग जाए कुछ भी, तो दैट इज कॉन्ग्लोमेरेट। एयरटेल ने टाटा कॉफी को अक्वायर कर लिया। एयरटेल ने किसको अक्वायर किया? टाटा कॉफी। अभी एयरटेल और टाटा कॉफी में कहीं से कहीं तक कुछ है ही नहीं, लिंकेज ही नहीं है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर यानी कि वो मर्जर जिसमें ना तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, ना कहीं से कहीं तक सप्लायर कस्टमर कनेक्टिविटी दिख रही, मतलब दो इंटायरली डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेस में अगर मर्जर होता है हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर भी होते हैं, ऐसा नहीं होते, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर भी होते हैं। उसके पीछे क्या पर्पस हो सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, कि आपको लग रहा है कि यार अभी जो मेरा लाइन ऑफ बिजनेस है अभी उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, अभी मेरे पास कैश रखा हुआ है, क्यों ना मैं इस समय में किसी एक दूसरे लाइन ऑफ बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर जाऊं, राइट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा यही है कि वो वेल डाइवर्सिफाइड है, तो उसको अगर एक सेक्टर में लेट्स से रिस्क लगती है, नुकसान होता है, तो दूसरे सेक्टर से वो कवर अप हो जाता है। जैसे बीच में ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रैश हो गए थे, तो रिलायंस ने कहा कोई बात नहीं, हमारा रिलायंस जियो चल रहा है, हमारा रिलायंस रिटेल चल रहा है, या फिर लेटेस्ट से टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन अचानक से बढ़ गई, दिल से नो प्रॉब्लम, हमारी ऑयल एंड गैस की रिफाइनरी चल रही है, उसमें हम कमा लेंगे। इज दैट क्लियर, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन कुड बी द रीजन फॉर कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, या फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस कैश कुड बी द रीजन फॉर कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। एक और तरह का मर्जर होता है यार, कोजेनेरिक। कोजेनेरिक मर्जर का मतलब क्या होता है? कोजेनेरिक यानी आप दोनों के बीच में कुछ एक टेक्नोलॉजी सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तक टीवी न्यूज चैनल आज तक, राइट, और एक दैनिक भास्कर। देखा जाए तो आज तक क्या करता है? टीवी पर न्यूज देता है ना, उसका कोई प्रिंट न्यूज़पेपर नहीं है, प्रिंटेड, राइट। और दैनिक भास्कर क्या करता है? प्रिंटिंग है ना, न्यूज़पेपर है उनका। देखा जाए तो ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं है, दोनों अलग अलग है। वो टीवी वाले न्यूज चैनल वाले उनकी कंपटीशन अलग है और ये जो प्रिंट मीडिया इनकी कंपटीशन अलग है, लेकिन दोनों का बेसिक काम तो सेम है कि दोनों जाकर फटाफट पहुंचते हैं और न्यूज गैदर करते हैं, न्यूज बनाते हैं और न्यूज को प्रमोट करते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में मर्जर करें दैट इज कोजेनेरिक मर्जर, क्योंकि उन दोनों का जो बेसिक काम है वो सेम है, राइट। या फिर इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है इंडिगो एयरलाइंस और ब्लू डार्ट कोरियर और इंडिगो एयरलाइंस, राइट। देखा जाए तो दोनों है ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, एक पीपल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और एक गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, राइट। तो इंडिगो एयरलाइंस और ब्लू डार्ट अगर मर्ज होते तो हम उनको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस बोथ आर नॉट इनटू द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। हम इसको कहीं से कहीं तक वर्टिकल भी नहीं बोल सकते, राइट, लेकिन इसको कॉन्ग्लोमेरेट भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ चीजें जो दोनों में कॉमन है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? कोजेनेरिक मर्जर कहलाएगा। मैंने क्या बोला? इंडिगो एयरलाइंस और ब्लू डार्ट। इज दैट क्लियर? तो इंडिगो एयरलाइंस जैसे ही अक्वायर करता है लेट्स सपोज ब्लू डार्ट को, तो फिर वो हो सकता है अपने एरोप्लेन्स पर वो सारे के सारे कुरियर ट्रांसपोर्ट कर दे, उसका अच्छा खासा नेटवर्क है, तो कुरियर सर्विसेज में हो सकता है सिनर्जेटिक बेनिफिट्स मिले। तो ये होते हैं कौन से? चार तरह के मर्जर, ठीक है। ओके दोस्तों, अपना जो SFM का पेपर रहता है उसके अंदर थ्योरी भी आती है, तो थ्योरी के अंदर हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, टाइप्स ऑफ मर्जर या फिर व्हाट आर दी एडवांटेजेस, यानी हो सकता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक क्वेश्चन आया, 6 मार्क का क्वेश्चन आ गया, उसके नीचे 2 मार्क्स की थ्योरी आ गई, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बिटवीन दिस एंड दिस कंपनी, यानी ऊपर वो कंपनी का नाम देंगे, मणि कंपनी लिमिटेड और रत्नम कंपनी लिमिटेड, और फिर वो नीचे बोल देंगे कि मैनेजमेंट को बताइए कि आखिर क्या एडवांटेजेस होंगे इस मर्जर के। तो आपने लिखना है सारे एडवांटेजेस कि आपको सिनर्जेटिक बेनिफिट्स मिलेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट में सेविंग होगी, जोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ेगा, मार्केट रीच बढ़ेगी, ब्रांड नेम गुडविल बढ़ेगा, एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? ओके, ये जो थ्योरी आपकी बुकलेट्स के अंदर लिखी हुई है, तो फिर मैं उसको यहाँ पर वापस से रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल्स की, जिसमें हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अब देखेंगे। लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे वो चैप्टर स्पेसिफिक होंगे, है ना। इसके पहले जो अपन ने इंट्रो के लेक्चर में बेसिक देखे थे ना, वो जनरल बेसिक थे जो किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी काम में आ जाएंगे। अब हम चैप्टर स्पेसिफिक बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, एंड दैट इज ईपीएस। बच्चा बच्चा जानता है कि ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, ईएईएस या फिर ईएटी अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ईएटी या फिर ईएईएस अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ओके, बेसिक आपको सबको पता है। पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस, दो कंपनीज मर्ज हो गई, वोडाफोन आइडिया, दो कंपनीज मर्ज हो गई। अब मर्ज्ड कंपनी का ईपीएस आखिर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताइए। वेरी गुड, है ना। दोनों का न्यूमरेटर जोड़ दो और डिनोमिनेटर, राइट। यानी कि आप क्या करोगे, दोनों का न्यूमरेटर कैसे जोड़ लोगे, वोडाफोन का कितना अर्निंग्स है और आइडिया का कितना अर्निंग्स है, दोनों का अर्निंग्स कंबाइन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज्ड कंपनी का अर्निंग्स हो जाएगा। हाँ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कैसे जोड़ेंगे। वेरी गुड, राइट, है ना। नंबर ऑफ शेयर्स के वक्त ऐसा मत करना कि अक्वायरर के कितने शेयर्स हैं प्लस टारगेट के कितने शेयर्स हैं, नहीं। यहां पर अक्वायरर के कितने शेयर्स हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन टारगेट के एग्जिस्टिंग शेयर्स तो रहेंगे ही नहीं ना मर्जर के बाद। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने आखिर टारगेट कंपनी को कितने शेयर इश्यू किए हैं। इज दैट क्लियर। यानी पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला होगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ अक्वायरर प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ टारगेट, ये जुड़ गया। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू टारगेट। इज दैट क्लियर। ओके, सो यहां पर फॉर्मूला बनता है ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ अक्वायरर, ईएटी और नीचे ए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ अक्वायरर प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय एन। यहां पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर, एन प्लस डेल्टा एन। हाँ जी, हियर एन मींस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर, एन मींस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर, और डेल्टा एन, डेल्टा एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स issued to target. Delta N means what? Number of shares issued to target. Is that clear? हाँ जी, ओके। बस इस फॉर्मूला में एक और चीज आ सकती है, वो अपन आगे जाकर जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसको फॉर्मूला को अपडेट कर देंगे, एक चीज और आ जाएगी इस फॉर्मूला में बाद में। अभी के लिए तो अपन बेसिक प्लेन बातें कर रहे हैं, ठीक है। दोनों का अर्निंग्स कंबाइन किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू टारगेट, ठीक। सर, क्या हम जब ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है तो अक्वायरर को शेयर इश्यू नहीं करते? नहीं करते, क्योंकि वो तो अक्वायरर ही है, तो वो अपने आप को क्यों शेयर्स इश्यू करेगा। जो शेयर्स इश्यू होते हैं वो सिर्फ किसको इश्यू होते हैं, टारगेट को इश्यू होते हैं। इज दैट क्लियर। ओके, हाँ जी, यहां पर ये हमने देखा पोस्ट मर्जर ईपीएस। तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, स्वैप रेशियो। कि आखिर स्वैप रेशियो क्या होता है। तो स्वैप रेशियो समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ और आप मुझे स्वैप रेशियो का कैसा क्या इफेक्ट होता है वो आप मुझे बताना, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज अक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2 लाख, टारगेट कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं सपोज 1,50,000। जो स्वैप रेशियो तय हुआ है दोनों के बीच में, वो स्वैप रेशियो तय हुआ है 3:2। स्वैप रेशियो कितना तय हुआ है? 3:2। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर मर्जर या एक्विजिशन, कुछ भी लिख सकते हैं, मर्जर या एक्विजिशन। हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है? 3 लाख। ओके, तो आंसर आ रहा है 3 लाख। नहीं, आपका अलग आ रहा है, कितना आ रहा है? 4,25,000। ओके, हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर? 3 लाख। ओके, इसका मतलब ये है कि स्वैप रेशो कैसे पढ़ना वो भी हमें अभी सीखना है, राइट। जबकि हम वैसे कई बार इंटरमीडिएट में स्वैप रेशो लगा कर आए हैं, है ना। बस यही मैं वो आपको कह रहा था, बेसिक सी चीज़ें कि आपने मुझसे सब सीख लिया, पूरा आपने बेनिफिट का कैलकुलेशन सीख लिया, लेकिन अगर आपने एग्जाम में स्वैप रेशो करेक्ट नहीं पढ़ा तो कोई सीखने का मतलब नहीं, वो तो वो गलत हो गया। तो सारे कैलकुलेशन आपका फ्लो सही होगा लेकिन आंसर्स गलत हो गए। हाँ जी, स्वैप रेशियो कितना है? 3:2। अच्छा, इसलिए दो आंसर्स आए। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि 1,50,000 को डिवाइड बाय 3 और इंटू 2 करा, तो उनका आंसर कितना आ गया? 3 लाख। और कुछ स्टूडेंट्स ने इसको डिवाइड बाय 2 और इंटू 3 किया, तो उनका आंसर आ गया 4,25,000। हम समझते हैं आखिर 3:2 को कैसे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम एक्चुअली गलती आपकी नहीं, आपको इसको पढ़ना करेक्ट सिखाया ही नहीं गया। आप इसको क्या पढ़ते हो? 3:2। इसको क्या पढ़ते हो आप? ये पढ़ते हो 3:2 ही पढ़ते हो ना? छोड़ दो, आज से आप इसको 3:2 पढ़ो ही मत, क्योंकि 3:2 जैसे ही आपने पढ़ा तो ये कंफ्यूजन हो गया। आज नहीं कह रहा हूं, सीए बनने के 5 साल बाद भी 3:2 वुड बी कंफ्यूजिंग फॉर यू इफ यू रीड इट एज 3:2। इसको 3:2 नहीं पढ़ना। ये जो बीच में सिंबल है ना, सेमीकोलन वाला, इसको पढ़ो फॉर। क्या पढ़ो आप इसको? फॉर। नहीं पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते, 3:2। हाँ, अभी क्या पढ़ने में आ रहा है? 3:2। हाँ जी, 3:2 का क्या मीनिंग है? 3 शेयर्स फॉर 2 शेयर्स, मतलब कितने के बदले में कितने? 3 के बदले में 2 या 2 के बदले में 3? 2 के बदले में 3। इज दैट क्लियर? 3:2, यू विल गेट 3 शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स। हाँ जी, तो अब आप एक बात बताइए कि ये जो 1,50,000 है, ये 3 के बराबर है या फिर ये 2 के बराबर है? 2 के बराबर। यू विल गेट 3:2, यानी आपके शेयर्स को हम कितने के बराबर मान रहे हैं? 2 के बराबर। और हम आपको क्या देंगे? 3 दे देंगे। हम आपके हर 2 शेयर के बदले में 3 शेयर दे देंगे। हर 2 के बदले में ले जाओ 3 शेयर। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर 3 लाख है, करेक्ट आंसर 4,25,000 है। 4,25,000। बस यही काम मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में चाहता हूं कि आपका एटलीस्ट बेसिक क्लियर हो, नहीं तो आप कितना भी एडवांस पढ़ लो और बेसिक गलत, मतलब वो नो यार ये इतना सा गलत हो गया, ये ऐसा हो गया। चलिए, तो दोस्तों आप एक तो अच्छी आदत डाल लो यार। क्या अच्छी आदत डालनी हमने आज कि ये जो 3:2 है ना, इसमें इसको इस 2 नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको इस 2 जैसे ही पढ़ा मतलब कंफ्यूजन हुआ। सो रीड इट एज 3 for 2 मतलब 3 शेयर दो के बदले में, फॉर एवरी 2 शेयर यू विल गेट 3 शेयर. ओके, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये वाला गलत आंसर है ना. हाँ जी, तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे. नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 1,50,000 है टारगेट के शेयर, और हर 2 के बदले में 3, यानी हम तो बढ़ाकर ही दे रहे हैं शेयर, यानी कितने शेयर्स हम इशू कर देंगे, 2,25,000 शेयर्स इशू कर देंगे, है ना. कुल कितने शेयर इशू कर देंगे, 2,25,000 शेयर्स हम इशू कर देंगे. ठीक है, therefore total number of shares outstanding, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हो जाएंगे, जितने अक्वायरर के थे 2 लाख वो तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस 2,25,000 किसको इश्यू हो जाएंगे, टारगेट को इश्यू हो जाएंगे. सो 4,20,000, एक मिनट मैंने गलत मार्किंग कर दी ना, ये 3 लाख गलत है, 425 सही है, 425 करेक्ट है और 3 लाख गलत है ना. यही अपनी बात भी हो रही थी ना कि 4,25,000 इज दी करेक्ट आंसर. सो 4,25,000 इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. यानी स्वैप रेशियो का अगर कोई आपसे मीनिंग पूछ ले, भाई स्वैप रेशियो का मीनिंग क्या होता है, तो स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि टारगेट के हर एक शेयर के बदले में हम कितने शेयर देंगे, या टारगेट के हर कुछ शेयर के बदले में हम कितने कुछ शेयर्स देंगे. एग्जैक्टली ये लिख लेंगे दोस्तों आप यहाँ पर स्वैप रेशियो की डेफिनेशन. ये आप साथ साथ नोट करते चलते हो ना, आपकी ऐसी आदत तो नहीं डली हुई कि एक बार सर पूरा लिख दे, हम अच्छे से समझ लें फिर हम नोट करेंगे. नहीं, सीए फाइनल. ओके, तो स्वैप रेशियो मींस तो आप समझते चलिए और साथ साथ नोट भी करते चलिए. ठीक है, स्वैप रेशियो मींस फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टारगेट, फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ टारगेट, how many shares of, how many shares of acquirer will be issued. स्वैप रेशियो का मीनिंग होता है कि टारगेट के हर एक शेयर के बदले में आखिर अक्वायरर कितना शेयर इश्यू करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्वैप रेशियो 0.6 है, एग्जाम्पल स्वैप रेशियो इज 0.60 एंड दैट्स इट. बस क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, एग्जाम में क्या बोल दिया, स्वैप रेशियो हमारा 0.60 है, तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग है कि टारगेट के हर एक शेयर के बदले में 0.60 शेयर्स इश्यू करेगा अक्वायरर. इज दैट क्लियर. ओके, सो इट सिंपली मीन्स कि ये रहा अक्वायरर, ये रहा टारगेट, और टारगेट का हर एक शेयर यहाँ आएगा, 1 शेयर ऑफ टारगेट, और 1 शेयर ऑफ टारगेट के बदले में, और 1 शेयर ऑफ टारगेट के बदले में अक्वायरर टारगेट को 0.60 शेयर ऑफ अक्वायरर विल बी इश्यूड टू टारगेट. तो बाय डिफॉल्ट 0.60 का मतलब होता है 0.6:1. बाय डिफॉल्ट 0.60 ही लिखेंगे वो लोग, पूरा नहीं लिखेंगे 0.6:1. तो आपने समझ जाना है 0.6 मतलब उनके 1 शेयर के बदले में हम हमारे 0.6 शेयर देंगे. इज दैट क्लियर. ओके दोस्तों, नेक्स्ट बेसिक है पीई रेशियो, लेकिन वो तो आपको अच्छे से आता है. पीई रेशियो इज मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस. ठीक है, ओके. हाँ जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेसिक है दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. बट मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी दोनों फॉर्मूलाज आपको आते हैं. एक तो होता है मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, और दूसरा होता है पीई रेशियो इंटू ईएटी, है ना, अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस. बस यही मार्केट कैप, यही मार्केट कैप अगर आपको मर्जर के बाद वाला निकालना हो, कौन सा, मर्जर के बाद वाला मार्केट कैप, तो आप ईएटी सिर्फ अक्वायरर का लोगे या दोनों का कंबाइन करके, दोनों का कंबाइन करके, है ना. और पी रेशियो प्लीज दोनों का कंबाइन मत कर देना. पी रेशियो हम क्या करेंगे, जो मर्जर के बाद होने वाला है, रहने वाला है पीई रेशियो वो लेंगे, है ना। नहीं तो वो तो डबल कॉम्बिनेशन हो, दोनों का ईएटी भी जोड़ दिया पीई मतलब वो तो डबल हो जाएगा ना, मल्टीपल। ठीक है, तो अर्निंग्स को कंबाइन करना है और मल्टीपल कोई सा एक ही रहेगा। ठीक है, वो कौन सा रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो कुछ असम्पशन रहेगा, वो अपन आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमने हमारे बेसिक्स देखे जिसमें हमने मेनली वो स्वैप रेशियो का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर करा, और पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना वो सीखा, राइट। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी तरह की सिचुएशन एग्जाम में आने वाली है उसका रफली 80 से 90% मैंने 3 एग्जाम्पल में कवर करना है। 3 एग्जाम्पल में आपके सामने रखूंगा, 3 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स, और इस 3 कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन की सिचुएशन सारी की सारी कवर हो जाएगी, राइट। देखते हैं दोस्तों वो 3 एग्जाम्पल्स। आते हैं हम हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल पर। comprehensive example number 1. Let us suppose कि 2 कंपनीज हैं, एक है मिकी और दूसरी कंपनी है डोनाल्ड। सपोज कि जो मिकी नाम की कंपनी है वो है एक्वायरर, और डोनाल्ड नाम की कंपनी है टारगेट। सो मिकी कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर डोनाल्ड कंपनी है। मिकी एक्वायर कर रहा है डोनाल्ड को। इनकी कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लेते हैं। मिकी कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है सपोज 1 लाख रुपीस, और डोनाल्ड कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस है सपोज 40,000 रुपीस, है ना। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम छोटे नंबर ले रहे हैं, लाखों करोड़ों में अभी बातें नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन में हो जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स मिकी कंपनी के 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और डोनाल्ड कंपनी के 8,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यानी देखा जाए तो जो इनका ईपीएस आता है, अर्निंग्स पर शेयर आता है ना, इसका अर्निंग्स पर शेयर आ जाता है 10 रुपीस और इसका अर्निंग्स पर शेयर आ जाता है 5 रुपीस। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउ टू फाइंड आउट द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ दी कंपनीज। अब ये बेनिफिट भी कई तरह का होता है, तो मैं आपको बहुत सारी तरह पहले से ही नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो डेटा ही उतना दूंगा जिससे एक तरह का निकल पाएगा, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा डेटा चेंज करूंगा, दूसरे तरह का बेनिफिट भी निकलेगा। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहला वाला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं इज टू हाउ टू फाइंड आउट द बेनिफिट टू द एक्वायरर एंड द टारगेट। लेकिन बेनिफिट पता कर सके उसके लिए मुझे आपको स्वैप रेशियो देना पड़ेगा, है ना। देखो बेनिफिट निकालना है तो स्वैप रेशियो देना है। ठीक है, स्वैप रेशियो पर ही तो निकलेगा कि अच्छा ये स्वैप रेशियो, तो फिर तो इतना इतना फायदा है। स्वैप रेशियो जैसे ही चेंज होगा वैसे ही दोनों का फायदा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इफ मिकी कंपनी ऑफर्स स्वैप रेशियो ऑफ 0.40 भी लिख सकता हूं या 0.4:1, दोनों का मीनिंग एक ही है। सो मिकी कंपनी ने दोस्तों 0.4:1 का ऑफर किया है स्वैप रेशियो। वी हैव टू कैलकुलेट द गेन और लॉस टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ दी कंपनीज। हमें दोनों ही कंपनी के शेयर होल्डर का नफा नुकसान, क्या फायदा क्या नुकसान है वो निकालना है। ठीक है, ओके। तो अभी प्लीज आप कैलकुलेटर पर मत कीजिए, यहाँ पर मैंने डेटा ही इतना लिमिटेड दे रखा है कि वो फायदा या नुकसान एक ही तरह से निकल सकता है। अब ये फायदा या नुकसान हम पता कर सके उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अपन सब जो इधर बैठे हैं, है ना, अपन सब हो गए मिकी कंपनी वाले यानी वी आर एक्वायरर। ठीक है, जो उस तरफ बैठे में ऑल ऑफ यू आर डोनाल्ड कंपनी यानी यू आर टारगेट कंपनी। मिकी कंपनी वालों ने क्या किया, एक ऑफर लेटर बनाया और उसमें लिखा टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डोनाल्ड और लिखा सब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ योर कंपनी और फिर उसके बाद लिखा वी आर सो एंड सो कंपनी मेकी कंपनी उसका ये प्रेजेंस है ये टर्नओवर है ये है एंड सो ऑन वी ऑफर यू अ स्वैप रेशियो ऑफ कितना 0.40 और ये ऑफर लेटर बढ़िया से कलर प्रिंट आउट निकाला लिफाफे के अंदर रखकर किसको भेज दिया डोनाल्ड कंपनी को भेज दिया। डोनाल्ड कंपनी वाले सुबह सुबह 9 बजे अपनी कंपनी में आए और उन्होंने देखा यार ये क्या लेटर है। उन्होंने लेटर ओपन करके देखा देयर इज एन ऑफर लेटर ऑफ 0.40 स्वैप रेशियो। मतलब डोनाल्ड कंपनी वाले पढ़ते से ही समझ गए कि हमारा ये लोग 1 शेयर लेंगे, मतलब 1 शेयर खत्म हो जाएगा एक तरीके से और उसके बदले में मिकी कंपनी का कितना शेयर आ जाएगा 0.4 हमारे पास आ जाएगा। अब डोनाल्ड कंपनी का जो खेमा है डोनाल्ड कंपनी का जो इलाका है राइट वो लोग हलचल मच जाएगी यार क्या है ये ऑफर लेटर जरा कंसीडर तो करो भाई फायदा होगा तो क्यों नहीं करेंगे है ना। ओके तो एक तो हमें देखना है कि डोनाल्ड वालों को कितना फायदा है इससे इस ऑफर से डोनाल्ड वालों को कितना फायदा है। अच्छा इधर अपन ने भी 0.40 टाइप करके भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा अपना भी कुछ 2 पैसे का फायदा अपने को दिख रहा होगा। हाँ तो हमें भी देखना है कि आखिर हमारा इससे क्या फायदा है या फिर क्या नुकसान है। हाँ आपके पास 15 सेकंड सोचने का समय है, कैलकुलेटर नहीं चलाना उसमें 15 सेकंड बस सोचना है कि कैसे आप अपने अपने फायदे पता करेंगे। कैलकुलेटर नहीं चलाना, कैलकुलेटर तो यूं चल जाएगा। 15 सेकंड बस ये सोचना है हाउ वुड यू फाइंड आउट द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी एंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ देयर कंपनी। तो भाई फायदा या नुकसान तो एक ही तरीके से निकल सकता है, मैं अभी क्या कमा रहा हूं और मैं आगे जाकर क्या कमाऊंगा है ना। यानी डोनाल्ड कंपनी वालों की बात करते हैं सबसे पहले डोनाल्ड वाले क्या बोलेंगे भाई अभी हमारा अर्निंग पर शेयर 5 रुपए 5 रुपीज हम हर एक शेयर पर इनकम कमा रहे हैं। एक बार मर्जर वर्जर हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारी अर्निंग्स चेंज हो जाएगी। अब वो अर्निंग्स अगर चेंज हुई और बढ़कर आई मतलब हम फायदे में है और अगर अर्निंग्स चेंज होकर घटकर आई तो हम नुकसान में। सिमिलरली जो मिकी कंपनी वाले वो भी यही देखेंगे कि हाल फिलहाल हम कितने कमा रहे हैं, हम सुखी हैं। अभी अपन मिकी कंपनी अभी अपन ने अक्वायर नहीं करा डोनाल्ड को, अभी हम सुखी कितने रुपए कमा रहे 10 रुपीज पर शेयर कमा रहे। एक बार जैसे ही हमने डोनाल्ड कंपनी को उठाकर अपने आप में मर्ज करा माना कि उनकी अर्निंग्स हमारी हो जाएगी लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स भी तो बढ़ जाएंगे तो ज्यादा लोगों में वो इनकम ज्यादा इनकम होगी लेकिन बटेंगी भी ज्यादा लोगों में। तो देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा ईपीएस कहीं ज्यादा डाइल्यूट तो नहीं हो रहा है। अगर हमारा ईपीएस कम हो जा रहा है मतलब हम तो नुकसान में आ गए। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से 2 नंबर्स हैं जिनको कंपेयर कर लेना और फायदा या नुकसान निकल जाएगा। कौन से 2 नंबर्स को कंपेयर करेंगे है ना। एक तो प्री मर्जर ईपीएस जो दोनों का अपना अपना है ही है। आपका अक्वायरर का 10 रुपीज है और टारगेट का कितना है 5 रुपीज, ये तो है ही है। ये क्या हो गया प्री मर्जर ईपीएस, हम पहले कितना कमाते हैं। और एक और क्या कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा पहले पोस्ट मर्जर ईपीएस, एक तरीके से ना मर्जर के बाद वाला ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना बच्चा बच्चा जानता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने देखा था। दोनों का ईएटी कंबाइन कर दो और नंबर ऑफ शेयर्स कंबाइन मत कर देना। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे होंगे अक्वायरर के नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू टारगेट। इससे क्या निकल जाएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस, क्या निकल जाएगा पोस्ट मर्जर ईपीएस। ओके तो दोस्तों यहां पर जब भी हमें फायदा या नुकसान निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें पोस्ट मर्जर डेटा निकालना पड़ेगा राइट। एक बात बताना है जो फायदा या नुकसान का कैलकुलेशन हो रहा है ये मर्जर होने के बाद हो रहा है। पहले एक बार हो गया मर्जर फिर क्या करोगे फायदा कैलकुलेट करेगा तो हो गया मर्जर राइट। मर्जर के पहले एक टेंटेटिव स्वैप रेशियो आ गया हमारे पास कि यार एक ऐसा ऑफर आया चलो कंसीडर तो करें कि क्या फायदा है या नुकसान है। हाँ जी तो पोस्ट मर्जर ईपीएस कैसे निकालेंगे, दोनों के ईएटी को जोड़ देंगे डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन शेयर कर देंगे। दोनों के ईएटी को जोड़ेंगे तो कितना आता है 1,40,000 1,40,000 आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स में अक्वायरर के तो एज इट इज ले लें शेयर्स। अक्वायरर के कितने शेयर्स ले लेंगे 1 लाख शेयर्स 10,000 शेयर्स है ना। अक्वायरर के तो हम ले लेंगे 10,000 शेयर्स लेकिन क्या टारगेट के 8,000 शेयर्स लेंगे नहीं। टारगेट के हर एक शेयर के बदले में हम कितना शेयर इश्यू करने वाले 0.4 यानी कुल कितने शेयर्स इश्यू करेंगे 3200 3200 शेयर इश्यू करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हो जाएंगे 13,200 है ना। बताओ जरा कैलकुलेट करके कितना आता है पोस्ट मर्जर ईपीएस 10.667 लिख लू मैं 10.606 आ रहा है ओके तो पोस्ट मर्जर ईपीएस आता है 10.606। ये देखकर एक कंपनी वाले तो एकदम खुशी हो गए। बोलो कौन खुश हो गए? टारगेट कंपनी एक्वायरर खुश हो गए या दोनों ही खुश हो गए? दोनों ही खुश हो गए ओके बस यही हमको सीखना। टारगेट कंपनी का कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है। टारगेट कंपनी का कैलकुलेशन या टारगेट कंपनी का कंपैरिजन थोड़ा सा ट्रिकी है। टारगेट कंपनी के 5 रुपीज को आप 10.606 से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने इन लोगों से 5 रुपए का एक शेयर छीना है, छीन लिया इनसे 5 रुपीज का एक शेयर। क्या 10.606 की कमाई देने वाला पूरा शेयर इनको दिया है? नहीं, क्योंकि इनके 1 शेयर के बदले में हमने हमारा पूरा शेयर दिया ही नहीं। यानी ऐसा होगा ही नहीं कि उनका 5 रुपीज का शेयर लिया और 10.606 का ये ले जाओ पूरा शेयर, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो टारगेट में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन एक्वायरर का तो क्लियर कट दिख रहा है यार, एक्वायरर का तो क्लियर कट दिख रहा है। एक्वायरर के तो पहले भी 10,000 ही शेयर्स थे, आप लोगों के सबके मिलाकर पहले भी 10,000 ही शेयर्स थे और अभी भी 10,000 ही शेयर्स हैं। पर पहले आपका हर एक शेयर कितने रुपीस कमाकर दे रहा था? 10। और अब आपका हर एक शेयर 10.606 कमाकर दे रहा है। देयर इज अ क्लियर कट गेन ऑफ 0.606 रुपीस पर शेयर। हर एक शेयर पर आपका 0.606 का गेन हो रहा है। या अगर मैं टोटालिटी में बात करूं कि ओवरऑल गेन एक्वायरर को कितना हो रहा है तो 0.606 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 शेयर्स यानी 6060 रुपीस का 6,060 रुपए का एक्वायरर को फायदा हो रहा है। टारगेट की कहानी सुनना, टारगेट वालों से 1 शेयर हमने लिया। वैसे वो कितनी कमाई देता था टारगेट वाला शेयर उनको? 5 रुपीज। हाँ, हमने उनका 1 शेयर लिया और बदले में हमने कितना शेयर दिया? 0.4 ही दिया, सिर्फ 0.4 शेयर दिया। तो क्या 10.606 की कमाई उनको हर एक शेयर के बदले में 10.606 की पूरी कमाई मिलेगी? नहीं, 10.606 इंटू 0.4 इतनी कमाई मिलेगी, 4.24। यानी 5 रुपीज की इनकम वाला 1 शेयर दिया और 10.606 की कमाई वाला सिर्फ 0.4 शेयर ही दिया। तो उनकी कमाई टारगेट की 10.606 नहीं हुई, 10.606 इंटू 0.4 4.24 ही कमाई हुई। टारगेट वाले क्या बोलेंगे यार, अपना 1 शेयर गया, अच्छा बड़ा अच्छा 5 रुपए का अच्छी भली कमाई देता था 5 रुपए की। हाँ, उधर से कितना आया? सिर्फ 0.4 शेयर आया है ना। माना कमाई ज्यादा देता है, 10.606 देता है, लेकिन आया कितना? सिर्फ 0.4। यानी इफेक्टिवली या एडजस्टेड ईपीएस कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एडजस्टेड ईपीएस। तो हमें कितना ही मिला? 4.24। यानी अपना तो नुकसान ही हो गया टारगेट। कितने का नुकसान हुआ? 0.76 पर शेयर का नुकसान हुआ है। किसको? टारगेट को। इज दैट क्लियर? ठीक है ओके। यानी सिंपल सा बेसिक सा रूल है भाई, मुझे फायदा है नुकसान निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं पहले क्या था और बाद में क्या हो गया कंपेयर कर लो। यानी प्री मर्जर ईपीएस कंपेयर्ड विथ पोस्ट मार्जर ईपीएस, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टू फाइंड आउट गेन। ठीक है, तो यहां पर जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कंपेयर। प्री मार्जर ईपीएस वर्सेस पोस्ट मार्जर ईपीएस। मुझे फायदा है नुकसान निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे मैं देख लूंगा कि पहले क्या था, पहले मैं क्या था और अब मैं क्या से क्या हो गया। ओके, तो प्री मर्जर तो मेरे पास डेटा ही है, सीधा डेटा ही है ना। मैं क्या कर लूँ? पोस्ट मर्जर कैलकुलेशन कर लूँ एक बार। ओके So post-merger EPS is equal to earnings after taxes of acquirer plus earnings after taxes of target divided by number of shares of acquirer plus number of shares issued to target. So earnings after taxes of acquirer is 1 lakh और target का earning है कितना 40,000. तो combined earnings हो गया 1,40,000. Number of shares of acquirer है कितना 10,000 shares plus number of shares issued कितने हैं 3,200. 3,200 shares हमने issue करे right. ये 3,200 का हमने calculation क्या रखा 8,000 shares थे उनके 0.4 into 0.4 क्योंकि हर एक शेयर के बदले में 0.4 शेयर दिया यानी 8,000 शेयर्स के बदले में 3,200 शेयर्स हम इशू करेंगे राइट. तो ये हमारा पोस्ट मर्जर ईपीएस आ जाता है 10.606 ठीक है 10.60606 ऐसा कुछ आ रहा होगा. तो आप एग्जाम में इसको 10.60 भी लिख सकते हो सॉरी 10 पॉइंट या तो 61 लिखो या फिर 10.606 लिख दो या फिर 10.6061 लिख दो है ना. एग्जाम में राउंडिंग ऑफ का आईसीआई ने कोई क्लियर कट रूल नहीं बना रखा है कि आपको 2 डेसिमल तक ही करना है 3 या 4. तो कभी वो लोग 3 तक जाते कभी वो लोग 4 तक जाते हैं ना. अपन सिलेबस में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे रैशनली सोच पाएंगे कि इसको कहाँ तक ले जाकर राउंड ऑफ करना है ताकि ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा डिजिट तक जा रहे हैं ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. तो सिंपल सा थंब रूल एक रीजनेबल लेवल तक आपको उसको लेकर जाना है ओके. अब दोस्तों हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और स्टेटमेंट में कंपेयर कर लेंगे पोस्ट मर्जर ईपीएस को किसके साथ प्री मर्जर ईपीएस के साथ ओके. स्टेटमेंट शोइंग गेन ऑब्लिक लॉस टू दी shareholders यहां पर एक कॉलम आ जाएगा particulars एक आ जाएगा acquirer भी नाम दे सकते हो और मिकी भी नाम दे सकते हो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो और एक आ जाएगा target या फिर डोनाल्ड है ना. हाँ जी सबसे पहले हम इनका लिख देते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस और फिर उस पोस्ट मर्जर ईपीएस में से हम माइनस कर देंगे. को मालूम है पोस्ट मर्जर ईपीएस में से क्या माइनस कर देंगे प्री मर्जर ईपीएस. जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली अगर प्लस में आया मतलब फ़ायदा और माइनस में आया मतलब नुकसान है ठीक है. तो दोनों का जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे ये आ जाएगा हमारा गेन ऑब्लिक लॉस ओके. अब मैं कहता हूं कि पहले हम प्री मर्जर ईपीएस दोनों का लिख लेते हैं. चलिए तो अक्वायरर का प्री मर्जर ईपीएस कितना है 10 और टारगेट का कितना है 5. टारगेट का प्री मर्जर ईपीएस हो गया 5 ओके. अब पोस्ट मर्जर ईपीएस आप मुझे अक्वायरर का बताइए 10.606 क्योंकि अक्वायरर वाले तो वही लोग हैं जिनके पास पहले एक शेयर था और अभी भी एक शेयर है. आपका तो कुछ चेंज नहीं हुआ आपके पास तो 1 शेयर होल्डर आप पहले भी उस कंपनी के तो और अभी भी 1 शेयर ही पर पहले 1 शेयर 10 देता था 1 शेयर कितना दे रहा है 10.606. सो देयर इज अ गेन ऑफ 0.606 और ये जो गेन या लॉस आया ये कैसा आया पर शेयर आपका गेन या लॉस आ गया 0.606 ठीक है. अब प्लीज यहां पर जब आप टारगेट का नंबर लिखो तो सीधे 10.606 मत लिख देना वो तो गलत ही हो जाएगा. उसके पीछे कारण क्या है कि जो आपका 5 रुपीज़ इनकम देने वाला 1 शेयर आपने सेक्रीफाइस किया उसके बदले में 10.606 कमाई देने वाला 1 शेयर आया ही नहीं. हाँ आपके 5 रुपए की कमाई देने वाला 1 शेयर जाता हो 10.606 की कमाई देने वाला पूरा 1 शेयर अगर आपको मिल जाता तो बात थी फिर तो हम कंपेयर कर सकते थे लेकिन 10.606 की कमाई वाला पूरा शेयर हमें नसीब ही नहीं हुआ. कितना शेयर नसीब हुआ सिर्फ 0.4. तो हम 10.606 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से ठीक है 4.24 है ना. इसे हम कहते हैं एडजस्टेड ईपीएस. क्या बोलते हैं एडजस्टेड ईपीएस या फिर हम इसे इक्विवेलेंट ईपीएस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट ईपीएस भी बोल सकते हैं ठीक है. तो इसलिए आप यहां पर स्लैश करके लिखेंगे यहां पर अब आप ऐसे स्लैश करके लिखेंगे पोस्ट मर्जर EPS ऑब्लिक adjusted EPS, and this adjusted EPS is also known as equivalent EPS. ठीक है, तो एग्जाम में अगर वो इक्विवेलेंट वर्ड भी यूज कर ले तो अपने को कोई टेंशन नहीं, वो यही बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट EPS. ठीक है, इसे हम इक्विवेलेंट EPS भी कह सकते हैं. हाँ जी, तो ये आ रहा है 4.24. ठीक है, ओके. 4.24 का दोस्तों हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया है. 4.24 का कैलकुलेशन हमने 10.606 इंटू 0.4 कर दिया, यानी हमने पोस्ट मार्जर EPS को मल्टीप्लाई किससे कर दिया? पोस्ट मार्जर EPS को हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? स्वैप रेशियो से, राइट. यानी कि एडजस्टेड EPS का कल उठाकर कोई आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो आप फॉर्मूला बता पाओगे. एडजस्टेड EPS का फॉर्मूला क्या हो गया? पोस्ट मार्जर EPS इंटू स्वैप रेशियो. ठीक है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला, है ना. एडजस्टेड EPS का फॉर्मूला होता है पोस्ट मर्जर EPS. इंटू स्वैप रेशियो. ओके, नुकसान आ रहा है ना 0. कितने का? 0.76 का. यहाँ पर नुकसान आ रहा है, लॉस आ रहा है 0.76 का. ओके, अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही. इधर फायदा आ रहा है 0.606 का और उधर नुकसान आ रहा है 0.76 का, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है यार? नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट है जिस पर ये फायदा और नुकसान हो रहा है. यहां पर दोस्तों अगर एक का फायदा हो रहा है ना, इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि दूसरे का नुकसान होगा. नहीं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, उसमें अगर एक का फायदा हो रहा है तो पक्की बात है कि दूसरे का नुकसान होगा. पूछो क्यों या बताओ क्यों? क्योंकि कुछ सिनर्जी तो हुई नहीं. आप 1 लाख कमाते थे, वो लोग 40,000 कमाते थे, है ना. मतलब 10 रोटी आप लेकर आए, 4 रोटी वो लेकर आए, कुल मिलाकर कितनी 14 रोटी हो गई. अगर आप थोड़ी ज्यादा खा गए, मतलब किसके शेयर में से खा गए? अगर दोनों के मर्जर से कुछ फायदा होता, सिनर्जिटिक बेनिफिट्स होता, मतलब आपकी 10 रुपीज की इनकम, उनकी 4 की इनकम, और मिलाकर अगर इनकम बढ़ती, तो फिर हो सकता है विन विन सिचुएशन क्रिएट होती. लेकिन अभी क्योंकि इनकम में तो कुछ इजाफा ही नहीं हुआ, और फिर भी एक पार्टी की इनकम में इजाफा हो गया, मतलब दूसरे के नुकसान की कीमत पर ही हुआ है. तो यहां पर अगर कोई सिनर्जी नहीं है अर्निंग्स में, मतलब जो पहले अर्निंग्स थी बस वो सिंपल जोड़ दिया और यही मर्जर के बाद भी अर्निंग है, तो फिर अगर एक का फायदा हो रहा है मतलब पक्की बात है कि दूसरे का नुकसान होगा. और दूसरी पक्की बात कि जितना एक का फायदा होगा उतना ही दूसरे का भी नुकसान होगा. बस यहां पर वो पर शेयर में टैली नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग है ना. तो हमें एग्जाम में एक काम और करना पड़ता है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स का इफेक्ट देकर टोटल गेन या लॉस भी निकालना पड़ता है, और वो वाजिब भी बात है. हाँ जी, तो हम यहां पर गेन या लॉस पर शेयर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे, राइट. गेन और लॉस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, अक्वायरर के कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स. हाँ जी, तो यहां पर अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल गेन ऑब्लिक लॉस. अब हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल गेन ऑब्लिक लॉस. तो टोटल गेन अक्वायरर का कितना हो गया? 60 रुपीज का हो गया है टोटल गेन. ठीक है, टारगेट के केस में नंबर ऑफ शेयर्स को लेकर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, दो ऑप्शन है. टारगेट के केस में या तो हम 8,000 शेयर्स ले लें जो उनके पहले थे, या फिर 3,200 शेयर्स ले लें जो उनके अभी हैं. आराम से सोचो, 10 सेकंड्स का आपके पास टाइम है कि 8,000 करेक्ट मल्टीप्लिकेशन या 3,200. 8,000 है ना, उसके पीछे कारण देखना क्या है, क्योंकि जो आपकी 5 रुपीज की कमाई है उसका बेस क्या है? 8,000 शेयर्स या आप 8,000 ही शेयर्स पर कमा रहे थे, ओके. और आपको जो 4.24 मिल रहे हैं वो हर एक एक 8,000 के हर एक एक शेयर के बदले में मिल रहे हैं। इन्हें ₹5 की कमाई वाला एक शेयर दिया तो उसके बदले में 4.24 की कमाई हर पुराने शेयर पर मिल रही है, वो पर ओल्ड शेयर है 4.24। अगर मैं 10.606 लिखता ना ऊपर तो फिर वो पर न्यू शेयर और ऑन 30-100 शेयर होती। इनकम 10.606 की इनकम किस पर होती है? ऑन 30-100 शेयर्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। लेकिन ₹5 के शेयर देकर मैं अगर कमाई 4.24 ही लिख रहा हूं तो मैं पर ओल्ड शेयर ही आपकी इनकम एक्सप्रेस कर रहा हूं, मतलब 4.24 भी पर ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स है 8,000 और ₹5 भी क्या है? पर ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स यानी 8,000 शेयर्स, ठीक है। तो आपकी ये जो इनकम आई है ना 0.76 ये भी पर ओल्ड नंबर ऑफ शेयर ही है, ठीक है। टारगेट एक शेयर दिया 8,000 में से एक शेयर दिया 4.24 की इनकम मिली, वो पर ओल्ड शेयर ही मिली। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने बोले थे आपने? 8,000। कितना आता है ये? 60880, ठीक है। ये 6080 माइनस में लिख दें, है ना। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्या इनमें? हाँ, वो डिफरेंस क्यों है वो आप समझ रहे हो, राउंडिंग ऑफ एरर, ठीक है। तो सर फिर एग्जाम में चलेगा। आईसीआई का भी आप सजेस्टेड देखोगे तो ऐसा ही आता है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है, थोड़ा सा डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का रहता है जिसको वो लोग इग्नोर करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इतना सा जो शेयर है, वो इतना सा जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? राउंडिंग ऑफ की वजह से आ रहा है। वो टॉलरेबल एरर है एग्जाम में, ठीक है। उनके सजेस्टेड में भी ऐसे ही आता है, 24,100 का गेन, 24,200 का लॉस, ठीक है। ओके दोस्तों, ये हमने देखा कि किस तरीके से गेन या लॉस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है ना। और ये दोनों एक दूसरे से टैली होंगे, मतलब जो इसका फायदा है वो इसका नुकसान रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 8,000 शेयर्स आपको समझ में आ गया क्यों लिया है? क्योंकि ₹5 ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स का बेस है और 4.24 भी जो आपको कमाई मिल रही है वो पर 1 ओल्ड शेयर मिल रही, तो आपका गेन या लॉस भी कैसा आ रहा है? पर 1 ओल्ड शेयर, इसलिए ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ऐसा शौक है कि नहीं मैं तो यहां पर 30-100 शेयर ही लिखने का शौक रखता हूं, तो फिर आपको यहां पर भी कुछ और लिखना पड़ेगा, यहां पर भी कुछ और, यहां पर भी कुछ और आएगा, और फिर भी आपका आंसर तो 6080 ही आएगा। एक बार मैं ये भी कर देता हूं क्योंकि आईसीआई ने एक दो क्वेश्चन के सोल्यूशन में ऐसा भी किया हुआ है, नॉर्मली वो यही फॉलो करते हैं, है ना। चलो, अगर यहां पर 30-100 लिखने का शौक है, मतलब आप पर न्यू शेयर चल रहे हो, मतलब आप कैसे चल रहे हो? पर न्यू शेयर। तो आपकी इनकम पर न्यू शेयर कितनी है? 10.606। हाँ, आपको 1 शेयर देने के बदले में कितना मिल रहा है? 0.4। तो एक नया शेयर पाने के लिए, एक नया शेयर पाने के लिए क्या एक शेयर देना पड़ेगा? ज्यादा देने पड़ेंगे। कितने शेयर देने पड़ेंगे? 2.5 शेयर्स देने पड़ेंगे आपको। शर्त लगा लो, देखो कैसे। आपने इधर 1 शेयर दिया तो आपको कितने मिल रहे? 0.4। आपका कहना नहीं मुझे पूरा 1 शेयर चाहिए, तो आपको इधर से 2.5 शेयर भेजने पड़ेंगे, तो 2.5 इंटू 0.4 करके आपको कितना मिल जाएगा? 1 शेयर। हाँ, तो अब आपकी जो कमाई जाएगी, अगर आपको 10.606 की कमाई चाहिए तो जो कमाई जाएगी वो ₹5 का 1 शेयर भेजकर नहीं कमाई जाएगी, 2.5 शेयर। हाँ, तो अब ये कितना हो गया? 12.5। आपकी इनकम अभी 2.5 शेयर पर ₹12.5, 12.5 रुपीज है, और वो 2.5 शेयर देकर 1 शेयर आ गया आपके पास जो कितने का है? 10.606 की कमाई वाला। तो आपका नुकसान कितना हो रहा है? 1.894 का आपका लॉस आ रहा है पर ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स या पर न्यू शेयर? पर न्यू शेयर, क्योंकि अब आपने सारा, आपकी इनकम भी जो ₹12.5 वो अब पर ओल्ड शेयर नहीं है, वो अब पर 1 न्यू शेयर है। इज दैट क्लियर? तो ₹12.5 की कमाई भेजी तो उधर से 10.606 वाला 1 शेयर आया। अब अगर आप इसको 30-100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 30-100 से अगर आप मल्टीप्लाई करने का शौक रखते हो तो फिर आपको ऐसे वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इस पर्टिकुलर ऑफर में दोस्तों अक्वायरर का तो फायदा है, तो अक्वायरर तो हाँ कर देगा। इनफैक्ट अक्वायरर ने तो 0.4 के स्वैप रेशियो पर पहले ही कैलकुलेशन कर लिया होगा कि अपना तो फायदा है, अपन तो भेजो ऑफर। देखते हैं ये जो टारगेट वाले हैं इनमें टैलेंट है कि नहीं, ये लोग समझ पाते हैं कि नहीं। टारगेट वालों ने देख लिया कि यार हमारा तो 5 रुपीज़ का 1 शेयर जा रहा है और एडजस्टेड ईपीएस सिर्फ कितना मिल रहा है 4.24, अपना तो इसमें नुकसान है। टारगेट वालों ने भी उधर से एक लेटर टाइप किया, थैंक्स फॉर योर ऑफर, वी हैव कंसीडर्ड योर ऑफर बट वी हैव केम टू द कंक्लूजन दैट इट इज नॉट बेनिफिशियल टू अवर शेयर होल्डर्स, हेंस वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर। यार अक्वायरर तो अक्वायर करने के लिए तैयार है लेकिन टारगेट क्या बोलेगा, हम नुकसान में क्यों अक्वायर हो, इससे तो हमारे जो अभी चल रहा है वो बढ़िया है। ठीक, तो इधर से अक्वायरर वालों ने कॉल ही कर दिया टारगेट वाले को, कॉल, और कॉल पर पूछा कि भाई आप क्या चाहते क्या हो। तो टारगेट वालों ने बोला सिंपल सी एक बात हम चाहते हैं कि हम टारगेट कंपनी तभी बनेंगे जब माना कि एक्विजिशन से हमारा फायदा नहीं हो चलेगा और नुकसान भी ना हो, यानी कि जो हमारा ईपीएस अभी है, टारगेट का अभी ईपीएस कितना है 5 रुपीज, हम वो ईपीएस मेंटेन करना चाहते हैं। क्या वर्ड बोल दिया, हम ईपीएस मेंटेन करना चाहते हैं। मेंटेन करना चाहते हैं मतलब हम हमारी इनकम 5 रुपीज देखना चाहते हैं, जो अभी सिर्फ कितनी दिख रही 4.24 दिख रही, वो नहीं चाहते, हमें कितनी चाहिए हमारी अर्निंग 5 रुपीज, है ना। इसको लिखते हैं फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ये वही चल रहा है ना, एग्जाम्पल वन ही चल रहा है। कैलकुलेट स्वैप रेशियो, कैलकुलेट स्वैप रेशियो सो एज टू मेंटेन ईपीएस ऑफ, टारगेट कंपनी। हाँ जी, क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, स्वैप रेशियो सो एज टू मेंटेन ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी, राइट। या फिर इसको एक और लैंग्वेज आईसीआई लिख सकता है, नहीं इसको मिनिमम नहीं कहेंगे, हाँ एक तरीके से इक्विटेबल स्वैप रेशियो हो गया, राइट। कैलकुलेट स्वैप रेशियो, बेस्ड ऑन ईपीएस, कैलकुलेट स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस, ईपीएस के बेसिस पर स्वैप रेशियो कैलकुलेट करें। यानी देखना क्वेश्चन क्या है, टारगेट कंपनी कहती कि भाई हम जब पहले 5 रुपए कमा रहे थे तो हम क्यों 4.24 वाला ऑफर एक्सेप्ट करें, हम क्यों हमारा नुकसान करें, माना हम 2 पैसे कमाना नहीं चाह रहे इस डील से, हम ज्यादा नहीं चाह रहे, फायदा नहीं चाह रहे, लेकिन हम नुकसान भी नहीं चाह रहे। यानी हमारी इनकम जो पहले कितनी थी 5, वो अब भी कितनी होनी चाहिए 5 ही होनी चाहिए। ये 4.24 आपने कैसे निकाला था, पोस्ट मर्जर ईपीएस आपने ले लिया था 10.606 और इसको मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो कितना कर दिया था 0.40, तो आपका ये कितना आ गया था एडजस्टेड ईपीएस 4.24। कंपनी वाले क्या चाहते, नहीं 4.24 नहीं, वी वांट टू मेंटेन द ईपीएस, यानी हमें कितना लाना है, ये तो हमें कितना ही चाहिए 5 ही चाहिए। नाउ कैलकुलेट स्वैप रेशियो, अगर स्वैप रेशियो क्या होना चाहिए, सो एज टू मेंटेन द ईपीएस ऑफ टारगेट कंपनी। दोस्तों आंसर बोले 0.48, 0.5, 0.5, दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 0.48, एक आ रहा है 0.5, अपना अलग आ रहा है 0.48, 0.5। हाँ जी, बताइए आंसर्स क्या आ रहे हैं, 0.5, मतलब दो ही तरह के, किसी का और नहीं आ रहा 0.41, 0.42, 0.48। चलिए, दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 0.48 और एक आ रहा है 0.50। हम समझ लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है। देखो, अगर आपको टारगेट कंपनी का ईपीएस मेंटेन करना है, यानी कि इन्हें नुकसान हो अर्निंग्स के टर्म्स में या नहीं हो नुकसान, उसके लिए यहाँ जीरो चाहिए, मतलब वो तो यहाँ पर भी जीरो चाहिए, और यहाँ जीरो लाने के लिए अगर ये 5 है, अच्छा ये तो 5 ही रहेगा क्योंकि ये तो प्री मर्जर, ये तो हो चुका है, तो ये भी कितना चाहिए 5 ही चाहिए। अब ये 5 कैसे निकलता है, पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू स्वैप रेशियो, और हमें पोस्ट मर्जर इंटू स्वैप ईपीएस इंटू स्वैप रेशियो कितना चाहिए 5 चाहिए। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना है 10.606, तो स्वैप रेशियो आखिर कितना हो, कितना आ रहा है आंसर 0.47, 47 कितना 4714 तो 0.48 नहीं आ रहा था क्या आंसर? अच्छा राउंड ऑफ करके बोल दिया था राइट। ये आंसर गलत है 0.4714 या 0.48 ये आंसर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये आपने 5 तो सही सेट करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप स्वैप रेशियो इससे पता कर रहे हो, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। लेकिन ये 10.606C अब होल्ड गुड नहीं करेगा। ये 10.606 जो कमाई है ना, ये 10.606 की कमाई खुद ही 0.4 के स्वैप रेशियो से निकली हुई है। अब जब आपका स्वैप रेशियो ही चेंज हो जाएगा तो क्या आपकी कमाई ये रहेगी? नहीं। तो अब आप इस कमाई को उठा ही नहीं सकते हो नया स्वैप रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ गए? जिन्होंने 10.606 पर भरोसा करते हुए आंसर निकाला है वो 10.606 अब रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 10.606 निकालते वक्त आप एक स्वैप रेशियो यूज कर चुके हो, और जब वो स्वैप रेशियो ही नहीं रहेगा तो 10.6 कहां से रहेगा? तो क्या आप 10.606 को बेस बना सकते हो? नहीं बना सकते हो राइट। तीन तरीके से आंसर निकल सकता है। यहां पर तीन तरीके से आंसर निकल सकता है। वो तीन तरीके क्या है? मैं तीनों तरीके आपको बता रहा हूं। आईसीआई कभी पहला तरीका अपनाता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो अपन तीनों तरीके समझेंगे और फिर उसके बाद एक तरीके को फाइनलाइज कर लेंगे, उसे हम आगे तक यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तीन तरीके देखना दोस्तों क्या है। अगर इन लोगों को इनका अर्निंग्स मेंटेन करना है, मतलब ये नुकसान देखना चाह रहे हैं क्या? नहीं। ये क्या देखना चाह रहे हैं? यहां पर माइनस नंबर या जीरो देखना चाह रहे हैं, जीरो। तो ऑटोमेटिकली अगर यहां जीरो चाहिए तो यहां पर भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि यार एक का अगर फायदा है तो दूसरे का नुकसान है, दूसरे का फायदा है मतलब पहले का नुकसान है। तो अगर आपको यहां जीरो चाहिए तो यहां पर भी क्या ही लाना पड़ेगा? जीरो ही लाना पड़ेगा। अगर यहां जीरो लाना है, ये 10,000 शेयर्स तो जो है सो है, यहां पर भी गेन या लॉस पर शेयर क्या होना चाहिए? जीरो। ये जो 10 है ये तो शाश्वत सत्य है कि ये तो 10 ही रहेगा। तो अगर यहां जीरो लाना है तो ऊपर क्या चाहिए? फिर हमें 10 चाहिए, यानी कि हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना सेट कर देना है? 10 सेट कर देना है। ये रहा पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला। यहां पर पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना सेट कर देंगे? 10। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। देखना कैसे, इसको 10 सेट कर दिया, ये 1 लाख आ जाएगा, ये 40,000 आ जाएगा, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड जो है वो हम कैसे निकालते हैं? 8,000 इंटू स्वैप रेशियो। अब स्वैप रेशियो खुद क्या है वही हमें पता करना है। हमें एक ऐसा स्वैप रेशियो निकालना है जिससे कि 10 आ जाए पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 8,000 इंटू एक्स लिख दो या एसआर लिख दो, स्वैप रेशियो कुछ भी लिख दो। ओके, हाँ जी, ये लिख दिया मैंने, फॉर्मूला है मैंने करेक्ट लिखा। प्लीज एक बार देख लीजिए फॉर्मूला करेक्ट है क्या। 10 रुपीज का मैंने पोस्ट मर्जर ईपीएस सेट कर दिया, उधर 1 लाख और 40,000 लिख दिया, नीचे 10,000 शेयर्स लिख दिया, प्लस 8,000 इंटू स्वैप रेशियो। तो ये ऐसा स्वैप रेशियो बता देगा जिससे पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ जाए? 10। और पोस्ट मर्जर ईपीएस 10 आ गया तो अक्वायरर का, तो जो पोस्ट मर्जर है वो प्री मर्जर के बराबर है, मतलब अक्वायरर का गेन या लॉस क्या हो जाएगा? जीरो। और अक्वायरर का जीरो मतलब टारगेट का भी, और टारगेट का इसका मतलब है कि ईपीएस मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको आता है क्या? इस 10,000 प्लस 8,000 इंटू एसआर को यहां पर ले आएंगे, यानी कि ये कितना बन जाएगा? 1 लाख प्लस 80,000 एसआर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 1,40,000। इन दोनों को जोड़ दिया, ये 1 लाख उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 40,000 बचा है ना। एसआर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000। करेक्ट आंसर इज 0.50 इज द करेक्ट आंसर। ये हुआ एक तरीका, ठीक है, कि पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ, सॉरी, पोस्ट मर्जर ईपीएस को आप प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर के बराबर सेट कर दो। पोस्ट मर्जर ईपीएस को क्या सेट कर दो? प्री मर्जर ईपीएस ऑफ एक्वायरर, ताकि एक्वायरर का वो ही जो प्री मर्जर ईपीएस है वही पोस्ट मर्जर आ जाए, तो एक्वायरर का गेन या लॉस जीरो हो जाएगा, तो टारगेट का भी जीरो हो जाएगा। ये हुआ पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका होगा कि अपन अक्वायरर से मत चलो, अपन टारगेट से ही चलो। किससे चलो? टारगेट से ही चलो, ठीक है। तो उस केस में यहां आपको जीरो देखना है। ये 8000 तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है, ये उनके जो 8000 शेयर्स हैं वो हैं, तो यहां पर क्या चाहिए? जीरो चाहिए। यहां अगर जीरो चाहिए तो ये 5000 तो अगेन एक शाश्वत सत्य हो गया, हमेशा ये तो 5 ही रहेगा। यहां पर एडजस्टेड ईपीएस कितना चाहिए? फिर 5 चाहिए। अब आप एडजस्टेड ईपीएस को कितना सेट कर दो? 5 सेट कर दो। एडजस्टेड ईपीएस खुद क्या होता है? पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू स्वैप रेशियो, यानी ये रहा पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूं स्वैप रेशियो से, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? एडजस्टेड ईपीएस का। बस, अब मैं करके नहीं बता रहा हूं, बस बता रहा हूं कि कैसे होगा। एडजस्टेड ईपीएस कितना सेट कर दोगे? 5। ये दोनों पता है, एन भी पता है, 10,000 शेयर्स। डेल्टा एन तो नहीं पता है, बट डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट होता है वो तो मालूम है, 8,000 इंटू एसआर, और यहां पर भी क्या है? इंटू एसआर। पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन वेरिएबल है, वो क्या है? एसआर, उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास दूसरा तरीका, ठीक है। पर एक और है, वो तीसरा तरीका भी है ना, उससे भी आंसर आ जाता है, सेम आता है। पहले अपन ये दो तरीके लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है, फिर तीसरे तरीके पर जाएंगे। तो दो तरीके मैंने कौन से बताए? पहला बताया कि एक्वायरर की नजरों से सोचो। पहला क्या बताया कि एक्वायरर की नजरों से सोचो। दूसरा क्या बता दिया कि टारगेट की नजरों से सोचो। एक्वायरर की नजरों से क्या सोचो? कि जो उसका अर्निंग्स है, उसका जो गेन या लॉस है वो कितना हो जाए? जीरो। तो उसके लिए पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना हो जाए? 10, ठीक है। दूसरा है टारगेट की नजरों से सोचो कि नहीं, हमें तो भाई एडजस्टेड ईपीएस कितना चाहिए? 5, तो उसके फॉर्मूले को यूज कर लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही मल्टीपल तरीके से कर देता है, इसलिए मुझे सारा बताना पड़ रहा है। फिर ये जो मैंने तरीके बताए ना, ये आगे जाकर आपकी मजबूरी बन जाएंगे। जैसे अभी तो मुझे मालूम है कि जो आपने 0.5 आंसर निकाला, कुछ बच्चों ने तो ऐसे निकाल लिया 0.5 आंसर, ऐसे, है ना। वही अपन ऐसे वाला ही तरीका नॉर्मली यूज करेंगे, लेकिन कभी कभी आईसीआई ऐसा आपको फंसा देगा क्वेश्चन में कि वो ऐसे वाला तरीका नहीं लगेगा, तो इसलिए इनका भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों लिखते हैं फटाफट हम, ये क्या क्या है हमारे पास तरीके। ओके, सो वी हैव गॉट 3 ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास 3 तरीके हैं यहाँ पर। ऑल्टरनेटिव वन है यूजिंग पोस्ट मर्जर ईपीएस, ठीक है। तो आप यहां पर पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला लिख देंगे। पोस्ट मर्जर ईपीएस इज इक्वल टू earnings after taxes of both the companies combined divided by n plus delta n. पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना सेट कर देंगे? कितना सेट कर देंगे पोस्ट मर्जर ईपीएस? 10. क्यों सेट कर देंगे 10? क्योंकि अगर एक्वायरर का ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होने देना है, यानी उसका जीरो लाना है, तो हमारा भी जीरो ही होना चाहिए। अदरवाइज उसका फायदा हुआ तो हमारा नुकसान, उसका नुकसान हुआ तो हमारा फायदा, राइट। बिकॉज फॉर टारगेट कंपनी टू मेंटेन इट्स ईपीएस, because for target company to maintain its EPS, acquirer company also needs to maintain its own EPS. अगर हमें उसका EPS मेंटेन करवाना है तो हमें अपना भी EPS मेंटेन करना पड़ेगा। हम ज़्यादा नहीं कमा सकते, नहीं तो उसका नुकसान हो जाएगा। 1 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ शेयर्स, तो 10,000 ही रहेंगे, और डेल्टा एन यानी उनके कितने शेयर के बदले में कितने शेयर दिए, तो उनके कितने शेयर है वो तो मालूम है 8000 और बदले में कितने शेयर देंगे उसके लिए इंटू क्या कर दो एसआर। अब बस अब एक ही अननोन वेरिएबल रह गया एसआर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, ये जो डिनोमिनेटर है पूरा का पूरा उठकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि इट विल बिकम 1 लाख प्लस क्या हो जाएगा बताते जाओ 1 लाख प्लस 80,000 एसआर। ओके, एसआर की जगह एक्स भी ले सकते हो, डिफाइन कर देना लेट दी स्वैप रेशियो बी एक्स। हाँ जी, फिर इसके बाद 1 लाख उधर भेज देंगे माइनस में, तो 80,000 एसआर इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000 और फिर देयरफॉर स्वैप रेशियो कितना हो जाएगा 0.50 ना, 40,000 डिवाइडेड बाय 80,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ऑल्टरनेटिव राइट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि अक्वायरर का पोस्ट मर्जर ईपीएस मत मेंटेन करो आप, तो टारगेट का एडजस्टेड ईपीएस सेट कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव टू, ऑल्टरनेटिव टू इज यूजिंग एडजस्टेड ईपीएस। ओके, तो एडजस्टेड ईपीएस का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। एडजस्टेड ईपीएस का यूं तो फॉर्मूला होता है पोस्ट मर्जर ईपीएस, है ना। एडजस्टेड ईपीएस हम कैसे निकालते हैं, हमने कैसे निकाला था 4.24 है ना, पोस्ट मर्जर ईपीएस इंटू स्वैप रेशियो 10.606 इंटू स्वैप रेशियो कर दिया था। बस अब यहां पर ये वाली गलती मत कर देना कि पोस्ट मर्जर ईपीएस आपने कितना लिख दिया 10.606, अब वो होल्ड गुड ही नहीं करेगा, वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसको निकालते वक्त 10.606 को निकालते वक्त आपने एक स्वैप रेशियो यूज किया और अब आप जब स्वैप रेशियो ही चेंज कर रहे हो तो स्वैप रेशियो वहां पे भी तो चेंज होगा, इसलिए वी कैन नॉट टेक 10.606। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पोस्ट मर्जर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईएटी ऑफ अक्वायरर प्लस ईएटी ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू टारगेट इनटू क्या हो जाएगा स्वैप रेशियो। ये हो गया एडजस्टेड ईपीएस का फॉर्मूला। बस अब डेटा सेट कर दो, डेटा सेट कर दो मतलब यहां पर एडजस्टेड ईपीएस कितना लिख देंगे आप 5 रुपीज। भाई हमें तो 5 चाहिए ताकि हमारा पहले भी 5 था अभी भी 5 है, 0 पर आ जाएंगे हम, ईपीएस हमारा मेंटेन हो जाएगा ना। ओके, EATA आ जाएगा 1 लाख प्लस EATT आ जाएगा कितना 40,000, दोनों को डिवाइड करेंगे N प्लस डेल्टा N, जिसमें N तो 10,000 ही रहेगा और डेल्टा N यानी कितने शेयर इश्यू करेंगे तो उनके कितने शेयर हैं वो तो पता है 8,000, कितने इश्यू करेंगे दैट वुड डिपेंड ऑन स्वैप रेशियो यानी 8,000 इंटू SR हो गया और मल्टीप्लाई बाय क्या SR। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, SR से SR कैंसिल नहीं है ना। ओके चलो फिर बताओ फिर कैसे होगा, तो इधर से डिनोमिनेटर को उठाकर उधर ले आएंगे यानी कि ये कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 40,000 एसआर, है ना। क्यों नहीं करा यार अपने कैंसिल, अच्छा भला कैंसिल हो रहा था। अच्छा इधर प्लस में भी इसके साथ कुछ है तो वो सीधा कैंसिल नहीं होता। इज इक्वल टू 1,40,000 एसआर, है ना। ओके अब क्या करेंगे, ये 40,000 एसआर इधर लाकर माइनस कर देंगे तो 50,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 लाख एसआर, देयरफॉर एसआर कितना हो गया अगेन 0.5। ठीक है, अब इतनी मेहनत करे जिंदगी में, उसकी वजह क्या करा है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने एक फॉर्मूला ही बना दिया। उन्होंने बोला काहे इतनी मेहनत करते हो, उन्होंने एक फॉर्मूला ही बना दिया और उससे आंसर ऐसे फटाफट निकल जाता है। वो आंसर वो देखना फॉर्मूला क्या है, बस आप तो ये सिर्फ एग्जाम्पल को देखोगे तो ही आपको मालूम चल जाएगा। आप सभी अपने आप को डोनाल्ड माने, हम सब कौन है, हम सब डोनाल्ड है। हम हमारा एक शेयर देंगे बदले में उनकी 10 रुपए कमाई वाला पूरा शेयर मिल गया तो मजे ही आ जाएंगे। लेकिन क्या हमें ज्यादा कमाई चाहिए, नहीं, हमें तो कितनी कमाई चाहिए जो पहले हमारी कमाई थी वो आ जाए। तो 10 रुपए वाला पूरा शेयर चाहिए, अधूरा आधा ही शेयर चाहिए, आधा ही शेयर चाहिए, राइट। इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, EPS ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय EPS ऑफ अक्वायरर, जिसका मीनिंग ये होगा कि हे अक्वायरर पूरा शेयर मत दो, बस उतना हिस्सा दे दो जितना हमारा पहले था। तो तुम्हारी 10 की कमाई है वो तुम रखो, हमारी 5 की कमाई थी तो तुम्हारा 5/10 ही दे दो बस हमको, या हमारी पहले 8 रुपए की कमाई है तो 8/10 ही दे दो तुम्हारा शेयर। इज दैट क्लियर? 8/10 ही दे दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, EPS ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय EPS ऑफ अक्वायरर, है ना। ऑल्टरनेटिव 3 में आपको लिखवा रहा हूं, फॉर्मूला जो मैंने बोला उससे थोड़ा सा डिफरेंट लिखवाऊंगा। ऑल्टरनेटिव 3 है यूज स्वैप रेशियो फॉर्मूला। यूज स्वैप रेशियो फॉर्मूला, और स्वैप रेशियो का फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों आखिर क्या है। स्वैप रेशियो इज इक्वल टू रेलेवेंट फैक्टर, शब्दों का प्रयोग देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म, रेलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट फर्म अपॉन रेलेवेंट फैक्टर ऑफ, अक्वायरर फर्म। मैंने वर्ड EPS यूज करा या मैंने वर्ड रेलेवेंट फैक्टर यूज करा, रेलेवेंट फैक्टर, यानी ये फॉर्मूला क्या स्पेसिफिक सिर्फ EPS के लिए है या ये जनरल फॉर्मूला है? ये जनरल फॉर्मूला है, राइट। इस फॉर्मूला में रेलेवेंट फैक्टर आप वो लिख दोगे जो आप मेंटेन करना चाह रहे हो। जैसे अभी के केस में आप क्या मेंटेन करना चाह रहे हो, EPS, तो आप EPS ऑफ टारगेट लिखो डिवाइडेड बाय EPS ऑफ अक्वायरर कर लो, ठीक है। कल को एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नहीं हम अर्निंग्स नहीं, हम तो मार्केट प्राइस मेंटेन करना चाहते हैं कि अक्वायरर का शेयर 1000 रुपए का है, टारगेट का शेयर 500 रुपए का या 400 रुपए का है, और हम मार्केट प्राइसेस मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप रेलेवेंट फैक्टर किसको बना दोगे, मार्केट प्राइस। कल को तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं EPS छोड़ो, मार्केट प्राइस छोड़ो, हम बुक वैल्यू पर शेयर, नाम तो सुना होगा, बुक वैल्यू पर शेयर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप रेलेवेंट फैक्टर किसको बना देना, बुक वैल्यू, मतलब जो फैक्टर आप मेंटेन करना चाहते हो दैट विल बिकम योर रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए हियर रेलेवेंट फैक्टर मीन्स एनी फैक्टर, आप कुछ भी फैक्टर दे सकते हैं, मीन्स एनी फैक्टर, एग्जाम्पल EPS भी हो सकता है, एग्जाम्पल मार्केट प्राइस भी हो सकता है, बुक वैल्यू पर शेयर भी हो सकता है। कल उठाकर कोई और फैक्टर दे दिया कि हमने तो यह मेंटेन करना है, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, दैट मीन्स एनी फैक्टर दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, That needs to be maintained। या फिर एक और लैंग्वेज क्वेश्चन यूज करेगा तब भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा नहीं इस फैक्टर के बेसिस पर कैलकुलेट करो स्वैप रेशियो, तो वो फैक्टर को इस रेलेवेंट फैक्टर की जगह डाल देना, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, तो बोल सकते हैं EPS needs to be maintained, EPS becomes relevant factor, स्वैप रेशियो needs to be calculated on the basis of EPS, तो भी ऑन द बेसिस ऑफ EPS में EPS बिकम्स रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। और बेस्ड ऑन विच स्वैप रेशियो नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, मतलब वो दो वर्ड हैं रहेंगे, या तो बोलेंगे ये मेंटेन करो तो वो बन जाएगा रेलेवेंट फैक्टर, या बोलेंगे इसके बेसिस पर स्वैप रेशियो कैलकुलेट करो तो वो बन जाएगा रेलेवेंट फैक्टर, ठीक है। अभी हमारे केस में रेलेवेंट फैक्टर क्या है, EPS, राइट। तो अपन अपने केस में बस डेटा डालकर इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। इन आवर केस EPS नीड्स टू बी मेंटेन्ड, तो इसलिए जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, EPS ऑफ टारगेट अपॉन EPS ऑफ अक्वायरर ईपीएस ऑफ टारगेट है ₹5 और ईपीएस ऑफ अक्वायरर कितना है 10, तो ये आ जाएगा 0.50 हमारा स्वैप रेशियो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो चलो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दो कंपनीज प्लेन मर्ज हो गई, इनकी कमाई 1 लाख थी, इनकी 40,000 थी, दोनों मर्ज हो गई। अगर सर इसमें मर्जर की वजह से कुछ सिनर्जेटिक बेनिफिट्स होते हैं, यानी मान लीजिए कि दोनों का मर्जर हुआ जिसकी वजह से इनके नेगोशिएशन पावर बढ़ गए, अब ये सप्लायर से ज़्यादा डिस्काउंट ले पा रहे हैं, मतलब इनकी परचेस कॉस्ट कम हो जाएगी, परचेस कॉस्ट कम हो जाएगी मतलब प्रॉफिट, अब प्लेन समेशन थोड़ी ना रहेगा, प्रॉफिट थोड़ा बढ़कर आएगा। या फिर लेटेस्ट से कस्टमर से अभी अच्छा बार्गेन कर पा रहे हैं, ज्यादा प्राइस ले पा रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या प्लेन समेशन होगी या प्लेन समेशन से ज्यादा होगी, प्लेन समेशन से ज्यादा होगी। उस केस में क्या एक का फायदा दूसरे का नुकसान होगा या दोनों का भी फायदा आ सकता है? दोनों का भी फायदा आ सकता है, राइट। दूसरी चीज यहां पर अभी जो हमने फैक्टर कंसीडर किया है वो सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स कंसीडर किया। क्या किया? अर्निंग्स कंसीडर। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी हुई जो कि लॉस मेकिंग कंपनी हुई, क्या लॉस मेकिंग कंपनी का एक्विजिशन नहीं होता? होता है। क्या लॉस मेकिंग कंपनीज की मार्केट प्राइस नहीं होती है? होती है ना। बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनी जैसे पेटीएम हुआ, क्या है लॉस मेकिंग कंपनी बट दे स्टिल कमांड सम मार्केट प्राइस। और ऐसे कई सारी लॉस मेकिंग कंपनीज दे डू हैव मार्केट प्राइसेस, क्योंकि फिर उनकी वैल्यू प्रॉफिट की वजह से नहीं है, कुछ और दूसरे फैक्टर्स की वजह से कि उनका रीच इतना है, ब्रांड नेम है, उनका कस्टमर तक पहुंच है। आज माना उनका लॉस है लेकिन आगे जाकर वो लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना बड़ा कस्टमर उनके हाथ में है, तो राइट। तो ऐसी कंपनीज के केस में फिर ईपीएस कंसीडर नहीं होता, ऐसी कंपनीज के केस में फिर उनके मार्केट वैल्यूज को देखा जाता है, राइट। तो आखिर अगर सिनर्जी इन अर्निंग्स हो तो किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, अगर मार्केट प्राइसेस हैं दी हुई क्वेश्चन में तो फिर मार्केट वैल्यूज को किस तरीके से कंसीडर किया जाए, ये जानने के लिए मिलते हैं हम हमारे अगले एपिसोड में। ओके, एक चीज जो भी हम पढ़ रहे हैं बस उसको घर पर जाकर एक बार 10 मिनट्स का रिवीजन कर लेना। क्या बोल रहा हूं मैं? सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको इतना पूरा रिवाइज करना। सो कॉन्सेप्ट कॉपी आपको सिर्फ पलटनी रहेगी। अगर जो पढ़ाया हुआ है वो आपने 10 मिनट्स भी रिवाइज कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवीजन करवाने का टाइम बच जाएगा तो अपन और ज्यादा कॉन्सेप्ट कवर कर पाएंगे। ओके।